देश के सभी सम्मानित किसानों, आज के इस व्याख्यान में मैं खेती और किसानों के बारे में जो स्थिति है भारत की, उसके बारे में कुछ कहूंगा। भारत की खेती, भारत के किसान आज किस स्थिति में है? आज से 200 साल पहले भारत के किसान, भारत की खेती किस हालत में थी? उन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण आज के इस व्याख्यान में मैं करने की कोशिश करूंगा। और ये तुलनात्मक विश्लेषण इस दृष्टि से होगा कि अगर 200 साल पहले खेती और किसानी की स्थिति बहुत अच्छी थी तो आज उसकी समस्या क्या हो गई, और उसको फिर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता हो सकता है, वो रास्ता हम सारे देश के लोगों को ढूंढना होगा। उस दृष्टि से आज के इस व्याख्यान में खेती और किसानों के विषय को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। आप सब जानते हैं कि भारत में खेती और कृषि कर्म बहुत ही उच्च दर्जे का व्यवसाय माना गया है, और भारतीय समाज में कृषि कर्म और किसानों के लिए खेती करना ये बहुत केंद्र बिंदु रहा है। ऐसा कहा जाए कि भारतीय समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है तो ये ठीक ही है, और जो समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका होता है उस समाज की अपनी कुछ खास तरह की प्राथमिकताएं होती हैं, खास तरह की जरूरतें होती हैं। भारत का समाज पिछले हजारों साल से कृषि कर्म को पूरे केंद्र में मानकर चलता रहा है, तो इसलिए भारत का समाज कुछ विशिष्ट तरह का समाज है, और हमारे यहां कृषि की जो प्रधानता रही है उसके पीछे एक तथ्य यह भी है कि भारतीय मौसम और जलवायु कृषि के काफी अनुकूल है, खेती के बहुत अनुकूल है। यहां जो मौसम है बहुत सातत्य वाला है, जैसे उदाहरण के लिए आज सूरज निकला है तो कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, 3 महीने बाद भी निकलेगा, 3 साल बाद भी निकलेगा, 30 साल बाद भी निकलेगा, 300 साल बाद भी निकलेगा, 3000 साल भी हो जाएंगे तो भी निकलेगा। माने सूरज के निकलने में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली भारतीय जलवायु में, लेकिन यूरोप में ये बात सच नहीं है। यूरोप में आज सूरज निकला है कल नहीं भी निकलेगा, यूरोप में कल सूरज निकला है हो सकता है 9 महीने तक लगातार सूरज नहीं निकलेगा, क्योंकि यूरोप के देशों में सामान्य रूप से साल में सिर्फ 3 महीने ही धूप निकलती, बाकी 9 महीने तो वहां धूप निकलती ही नहीं है, सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। तो जितना सातत्य भारत की जलवायु में है, भारत के मौसम में है, उतना सातत्य यूरोप में नहीं है। उसी के साथ साथ भारत की जो भूमि है, भारत की जो मिट्टी है खेत की, वो बहुत नरम है। यूरोप के खेतों की मिट्टी नरम नहीं है, बहुत कठोर है। तो जिन देशों के खेत की मिट्टी बहुत कठोर होती है वहां कृषि प्रधान व्यवस्था संभव नहीं होती है, और आप जानते हैं कि खेती के लिए मिट्टी का नरम होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत में कृषि कर्म बहुत प्राधान्य रहा, भारत का कृषि कर्म केंद्र बिंदु रहा पूरे समाज का, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां की जलवायु बहुत अच्छी है, यहां की खेती की मिट्टी बहुत अच्छी है। दूसरा, यहां के लोगों को मौसम, जलवायु और मिट्टी से जुड़े हुए जितने कारक हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। अगर ये कहा जाए कि भारत का किसान बहुत विद्वान आदमी है तो इसमें कोई शक नहीं है, वो जानता है कि बारिश कब होने वाली है, किसान को मालूम होता है गर्मी कब पड़ने वाली है, किसान को यह भी मालूम होता है कि सर्दी का समय जो आने वाला है वो कब आने वाला है, और किसान उसके हिसाब से अपनी खेती की चर्या को बदल लेता है। बारिश में क्या करना है, गर्मी में क्या करना है, सर्दियों में क्या करना है, ये सब बातें सामान्य रूप से इस देश का हर किसान जानता है, और इसीलिए मैं उसको कहता हूं कि उसको अपने जीवन को चलाए रखने के लिए जो जरूरी कारक हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। तो एक तो जीवन का ज्ञान है, दूसरा मौसम और जलवायु का ज्ञान है,
तीसरा मिट्टी बहुत अच्छी है, चौथा यहां की जो जलवायु है समशीतोष्ण है, ना तो बहुत गर्मी है ना तो बहुत सर्दी है ना तो बहुत बारिश है। यूरोप के देशों में कभी कभी तो बहुत सर्दी पड़ती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। भारत में इस तरह से कभी टेम्परेचर बहुत नीचे भी नहीं जाता और कभी बहुत ऊपर भी नहीं जाता। तो भारत की जलवायु समशीतोष्ण है जो खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और पानी की व्यवस्था इस देश में बहुत प्रचुरता में है, हजारों साल से इस देश में पानी की मात्रा काफी रही है। बारिश का होने वाला पानी, बारिश से मिलने वाला पानी, जमीन के अंदर मिलने वाला पानी और जमीन के ऊपर तालाबों के माध्यम से मिलने वाला पानी, इस सभी की प्रचुरता भारतीय समाज में काफी लंबे समय से रही है, इसलिए भारत की खेती बहुत उन्नत रही और भारत का किसान भी बहुत उन्नत रहा। तो भारत की खेती और भारत के किसान के उन्नत होने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है, एक तो जलवायु की सातत्य, मौसम का सातत्य, मौसम का लगातार निरंतर रूप से प्रवाहित होना, पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी मात्रा में होना और खेती की जमीन बहुत अच्छी नरम होना, ये तीन बड़े कारक हैं जिसके लिए भारतीय खेती और भारतीय कृषि कर्म बहुत उन्नत रहा है। और इतने उन्नत कृषि कर्म के बारे में अगर कभी अंदाजा लगाना हो कि किस तरह की खेती हमारे यहां होती रही है 200 साल पहले 300 साल पहले, तो मेरे पास कुछ जो दस्तावेज हैं, हमारे यहां एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं प्रोफेसर धर्मपाल, उनकी मदद से हम लोगों ने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं लंदन के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से। वो दस्तावेज ये बताते हैं कि करीब आज से 300 साल पहले भारत की खेती यूरोप के किसी भी देश की खेती से बहुत अच्छी मानी जाती थी। उदाहरण ले लें ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। आज से 300 साल पहले इंग्लैंड के एक एकड़ खेत में जितना अनाज पैदा होता था, आज से 300 साल पहले भारत के एक एकड़ खेत में उसका 3 गुना ज्यादा अनाज पैदा होता। उदाहरण से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझें कि भारत के एक एकड़ खेत में अगर 300 साल पहले 50 क्विंटल अनाज पैदा होता था, तो इंग्लैंड के एक एकड़ खेत में मुश्किल से 15-16 क्विंटल अनाज पैदा होता था। तो ब्रिटेन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन भारत के खेतों का रहा है आज से 300 साल पहले। और भारत की उन्नत जिस तरह से खेती रही है, ठीक उसी तरह की उन्नत खेती चीन की भी रही। चीन की खेती का उत्पादन भी लगभग इसी तरह का रहा है जो भारत की खेती में रहा है। दुनिया में दो ही ऐसे देश माने जाते हैं जिनकी खेती पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रही है, जिनके किसान पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रहे। चीन और भारत की खेती के उन्नत होने का एक दस्तावेज है और एक प्रमाण है जो ये बताता है कि लगभग 1750 के करीब भारत और चीन का, दोनों देशों का मिलाकर कुल उत्पादन सारी दुनिया के कुल उत्पादन का 70% होता था। माने पूरी दुनिया में जितना अनाज पैदा हो रहा है, पूरी दुनिया में जितना अनाज के साथ साथ दूसरे सामान पैदा हो रहे हैं, उद्योगों की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं, खेती की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं, उनका कुल उत्पादन पूरी दुनिया में जितना था, उस कुल उत्पादन का 70% उत्पादन सिर्फ भारत और चीन का होता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के सकल उत्पादन का 70% उत्पादन आज से करीब 250-300 साल पहले भारत और चीन का होता था, तो इन दोनों की खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योगों की स्थिति कितनी उन्नत रही होगी। सन 1820 तक जब अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हो गया, 1760 से अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू माना जाता है, तो 1760 के बाद लगातार अंग्रेजों ने भारत की खेती पर ऐसे कानून लगाए, ऐसे अंकुश लगाए कि लगातार भारत की खेती बर्बाद होती चली गई। तो भी 1760 के बाद सन 1820 के साल तक अंग्रेजों ने भारत की खेती को काफी नुकसान की स्थिति में पहुंचा दिया अपने कानूनों की मदद से, तो भी भारत की खेती पूरी दुनिया में, भारत और चीन की खेती का कुल उत्पादन और खेती से जुड़े हुए उद्योगों का उत्पादन
पूरी दुनिया में लगभग 60% के आसपास रहा है। तो इस बात से अंदाजा लगता है कि कितनी उन्नत खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योग रहे होंगे इस देश में। इसके अलावा खेती और किसानों से जुड़े हुए लोगों की समृद्धि बहुत रही है इस देश में। इस देश में आज से 200-300 साल पहले तक सबसे ज्यादा समृद्धशाली वर्ग इस देश का किसान ही माना जाता रहा। आज से 200-300 साल पहले तक की स्थिति यह है कि समाज का सबसे ज्यादा पैसे वाला वर्ग किसान ही माना जाता रहा और समाज में सबसे अच्छा कर्म खेती का माना जाता रहा। एक कहावत इस देश में कही जाती है, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। उत्तम खेती माने खेती सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है, मध्यम बान माने बिजनेस है, जो व्यापार है वो दूसरे नंबर पर है, और करे चाकरी कुकर निदान माने नौकरी करना तो कुत्ते की जीवन बिताने जैसा माना जाता भारतीय समाज। तो खेती सबसे उन्नत व्यवसाय रहा, दूसरे नंबर पर व्यापार रहा है और तीसरे नंबर पर नौकरी चाकरी मानी जाती है। यह स्थिति इस देश में आज से 200-250-300 साल पहले तक की है, जब अंग्रेज भारत में आए हैं और सरकार बनाकर उन्होंने भारत में राज्य करना शुरू किया है, तब तक इस देश में खेती की उन्नति और खेती की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत के किसानों की और खेती की स्थिति अच्छे होने के कुछ प्रमाण हैं दस्तावेजों में, जो ये बताते हैं कि जैसे हमारे देश में करीब करीब 1750 के आसपास मैसूर नाम के राज्य में 100,000 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। हिंदुस्तान में आजादी के पहले करीब 7.5 लाख गांव होते थे, और औसत इस बात का निकलता है दस्तावेजों के आंकड़ों के अनुसार कि इस देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें तालाब ना होता। और आंकड़े तो ये बताते हैं कि बहुत सारे गांव इस देश में ऐसे रहे हैं जहां एक से ज्यादा तालाब एक ही गांव में रहे हैं। तो 7.5 लाख गांव का देश था भारत आजादी के पहले, और करीब करीब हर गांव में एक तालाब की व्यवस्था थी, तो लगभग 7.5 लाख तालाब पूरे देश में रहे होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ गांव में एक से ज्यादा तालाब होने की व्यवस्था। तो तालाब बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं, कुएं बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं, बावड़ियां बहुत बड़ी संख्या में रही हैं। बारिश के होने वाली एक एक बूंद को हिंदुस्तान में पूंजी की तरह से बचाने की परंपरा रही है। जिस राजस्थान को आज हम जानते हैं, और हम राजस्थान के बारे में ऐसा मानते हैं कि बहुत मरुभूमि है राजस्थान की, जहां पानी की बहुत कमी है, जहां पानी की बहुत किल्लत है, उस राजस्थान में ऐसी परंपरा पिछले हजारों साल से है कि बारिश की गिरने वाली एक एक बूंद को संचित रखने की सबसे बड़ी परंपरा अगर इस देश में कहीं है तो राजस्थान में। आप राजस्थान में जाइए, जैसलमेर के इलाके में, जहां पर यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, उस जैसलमेर के इलाके में आजू बाजू के गांव में घूमिए, हर गांव में आपको तालाब मिल जाएगा। और जैसलमेर गांव, जैसलमेर शहर के नजदीक सबसे बड़ा तालाब मौजूद है, जो करीब 400-500 साल पुराना, और आज भी उसमें भयंकर पानी। राजस्थान में जितनी आज मरुभूमि दिखाई देती है, कभी वहां लहलहाते तालाब हुआ करते थे, बड़े तालाब हुआ करते थे। ये तो अंग्रेजों के कुछ कानून थे और अंग्रेजों की कुछ व्यवस्थाएं थी जिन्होंने भारत के तालाबों को सुखा दिया और भारत के तालाबों को बर्बाद कर दिया। तालाबों की बड़ी गहरी परंपरा रही है इस देश में, और कृषि का उत्पादन उसी के आधार पर है कि पानी जितनी प्रचुर मात्रा में है उतना ही उत्पादन अधिक होता रहा है इस देश में, इसलिए खेती का उत्पादन इस देश में बहुत रहा है। और खेती के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक और है कि भारत में खेती के साथ साथ पशुधन भी बहुत बड़ी मात्रा में रहा, पशुओं की संख्या भी इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में रही। कृषि कर्म है और कृषि कर्म को टिकाए रखने के लिए पशुओं की संख्या इस देश में बड़ी जबरदस्त मात्रा में रही है। करोड़ों करोड़ों की संख्या में गाय पालने की परंपरा, करोड़ों करोड़ों की संख्या में बकरियां पालने की परंपरा, करोड़ों करोड़ों की संख्या में जानवरों को पालने की परंपरा इस देश के लोगों में बहुत गहरे से बैठी हुई है। तो कृषि है, कृषि के लिए केंद्र जो बन सकती है वो गाय इस देश में रही है, बैल रहे हैं इस देश में, उनका गोबर है, गोबर से होने वाली खाद है, गाय का मूत्र है, उससे होने वाले जो कीटनाशक बन सकते हैं इस देश में उनकी परंपरा रही है। तो भारतीय कृषि इस तरीके से बहुत उन्नति के रास्ते पर जाती रही है, क्योंकि पशुओं की संख्या बहुत, तालाबों की संख्या बहुत, जमीन की अच्छाई बहुत है, मिट्टी बहुत नरम है,
किसानों को जलवायु का बहुत अच्छा ज्ञान है, यहां पर बीजों की संख्या भी बहुत अच्छी रही है। हमारे देश में आज से 150-200 साल पहले तक चावल की, धान की 1,00,000 से ज्यादा प्रजातियां होती थी। जो दस्तावेज उपलब्ध है वो बताते हैं कि भारत के समाज में किसानों के पास 1,00,000 से ज्यादा चावलों की किस्में होती थी। इस देश में सैकड़ों किस्म के बाजरे के बीज थे, सैकड़ों किस्म के मक्के के बीज थे, सैकड़ों किस्म के ज्वारी के बीज थे, सैकड़ों किस्म की प्रजातियां इस देश में रही हैं अनाजों की। और यहां की संपन्नता बहुत ज्यादा रही है, बायोडायवर्सिटी यहां की बहुत ऊंची रही, तो इसलिए कृषि कर्म भी ऊंचा रहा है इस देश का। तो इतनी अच्छी कृषि जो भारत में रही, आज करीब हमारे देश में 300 साल पहले के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ब्रिटेन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन हमारे खेतों का है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के किसान सबसे ज्यादा समृद्ध और संपन्न रहे हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि कृषि कर्म इस देश का बहुत उन्नत रहा है, पशुओं के पालन का काम भी बहुत उन्नत रहा है। तो अचानक से क्या हो गया इस देश में जो आज इस देश का किसान सबसे गरीब दिखाई देता है? अचानक से क्या हो गया इस देश में कि आज इस देश की खेती ही सबसे ज्यादा बर्बादी के रास्ते पर जाती हुई दिखाई देती है? अचानक से क्या हो गया इस देश में जो आज इस देश के खेती और किसानों की बर्बादी की स्थिति हमको चारों तरफ दिखाई देती है? उसके पीछे गंभीर कारण है। और वो गंभीर कारण क्या है? गंभीर कारण है अंग्रेजों का भारत में आना और अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी सरकार का चलाना। अंग्रेजों की सरकार जब भारत में चलना शुरू हुई है तो अंग्रेजों की सरकार ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भारतीय समाज को तोड़ने का काम किया है। मैंने कल के व्याख्यान में आपको बताया था कि अंग्रेजों की सरकार ने भारत को व्यवस्थित तरीके से तोड़ने का जो काम किया, उसके लिए जो उन्होंने नीतियां बनाई थी, उसमें सबसे पहली अंग्रेजों की सरकार की नीति यह थी कि भारतीय समाज को आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। और जब भारतीय समाज आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा तो फिर भारतीय समाज को राजनीतिक रूप से तोड़ दिया जाए, और भारतीय समाज जब राजनीतिक रूप से टूट जाएगा तो फिर भारतीय समाज को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तोड़ दिया जाए। अब अंग्रेजों ने अपनी पहली नीति का पालन करते हुए भारतीय समाज को आर्थिक रूप से जो तोड़ा, उसमें कल के व्याख्यान में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि उद्योगों को किस तरह से तोड़ा गया, व्यापार को किस तरह से तोड़ा गया, और आज के व्याख्यान में मैं बताऊंगा कि कृषि को किस तरह से तोड़ा गया, किसानों को कैसे बर्बाद किया गया। क्योंकि कृषि हमारे समाज का मुख्य केंद्र थी और कृषि हमारे देश के व्यवसाय का मुख्य आधार होती थी, तो अंग्रेजों ने भारतीय कृषि को बर्बाद करने के लिए 3-4 तरह के कानून बनाए इस देश में। सबसे पहला कानून जो अंग्रेजों ने भारत की कृषि को बर्बाद करने के लिए बनाया, वो किसानों के ऊपर लगान लगाने का कानून था, किसानों के ऊपर टैक्स लगाने का कानून था। 1760 के पहले इस देश में एक बड़े इलाके में किसानों के ऊपर कभी भी लगान नहीं लिया गया। अंग्रेजों के पहले इस देश में कुछ ही राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी राज्य में किसानों पर लगान नहीं लिया जाता था। जैसे मालाबार का एक बहुत बड़ा इलाका होता था जिसको आज हम दक्षिण भारत के रूप में जानते हैं, उस मालाबार के इलाके में 1760 के पहले कभी भी किसानों पर लगान नहीं लिया गया, किसानों पर कभी भी लगान नहीं लगाया गया। मैसूर राज्य के इलाके में 1760 के पहले किसानों पर कभी लगान नहीं लगाया गया। इसी तरह से भारत के और दूसरे इलाके भी थे जिन इलाकों में अंग्रेजों के आने के पहले तक कभी भी लगान की वसूली की बात ही नहीं हुई। लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया, भारत में जब उनका साम्राज्य स्थापित हुआ और उनकी सरकार चलना शुरू हुई, उसी समय से उन्होंने भारत के किसानों पर लगान लगाना शुरू किया। और आप कल्पना कर सकते हैं कितना लगान वसूलती थी अंग्रेजों की सरकार, कितना टैक्स वसूलती थी भारत के किसानों से। भारत के किसानों पर अंग्रेजों की सरकार ने किसानों के कुल उत्पादन का 50% तक टैक्स लगा दिया। मैंने जैसे कल आपको बताया कि भारत के उद्योगों को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों पर 10-12 तरह के टैक्स लगाए थे, इसी तरह से भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के किसानों पर टैक्स लगाए थे। और जो सबसे पहला टैक्स भारत के किसानों पर लगाया गया, जिसको लगान के रूप में आप जानते हैं, वो 50% होता था। माने किसान जितना कुल उत्पादन करता था अपने खेत में, उसका 50% उत्पादन अंग्रेजों की सरकार छीन लेती थी। और जो किसान अंग्रेजों की सरकार को अपने उत्पादन का 50% हिस्सा नहीं देता था, उस किसान की हत्या करवा देना,
उस किसान का झोपड़ा जला देना, उस किसान की संपत्ति को नीलाम करवा देना, उस किसान के गाय बैल को खोल कर ले जाना, उस किसान को कोड़े से मारना, उस किसान को गांव की जाति से बहिष्कृत करवा देना, यह सब अंग्रेजों की सरकार उनको दंड के स्वरूप में दिया करती थी। तो किसान को मजबूरी में अपने उत्पादन का 50% हिस्सा अंग्रेजों की सरकार को देना पड़ता था। और मैंने आपको बताया कि जो किसान नहीं देते थे उनको गोली मार दी जाती थी, जो किसान नहीं देते थे उनको कोड़े मारे जाते थे, जो किसान नहीं देते थे उनके घर जला दिए जाते थे, जो किसान इस तरह से लगान नहीं देते थे अंग्रेजों की सरकार को उनको गांव से बहिष्कृत करवाया जाता था। इस तरह के अत्याचार अंग्रेजों की सरकार किसानों पर करती थी। तो एक तो अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों को जो बर्बाद किया उसमें सबसे पहला कारण जो था, उन्होंने भारत के किसानों पर टैक्स लगा दिया, लगान वसूलना शुरू कर दिया और बड़ी भारी मात्रा में उन्होंने ये टैक्स लगा दिया। 1760 से लेकर लगातार 1890 तक 1900 तक इस तरह का लगान किसानों से वसूला जाता रहा। तो आप सोच सकते हैं लगातार 100-150 वर्षों तक अगर किसानों से 50% उत्पादन छीन लिया जाए हर साल उनकी खेती का, तो किसान तो बर्बाद होते ही चले जाएंगे। दूसरा क्या काम किया अंग्रेजों की सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए? दूसरा काम अंग्रेजों की सरकार ने यह किया किसानों को बर्बाद करने के लिए कि किसानों की जो जमीनें होती थी, जो खेत होते थे, उनको बेचने का एक सिलसिला शुरू करवा दिया इस देश में। आप जानते हैं अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत में जमीन बेची नहीं जाती थी, खेत इस देश में कभी बेचने की वस्तु नहीं रहा। किसान की जमीन उसको अपनी मां की तरह से मानता है किसान, और किसान इस देश में यह कहते रहे हैं कि जिस तरह से मां का सौदा नहीं हो सकता इसी तरह से जमीन कभी खरीदी बेची नहीं जाती। और भारत का किसान जो खेती करता रहा है उस खेती को करने के पीछे उसके मन में जो धारणा रही है वो ये कि ये खेती तो ईश्वर की दी हुई है, ये जमीन तो ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर की बनाई गई प्रकृति से ये जमीन मुझको मिली है, इसलिए इस जमीन को बेचने का अधिकार मुझको नहीं है। तो किसान कभी जमीन को बेचता नहीं था इस देश में। इस देश में जमीन नहीं बेची जाती थी कभी भी, इस देश में दूध नहीं बेचा जाता था कभी भी, इस देश में दूध से उत्पन्न होने वाली तमाम दूसरी चीजें कभी नहीं बेची जाती थी, उसको पाप माना जाता था भारतीय समाज में, भारतीय सभ्यता में। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कानून बनाया एक ऐसा जिससे जमीनों को खरीदा और बेचा जा सके, और अंग्रेजों ने पहली बार इस देश में जमीन को खरीदने और बेचने की परंपरा शुरू करवा दी। और बाद में जब जमीनें बिकने लगी तो अंग्रेजों की सरकार ने किसानों से जमीनें जबरदस्ती खरीदना शुरू कर दिया। हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों की जमीन छीनने के लिए जो सबसे पहला कानून बनाया उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उसको अगर हिंदी में कहा जाए तो जमीन हड़पने का कानून, जो आज भी चलता है इस देश में। यह कानून अंग्रेजों ने बनाया था करीब 150-200 साल पहले। यह जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था वो अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया? ताकि भारत के किसानों से जमीनें छीन ली जाएं और भारत के किसानों को बर्बाद कर दिया जाए। अंग्रेजों की एक पद्धति थी काम करने की कि वो जिसको भी बर्बाद करते थे उसके लिए पहले कानून बनाते थे। जैसे मान लीजिए अगर अंग्रेजों को आपकी जेब काटनी है तो वो जेब नहीं काटेंगे, पहले जेब काटने का कानून बनाएंगे, और उस कानून के बाद जब आपकी जेब कटना शुरू हो जाएगी तो अंग्रेज कहेंगे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब आपकी जेब कटती है तो कट जाए। माने सीधे जेब नहीं काटेंगे लेकिन जेब काटने का कानून बनाएंगे और फिर कहेंगे कि हम कानून का पालन कर रहे हैं, इसमें आपकी जेब कटती है तो कट जाए। तो उन्होंने किसानों को बर्बाद करने के लिए सीधे कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसानों को बर्बाद करेंगे, किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून बना दिए और फिर उन कानूनों का पालन करवाना शुरू किया उन्होंने और किसान उसमें बर्बाद होना शुरू हो गए। तो पहला कानून लगा दिया टैक्स के रूप में, लगान के रूप में, और दूसरा कानून लगाया अंग्रेजों ने भारत में किसानों की जमीन हड़पने के लिए जिसका नाम रखा गया लैंड एक्विजिशन एक्ट। अंग्रेजों के बड़े बड़े बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी इस देश में हुए। एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी बहुत ही बेईमान और भ्रष्टाचारी ऑफिसर था उस जमाने का। डलहौजी क्या करता था, जिस गांव में जाता था उस गांव के किसानों की जमीनें छीनता था, गांव गांव के किसानों की जमीनें छीन छीन कर
उन जमीनों को लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर अंग्रेजों की संपत्ति फिर बाद में घोषित किया जाता था। डलहौजी ने किस तरह से इस देश के किसानों की जमीनें छीनी हैं और किस तरह से वो अंग्रेजी संपत्ति बनाई गई हैं वो जमीनें, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैंने मेरे जीवन में देखा। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश, और ऐसा ही एक प्रदेश है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो मेरे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक गांव है, उस गांव का नाम है डलहौजी। आज भी वो गांव है। एक बार मैं घूमते घूमते उस गांव में पहुंचा। उस गांव का जो सर्व प्रमुख है, सरपंच है, उसको मैंने पूछा कि आपने अपने गांव का नाम डलहौजी क्यों रखा, ये तो हिंदुस्तानी नाम नहीं है, ये तो अंग्रेजी नाम है, आपको क्या बहुत शौक है अंग्रेजी नाम रखने का अपने गांव का? तो उस किसान ने कहा कि राजीव भाई, हमने ये नाम नहीं रखा अपने गांव का, एक अंग्रेज ऑफिसर कभी आया था जिसने हमारे गांव का नाम बदल के डलहौजी रख दिया। तो मैं समझ गया कि वो जो डलहौजी ऑफिसर हुआ करता था एक जमाने में, वो गया होगा उस गांव में, गांव के लोगों को मारा होगा, पीटा होगा, किसानों को गांव से भगा दिया होगा, गांव की जितनी जमीन आई होगी, जितनी संपत्ति आई होगी, सब कुछ उसने अपने कंट्रोल में ले ली होगी और गांव का नाम उसने घोषित कर दिया होगा डलहौजी। तो मैंने उस गांव के सरपंच से पूछा, प्रमुख से पूछा कि भाई, डलहौजी तो मर गया, अंग्रेज भी चले गए हैं, अंग्रेजों की सरकार भी चली गई है, अब तो इस गांव का नाम बदल दो। तो सरपंच ने क्या कहा, उसने कहा, राजीव भाई, हम तो बहुत बार सरकार को कह चुके हैं कि इस गांव का नाम बदल दिया जाए, हमारा जो पुराना गांव का नाम था वही रख दिया जाए, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। मैंने कहा, क्यों नहीं सुनती है सरकार? तो गांव के एक किसान ने, देखिए क्या जवाब दिया मुझको, कितना इंटेलिजेंट आदमी था वो, कितना बुद्धिशाली, उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार में डलहौजी की आत्मा प्रवेश कर गई है, इसलिए ये गांव का नाम नहीं बदल। वो अंग्रेजों के जमाने का गांव आज भी इस देश में चलता आ रहा। तो उस गांव के किसान ने मुझको पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह से उसके पुरखों से उसने वो किस्सा सुना है कि कभी डलहौजी नाम का ऑफिसर आया था, गांव के किसानों को मारा था, पीटा था, उनके झोपड़े जला दिए थे, सबको गांव से बाहर भगा दिया था, गांव के सारे खेत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और वो अंग्रेजों की संपत्ति घोषित कर दिया गया था पूरा का पूरा गांव, और इसलिए उस गांव का नाम बदलकर उन्होंने डलहौजी रख दिया। इस तरह से भारत के किसानों को अंग्रेजों ने बर्बाद किया, जमीन हड़प कर और जमीन हड़पने का कानून बनाकर। एक तीसरा तरीका और अपनाया भारत के किसानों को अंग्रेजों ने बर्बाद करने का। अंग्रेजों ने भारत के समाज का सर्वे कराया था, सर्वेक्षण कराया था, और भारतीय समाज का सर्वेक्षण करा के अंग्रेजों की सरकार ने इस बात का अंदाजा लगवाया कि यहां की खेती मूलतः टिकी हुई किस आधार पर है। अगर भारत की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से चौपट करना है, बर्बाद करना है, तो भारत की खेती को बर्बाद करना ही पड़ेगा, भारत के उद्योगों को भी बर्बाद करना पड़ेगा। तो भारत की खेती को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने पहले सर्वे कराया कि भारत की खेती को कैसे बर्बाद किया जाए। तो अंग्रेजों ने जब सर्वेक्षण करा लिया तो उनको एक बार यह पता चला कि भारत का किसान जो खेती करता है उसका केंद्र बिंदु है गाय और उसका केंद्र बिंदु है बैल। गाय के बछड़े होते हैं, बछड़े बैल बनते हैं, बैलों से खेत जोता जाता है, फिर गाय दूध देती है, किसान दूध पीता है, उसमें से शक्ति आती है तो खेत में मेहनत करता है, गाय गोबर देती है, उस गोबर का खाद बनाता है, खाद को खेत में डालता है और खेत की शक्ति बढ़ाता है, गाय मूत्र देती है, मूत्र को किसान कीटनाशक को मारने के रूप में प्रयोग में लाता है। तो गाय जो है वो भारतीय कृषि व्यवस्था के केंद्र में है, ये अंग्रेजों की सरकार को पता चल गया। सर्वेक्षण करा के उन्होंने पता कर लिया कि गाय जो है भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। तो अंग्रेजों ने एक कानून और बना दिया कि भारत में गाय का कत्ल करवाओ। तो 1760 में इस देश में अंग्रेजों के आदेश पर गाय का कत्ल होना शुरू हो गया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है और वो लोग कहते भी हैं कि राजीव भाई, अंग्रेजों से पहले भी तो जो मुसलमान राजा थे वो भी तो गाय का कत्ल करवाते थे। मैं आपको जानकारी देना यह चाहता हूं कि एक दो अंग्रेजी राजाओं को छोड़कर, एक दो मुसलमान राजाओं को छोड़कर भारत में किसी भी राजा ने गाय का कत्ल नहीं करवाया मुसलमानों ने। मुसलमानों के राजाओं के जमाने में तो भारत में ऐसा कानून रहा है कि जो गाय का कत्ल करे उसको फांसी की सजा दे दी जाए। ये अंग्रेज थे जिन्होंने गाय का कत्ल करवाने के लिए व्यवस्थित रूप से एक कानून बना दिया और 1760 से भारत में गाय का कत्ल करवाना अंग्रेजों ने शुरू किया।
गाय का कत्ल करवाते थे तो अंग्रेजों को दो फायदे होते थे, एक तो भारत के किसान का जो सबसे बड़ा पशुधन था गाय, वो खत्म होता था। गाय मरती थी तो दूध कम होता था, गाय मरती थी तो गोबर कम होता था, गोबर कम होता तो खाद कम होती थी, गाय मरती थी तो मूत्र नहीं मिलता था गाय का, तो किसानों के लिए जो कीटनाशक दवाएं बनती थी उसमें कमी आती थी, गाय का दूध नहीं मिलता था तो किसानों की शक्ति कम होती थी। तो लगातार गाय के कत्ल होते चले जाने के कारण भारतीय खेती का भी नाश होना शुरू हो गया और अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस देश में कत्ल कारखाने खुलवा दिए। अंग्रेजों की सरकार ने लगभग पूरे देश में 300 से ज्यादा कत्ल कारखाने खुलवाए जिनमें गाय का कत्ल किया जाता था। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गाय का कत्ल होता था। गाय का मांस यहां से भेज दिया जाता था, इंग्लैंड में जाता था और इंग्लैंड के सिपाही, अंग्रेजों की सरकार के जो सिपाही होते थे वो गाय का मांस खाते थे। आप जानते हैं यूरोप के देश की जो प्रजा है, ये जो गोरी प्रजा है, ये गाय का मांस सबसे ज्यादा खाती है। जितनी गोरी प्रजा है पूरी दुनिया में, इसको गाय का मांस सबसे अच्छा लगता। तो गाय कत्ल होती थी भारत में, उसका मांस इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड के लोग उसको खाते थे। गाय की कत्ल होती थी और गाय का कत्ल करके अंग्रेजों की फौज जो भारत में रहती थी उसको मांस बेचा जाता था, उसको मांस दिया जाता था। तो भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए जो तीसरा काम अंग्रेजों ने किया वो गाय के कत्ल करवाने का। बाद में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि सिर्फ गाय के कत्ल करवाने से बात नहीं बनेगी, गाय जहां से पैदा होती है उस नंदी का कत्ल पहले करवा। तो अंग्रेजों ने फिर नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया और बहुत ही व्यवस्थित पैमाने पर गाय और नंदी का कत्ल अंग्रेजों ने करवाया। हम लोगों ने जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं उनसे पता चलता है कि 1760 से लेकर 1947 के साल तक अंग्रेजों ने करीब 48 करोड़ से ज्यादा गाय और बैल के कत्ल करवाए। 48 करोड़ से ज्यादा, 1760 से लेकर 1947 के साल तक। और ये जो 48 करोड़ गाय और नंदियों के कत्ल कर दिए, संख्या में 48 करोड़ गाय और नंदियों के कत्ल जब हो गए, मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि वो गाय नहीं काटी गई होती, वो नंदी नहीं काटे गए होते, तो आज हिंदुस्तान गाय की संख्या हमारी आबादी से 3 गुनी ज्यादा होती। कम से कम इस देश में 150 करोड़ से ज्यादा गाय और बैल होते। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये कत्ल करवा के हिंदुस्तान के किसानों का सत्यानाश किया। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसानों का सत्यानाश करने के लिए एक चौथा काम किया। और वो चौथा काम उन्होंने क्या किया कि इस देश के किसानों की जो क्रय शक्ति थी उसको कम करवाओ। माने किसान जो खेती करता है, खेती के साथ साथ कुछ और भी उद्योग कर सकता है, पशुपालन का काम कर सकता है, दूसरे कई काम कर सकता है, और उससे उसकी जो क्रय शक्ति बढ़ती है, उसकी समृद्धि बढ़ती है, उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसको कम करवाओ। तो अंग्रेजों ने कृषि और पशुपालन दोनों को अलग अलग करवा दिया। पहले खेती के साथ पशुपालन बिल्कुल जुड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने फिर नीति ऐसी बनाई कि कृषि अलग हो गई और पशुपालन बिल्कुल एक अलग तरह की बात हो गई। और अंग्रेजों ने फिर भारतीय समाज में एक एक करके उन जातियों पर अत्याचार करने शुरू किए जो जातियां सबसे ज्यादा पशुपालन करती थी। हमारे समाज में जिन जातियों को हम पिछड़ी जातियां कहते हैं, नीचे दर्जे की जातियां कहते हैं, वास्तव में ये भारत के समाज की रीढ़ की हड्डी रही। यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हुनर रहा है, सबसे ज्यादा कौशल रहा। यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रही है, और यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हुनर और कौशल इस बात का रहा है कि पशुओं की समृद्धि कैसे कराई जाए और पशुओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। तो अंग्रेजों ने हमारे देश की ऐसी जातियों पर अत्याचार करने शुरू किए जो जातियां हमारे देश में पशुपालन के काम में लगी हुई थी, और धीरे धीरे पशुओं की संख्या, एक तरफ तो गाय का कत्ल करवा के कम कर दी, दूसरी तरफ हमारे देश में जो पशुपालन करने वाली जातियां थी उनको अंग्रेजों ने इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया, अत्याचार किए उन सबके ऊपर कानून बनाकर, कि धीरे धीरे पशुपालन का काम वो लोग छोड़ते चले गए और विस्थापित होते चले गए। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत के किसानों को व्यवस्थित रूप से बर्बाद करने का काम शुरू किया। और ये बर्बादी कितनी आई, 1760 से लेकर 1850 के साल तक या 1860 के साल तक हिंदुस्तान की खेती बुरी तरह से चौपट हो गई, किसान बुरी तरह से बर्बाद हो गए। और मात्र 100 साल के अंदर में हिंदुस्तान के किसानों की गरीबी दिखाई देने लगी, दारिद्र्य इस देश में दिखाई देने लगा, कंगाली इस देश में दिखाई देने लगी।
और जिस तरह से किसानों की बर्बादी की अंग्रेजों ने, उसी बर्बादी के कारण फिर इस देश में भुखमरी आई और अकाल पड़ना शुरू हुए। हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने में जितने अकाल पड़े हैं उनमें से एक या दो अकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अकाल अंग्रेजों की नीतियों के कारण पड़े, मौसम के कारण नहीं पड़े। हम लोगों को कई बार यह गलतफहमी हो जाती है कि बारिश नहीं हुई होगी, सूखा पड़ गया होगा इसलिए अकाल पड़ा होगा। हम लोगों को कई बार यह गलतफहमी हो जाती है कि मौसम ने दुष्चक्र किया होगा, कुछ मौसम में परिवर्तन आया होगा भयंकर तरीके से, इसलिए भारत में अकाल पड़े होंगे। भारत में अकाल मौसम की मार से नहीं पड़े, भारत में जितने अकाल पड़े वो अंग्रेजों की बनाई गई नीतियों के कारण पड़े। अंग्रेजों की नीतियां कैसी थी मैंने बताया, खेती को बर्बाद करना, किसानों को बर्बाद करना, किसानों से लगान वसूलना, 50% किसानों का उत्पादन टैक्स के रूप में ले लेना, किसान जो पशुपालन कर रहे हैं उन पशुपालन करने वाले किसानों पर अत्याचार करना, किसान जो अपने गांव के तालाब की व्यवस्था खुद बना सकते हैं, अपने गांव के बावड़ी और कुओं की व्यवस्था बना सकते हैं, उन सब व्यवस्थाओं को किसानों के हाथ से छीन लेना और अंग्रेजों की सरकार के हाथ में चला जाना, जो जंगल किसानों की संपत्ति माने जाते थे, जो जंगल गांव की संपत्ति माने जाते थे, और जिन जंगलों से किसानों को अपनी खेती करने के लिए मदद में आने वाली तमाम तरह की चीजें मिलती थी, उन जंगलों का अंग्रेजों की सरकार ने सत्यानाश करवाया। एक और तरीका अंग्रेजों ने अपनाया इस देश के किसानों को और खेती को बर्बाद करने के लिए, 1865 के साल में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में, उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और यह कानून लागू हुआ 1872 में, और आज भी यह कानून सारे देश में चलता। अंग्रेजों की सरकार द्वारा बनाया गया 140 साल पुराना कानून इस देश में आज भी चलता। और यह इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कानून अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कानून अंग्रेजों की सरकार ने इसलिए बनाया था कि इस कानून के बनने के पहले जो जंगल होते थे वो गांव की संपत्ति माने जाते थे, और गांव की संपत्ति माने जाते थे जंगल, तो गांव के किसानों का सामूहिक हिस्सेदारी जंगलों पर होती थी। अंग्रेजों ने क्या किया, जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, जो जंगल गांव के किसानों की संपत्ति होते थे, उन जंगलों को अंग्रेजी सरकार की संपत्ति घोषित करवा दिया कानून बनाकर, और उसी कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। फिर अंग्रेजों ने उस कानून को कितनी सख्ती से लागू करवाया कि अंग्रेजों की सरकार के जो ठेकेदार होते थे वो जंगल कटवाते थे, जंगल से लकड़ियां लेके जाते थे, और भारत का कोई भी किसान अगर जंगल में जाकर लकड़ी काट लाए तो उसको सजा दी जाती थी। तो भारत का किसान, भारत का आदमी जंगल से लकड़ी काट नहीं सकता, अंग्रेजों ने कानून बना दिया। और अंग्रेजों की सरकार जो थी उनके जो ठेकेदार होते थे वो जंगलों से लकड़ी कटवाते थे, तो जंगल के जंगल साफ करवाना शुरू किया अंग्रेजों की सरकार ने इस कानून के आधार पर। और जंगल खत्म होते गए तो फिर किसानों का क्या नुकसान हुआ, आप जानते हैं जब जंगल खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाते हैं, तो पेड़ों के खत्म होते चले जाने के कारण जो मिट्टी का जमाव होता है पेड़ों के आसपास, वो मिट्टी का जमाव छूटने लगता, और मिट्टी का जमाव जब छूटने लगता है तो वो मिट्टी बहने लगती है, और मिट्टी बहने लगती है तो नदियों में जाती है, नालों में जाती है, नहरों में चली जाती है, और मिट्टी बह बहकर जब नदियों में बढ़ती चली जाती है तो नदियों का स्तर ऊंचा होता चला जाता, नदियों की गहराई कम होती चली जाती, लगातार मिट्टी बह बहकर अगर पानी के साथ आएगी, पहले जंगल होते थे, पेड़ होते थे, तो पेड़ मिट्टी को बांध के रखता, तो बारिश के समय मिट्टी बह नहीं सकती जंगल से, लेकिन पेड़ काट लिए जाएंगे तो पेड़ों के आसपास जो जमा की हुई मिट्टी है वो बहना शुरू हो जाएगी, और वो मिट्टी पानी के साथ बहकर नदियों में जाएगी, और नदियों में जाएगी तो नदियों का जो स्तर है, नदियों की गहराई है, वो कम होती चली जाएगी, नदियों में मिट्टी बैठती चली जाएगी, तो पानी कम आएगा नदियों में, और पानी कम आएगा तो बाढ़ आएगी, फिर और बाढ़ आएगी तो किसानों की फसल चौपट होगी। अंग्रेजों ने इस तरह से कानून बना दिया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, और फिर उसका सत्यानाश किसानों को झेलना। एक तो जंगलों से मिलने वाली संपत्ति किसानों के लिए बंद हो गई, दूसरा जंगल जो किसानों की सुरक्षा व्यवस्था कर सकते थे वो जंगल फिर धीरे धीरे खत्म होते चले गए। तो अंग्रेजों ने कई तरीके से भारत के किसान और खेती को बर्बाद करने के काम किए, कई तरह के कानून बनाकर भारत की खेती और किसानों को बर्बाद करने के काम किए। एक काम और किया अंग्रेजों की सरकार ने कि किसान जो कुछ भी अनाज पैदा करता था अपने खेत में उसका मूल्य अंग्रेजों की सरकार तय करती थी।
माने पैदा करता था किसान और मूल्य तय करती थी अंग्रेजों की सरकार। तो बड़ी मंडियां होती थी, बड़े हाट लगते थे, बड़ी पैंट लगती थी जिसमें किसान अपना अनाज बेचने के लिए इकट्ठे होते थे। तो अंग्रेजों का बड़ा ऑफिसर जाता था और उस मंडी में जाकर अनाज का दाम तय करके आता था कि अनाज इस दाम पर बिकेगा, ये अनाज इस दाम पर बिकेगा, ये अनाज इस दाम पर बिकेगा। माने मेहनत किसान करता था और अनाज का दाम अंग्रेज तय करते थे। और जानबूझकर अंग्रेजों की सरकार किसानों की मेहनत से पैदा किए गए अनाज का दाम इस तरीके से तय करती थी कि किसानों को ज्यादा कुछ मिलने ना पाए, उनको लगातार नुकसान होता चला जाए, उनको लगातार घाटा होता चला जाए। किसान खुद जो था वो अपने द्वारा पैदा किए गए किसी भी अनाज की कीमत तय नहीं कर सकता था। इस तरह का कानून अंग्रेजों ने बना रखा था इस देश में। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि किसान अपने अनाज को एक गांव से लेकर दूसरे गांव में जाए बेचने के लिए तो उस पर भी पाबंदी लगाती थी। एक गांव का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरी जगह जाकर बेच नहीं सकता, एक जिले का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरे जिले में जाकर बेच नहीं सकता। इस तरह की सख्त पाबंदी अंग्रेजों की सरकार ने लगा दी और इस तरह से किसानों को बिल्कुल घेर के रख दिया अंग्रेजों की सरकार ने कानून बना बनाकर। और यह हर तरह का कानून बनता था और किसान जब उसका पालन नहीं करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनकी हत्याएं होती थी, उनको फांसी दी जाती थी, उनके कोड़े पीटे जाते थे। कई बार अंग्रेजों की सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए कुछ इस तरह के भी काम करती थी, जैसे जबरदस्ती किसानों से कुछ खास तरह की फसल पैदा करवाई जाती थी। आप जानते हैं बिहार के किसानों को अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। जिस जमीन पर सबसे ज्यादा धान पैदा हो सकता है बिहार में और होता था, उस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती नील की खेती करवाती थी। और किसान जब नील की खेती करने से मना करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। अंग्रेजों की सरकार को क्या रस था नील की खेती करवाने में? अंग्रेजों को नील की जरूरत थी। यूरोप में नील बहुत बिकता था, अंग्रेजों के अपने बाजार में नील बहुत बिकता था। और दूसरा मुश्किल ये थी कि नील की खेती करने से खेती भी बहुत बर्बाद होती थी, तो अंग्रेजों को नील चाहिए यूरोप के बाजार में बेचने के लिए और उस नील को पैदा करने के लिए भारत के किसान को मजबूर करते थे। गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था अपने चंपारण के प्रवास में, वो सत्याग्रह इसी सवाल को लेकर था कि अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाती थी और गांधी जी कहा करते थे कि यह सबसे बड़ी हिंसा है, किसानों की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनसे किसी फसल का पैदा करवाया जाना, गांधी जी कहा करते थे हिंसा है। तो इसलिए चंपारण का सत्याग्रह करना पड़ा था महात्मा गांधी को। ऐसे ही अंग्रेजों की सरकार ने मालवा के इलाके में किसानों को मारकर पीटकर जबरदस्ती उनसे अफीम की खेती करवाना शुरू किया। ये जो आज हमारे देश में बहुत बदनाम है मालवा का क्षेत्र, और हम लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि मालवा के किसान सबसे ज्यादा अफीम पैदा करते हैं, ये जो अफीम पैदा करवाने का किस्सा है ये अंग्रेजों का शुरू करवाया हुआ किस्सा है। हमारे देश में अंग्रेजों के आने के पहले अफीम की खेती नहीं थी और होगी तो कहीं छुटपुट थी, बड़े पैमाने पर नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों की सरकार में मालवा के किसानों को मार मारकर पीट पीट कर जबरदस्ती उनके ऊपर अत्याचार करके अफीम की खेती करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि अफीम का व्यापार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत जगह पर करती थी। तो क्या होता था, भारत के किसानों को मारकर पीटकर उनसे अफीम पैदा करवाई जाती थी मालवा के क्षेत्र में। वो अफीम ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी किसानों से, उस अफीम को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में जाती थी बेचने के लिए। तो अफीम भारत में पैदा होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी उस अफीम को चीन में ले जाकर बेचती थी और चीन में ले जाकर अफीम बेचते थे अंग्रेजों के ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो मुनाफा भी कमाते थे और चीन के लोगों को नशे का शिकार भी बनाते थे। पूरे के पूरे चीन को बर्बाद किया था अंग्रेजों ने अफीम पिला पिलाकर, अफीम खिला खिलाकर। अफीम यहां से पैदा करवा के ले जाते थे और वहां पर चीन में बेची जाती थी और चीन के लोगों को पहले मुफ्त में अफीम पिलाई अंग्रेजों ने, मुफ्त में अफीम खिलाई, फिर धीरे धीरे नशे के शिकार हो गए तो उनसे पैसा लेने शुरू किया और अफीम देना शुरू किया। और आप जानते हैं कि चीन में एक बहुत बड़ा अफीम युद्ध हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको ओपियम ट्रेड वॉर कहा जाता है चीन के इतिहास में। वो इसीलिए हुआ कि भारत में अफीम पैदा होती थी मालवा में, अंग्रेजों की सरकार वो अफीम पैदा कराती थी, चीन में ले जाकर वो अफीम बेची जाती थी, चीन के लोगों को उससे बर्बाद किया जाता।
इस तरह के कानून भी अंग्रेजों की सरकार ने बनाए थे भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए। और इस तरह की व्यवस्थाएं बनाकर अंग्रेजों ने भारत के किसानों को पूरी तरह से बांध दिया था। तो जो किसान सबसे ज्यादा उन्नत खेती करता था, जो किसान सबसे ज्यादा उन्नत खेती करने वाला माना जाता था, जिस देश की खेती सबसे ज्यादा उन्नत मानी जाती थी, जिस वो किसान बर्बाद हुआ, वो खेती बर्बाद हुई और वो धीरे धीरे गरीबी में आ गया किसान, फिर दारिद्र में आया, फिर कंगाली में आया, फिर इस देश में भुखमरी हुई और अकाल पड़े। और जब अकाल पड़ते थे तो हिंदुस्तान के लाखों लाखों लोग भूख से मर जाते और अंग्रेजों की सरकार के लिए वो बहुत सुविधा की बात मानी जाती थी। अंग्रेजों की सरकार को लगता था कि जितने लोग इस देश में मरते जाएं भूख से, उतना ही अंग्रेजों की सरकार को लोगों को कंट्रोल करने में, लोगों को गुलाम बनाकर रखने में सुविधा होगी। तो अकाल जब पड़ते थे, महामारियां जब होती थी, भूख से लोग जब मरते थे, तो अंग्रेजों की सरकार उसके लिए कोई कदम नहीं उठाती। यह इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि एक देश जो 300 साल पहले तक सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता रहा, अनाज पैदा करता रहा, उसी देश में अंग्रेजों के जमाने में 10-10 अकाल पड़े, बड़े बड़े अकाल पड़े, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उन अकालों में मारे गए। बाद में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून और बनाया कि जब यहां अकाल पड़ना शुरू हो गया तो अनाज के उत्पादन में और ज्यादा कमी आ गई, तो अंग्रेजों की सरकार जो लगान वसूलती थी वो लगान में भी कमी आने लगी, क्योंकि अनाज का उत्पादन कम हुआ तो लगान मिलना कम हो गया। तो अंग्रेजों की सरकार ने फिर और ज्यादा अत्याचार करना किसानों के ऊपर शुरू कर दिया। और एक बार तो अंग्रेजों की सरकार ने इस कदर अत्याचार किया भारत के किसानों पर, आपको याद होगा 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, और इस दूसरे विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों की सरकार फंसी युद्ध करने के लिए, तो अंग्रेजों की सेना दूसरा विश्व युद्ध लड़ रही थी, लेकिन अंग्रेजों की सेना जो युद्ध लड़ रही थी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उस अंग्रेजी सेना के लिए भोजन भारत से भेजा जाता था, अनाज भारत से भेजा जाता था, गोमांस भारत से भेजा जाता था। अंग्रेजों की फौज लड़ रही थी दूसरे विश्व युद्ध में, और दूसरे विश्व युद्ध का कुल खर्चा भारत के किसानों को बर्दाश्त करना पड़ता था। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय में अंग्रेजों की सरकार ने एक तो किसानों पर टैक्स और बढ़ा दिया था, लगान और ज्यादा लगा दिया था, भारत के उद्योगों पर टैक्स बढ़ा दिया था, भारत के उद्योगों पर ज्यादा से ज्यादा भारत के उद्योगों से रेवेन्यू कलेक्शन हो सके युद्ध के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी, और दूसरी तरफ भारत का भोजन, भारत का अनाज, भारत के गाय का कत्ल करने के बाद मांस अंग्रेजों की फौज को मिल सके लगातार, उसकी भी व्यवस्था की थी। और आप जानते हैं कि जब भारत के अन्न, भारत का अनाज अंग्रेजों की फौज को जाने लगा, पहले से ही इस देश में अन्न उत्पादन में काफी कमी आ चुकी थी, फिर जो कुछ बचा हुआ अन्न था वो अंग्रेजों ने यहां से बाहर भेजना शुरू कर दिया, अपने देश में भेजना शुरू कर दिया, तो फिर अनाज की कमी और ज्यादा हो गई। तो अंग्रेजों ने एक कानून और बना दिया, और वो कानून है राशन कार्ड का कानून, जो आज भी इस देश में चल रहा। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये राशन कार्ड क्यों चलाया गया इस देश में। हम सबके घर में राशन कार्ड तो है, लेकिन वो राशन कार्ड क्यों चलाया था, अंग्रेजों ने क्यों शुरू किया था ये कानून, ये बहुत कम लोग जानते। 1939 के साल में अंग्रेजों ने राशन कार्ड का कानून बनवाया, और भोजन और अनाज पर उन्होंने राशनिंग की व्यवस्था शुरू करवाई। और ये राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों ने क्यों बनवाया, क्योंकि यहां का अनाज, यहां का भोजन इंग्लैंड चला जाता था, यहां के लोगों को भुखमरी की हालत का सामना करना पड़ता था। तो भारत के लोगों को भुखमरी की हालत का सामना करते हुए लोग जब मरते थे, तो अंग्रेजों की सरकार ने लोगों को थोड़ा तसल्ली दिलवाने के लिए कानून बना दिया कि राशन कार्ड आप ले लो अंग्रेजों की सरकार से, और जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड होगा उसको सस्ते दाम पर अनाज मिल सकेगा। तो जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाए अंग्रेजों की सरकार के ऑफिस में जाकर घूस देकर, रिश्वत देकर, भ्रष्टाचार करके, उन लोगों को ही सिर्फ अनाज मिलता था, बाकी लोगों को अनाज मिल नहीं पाता था। तो इस तरह के अत्याचारी कानून, इस तरह की व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने शुरू की थी इस देश में। इन सब व्यवस्थाओं के कारण भारत का किसान बर्बाद हुआ और भारत की खेती बर्बाद होती चली गई। और तकलीफ हमारी यह है कि जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार ने भारत की खेती को बर्बाद किया था, जिन नीतियों के कारण भारत के किसानों को बर्बाद किया गया था, जिन नीतियों और जिन कानूनों के चलते भारत के किसान की बर्बादी आई थी, भारत की खेती ही बर्बाद हुई थी, वो सारी की सारी नीतियां, वो सारे के सारे कानून आज भी चल रहे थे। उदाहरण के लिए, जो लैंड एक्विजिशन का एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, वो आप आजादी के 50 साल के बाद भी चलता। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, वो आज आजादी के 50 साल के बाद भी चलता। जो कानून अंग्रेजों ने बनाया किसानों के दाम
किसानों के अन्न का दाम पैदा करने के दाम तय करने के लिए, किसानों के अनाज का दाम तय करने के लिए वो कानून इस देश में आज भी चलता। बस फर्क इतना है कि पहले गोरे अंग्रेज उस कानून को चलाते थे, अब काले अंग्रेज उस कानून को चला रहे। और आज भी इस देश में ठीक उसी तरह से किसानों की जमीनें छीनी जाती हैं जिस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में छीनी जाती थी। अंग्रेजों के जमाने में जमीन कैसे छीनी जाती थी, एक कलेक्टर नाम का ऑफिसर अंग्रेजों ने बनाया सन 1860 में, एक कानून बनाया अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, और उस इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के नाम पर कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई, और उस कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वो गांव गांव के किसानों को मार पीट कर उनके ऊपर अत्याचार करके रेवेन्यू वसूले, लगान वसूले, और रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम करता था ऑफिसर उसको कलेक्टर कहते थे अंग्रेज। तो वो कानून बना दिया उन्होंने, और गांव गांव में कलेक्टर क्या करता था कि जब किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन कुर्क कर लेता, उसकी संपत्ति कुर्क कर लेता, उसके लिए एक नोटिस देता था किसान को और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती। तो जिस तरह से संपत्ति जब्त की जाती थी किसान की और उनकी जमीन छीन ली जाती थी, ठीक उसी तरह से आज भी इस देश में होता है। अब क्या होता है, कलेक्टर कभी नोटिस देता है, गांव के किसान की जमीन छीन ली जाती है, वो किसान को ये अधिकार भी नहीं होता है कि वो अपनी जमीन के बारे में कहीं कोई केस लड़ सके, जिरह कर सके, क्योंकि कानून ऐसा है अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कि सरकार इमरजेंसी बताकर किसी भी गांव के किसी भी किसान की कोई भी जमीन छीन सकती। मान लीजिए सरकार को किसी जमीन पर कारखाना बनवाना और गांव का किसान वो जमीन देना नहीं चाहता, तो सरकार जबरदस्ती नोटिस इशू करवाएगी कलेक्टर के माध्यम से, गांव के किसान की वो जमीन छीन ली जाएगी, फिर गांव के किसान को मजबूरी में कुछ पौना पौना दाम देकर जमीन सरकार के नाम लिखवा ली जाएगी। जिस तरह का अत्याचारी कानून अंग्रेज चलाते थे वो आज भी चलते, और हिंदुस्तान के किसानों की हजारों एकड़ जमीन हर साल छीनी जाती। पहले हिंदुस्तान के किसानों की जमीन छीनी जाती थी अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए, अब इस देश के किसानों की जमीन छीनी जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, परदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए। पिछले 7-8 वर्षों से हमारे देश में जो उदारीकरण की नीतियां चल रही है, जो जागतिकरण की नीतियां चल रही है, उन नीतियों के कारण हजारों एकड़ जमीन महाराष्ट्र के किसानों की छीनी गई, हजारों एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के किसानों की छीनी गई, हजारों एकड़ जमीन तमिलनाडु के किसानों की छीनी गई है, कर्नाटक के किसानों की छीनी गई है, हजारों एकड़ जमीन गुजरात के किसानों की छीनी गई है, आंध्र प्रदेश के किसानों की छीनी गई है, पंजाब के किसानों की छीनी गई है, हरियाणा के किसानों की छीनी गई है। हर साल हजारों एकड़ जमीन गांव के किसानों से छीन छीन कर परदेशी कंपनियों को बेच दी जाती है, और उस जमीन पर बड़े बड़े परदेशी कंपनियों के कारखाने लगते हैं। कल तक जिस जमीन में धान पैदा होता था, गेहूं पैदा होता था, अब उस जमीन पर कारखाना चलता है। सरकार क्या बोलती है, वो कहती है औद्योगिकीकरण हो रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, और लोग बोलते हैं कि ये बहुत फायदे का काम हो रहा है जो इंडस्ट्रीज बन रही। आप जानते हैं दुनिया में और हमारे देश में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें 100 रुपया लागत के रूप में अगर लगाया जाए तो 100 ही रुपए का उत्पादन हो जाए। हर फैक्ट्री में लागत ज्यादा होती है, उत्पादन कम होता। और भारत सरकार और भारत सरकार के नीति बनाने वाले लोग किस तरह की बेवकूफी की नीतियां बनाते हैं कि वो इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण मानते हैं और खेती को उससे कम मानते हैं। और मेरी मान्यता यह है कि खेती से बड़ी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं, खेती से बड़ा उद्योग पूरी दुनिया में कोई नहीं। आप पूछेंगे वो कैसे, किसान एक गेहूं का बीज डालता और उस एक गेहूं के बीज के डालने के बाद कम से कम 50-60 गेहूं के दाने लगते हैं जब एक बाल खड़ी होती। तो एक गेहूं का बीज डाला और उसमें से 50 गेहूं के बीज पैदा किए, बताइए ऐसा कारखाना आपने दुनिया में कहीं देखा? इतना जबरदस्त पूंजी का निर्माण जिस कारखाने में हो सके, ऐसा कारखाना कहीं आपने देखा? मैंने तो जितने कारखाने देखे हैं अपने जीवन में, वहां 100 रुपया डालते हैं तो 70 रुपए का उत्पादन मिलता है, 100 रुपया डालते हैं तो 80 रुपए का उत्पादन मिलता है, 100 रुपया डालते हैं तो 50 रुपए का उत्पादन मिलता है, माने जितनी लागत होती है उससे 50-60% ही उत्पादन मिलता है। लेकिन खेती एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप 1 रुपए का सामान डालिए तो 100 रुपए का सामान पैदा होता। तो इतना बड़ा उद्योग है जिसका सत्यानाश अंग्रेजों ने किया था, अब वही सत्यानाश भारत की सरकार का। और आज भी इस देश में वैसी ही नीतियां चलाई जा रही हैं जो अंग्रेजों के जमाने में चलाई जाती थी। अंग्रेजों के जमाने में किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता था, आज आजादी के 50 साल के बाद भी किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता।
इस देश में सिर्फ किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने द्वारा खेत में पैदा किए गए किसी भी सामान का दाम खुद नहीं तय कर पाता। जितने कारखाने चलते हैं इस देश में, जितने उद्योग चलते हैं पूरे देश में, हर उद्योग और हर कारखाना चलाने वाला आदमी अपने द्वारा पैदा की गई हर वस्तु का दाम खुद तय करता है, लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में, काश्तकार ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में जो अपने द्वारा पैदा किए गए गेहूं का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए बाजरे का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए धान का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए मक्के का दाम तय नहीं कर पाता। कुछ भी चीज जो पैदा करता है किसान, उसका दाम वो खुद नहीं तय कर पाता, सरकार तय करती है। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार करती थी वही काम आज भी हो। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों पर पाबंदी लगा रखी थी कि एक जिले का माल दूसरे जिले में किसान नहीं ले जाएगा, वैसी ही पाबंदी आज भी है कि एक प्रदेश का पैदा किया हुआ अनाज दूसरे प्रदेश में नहीं जाता, उस पर पाबंदी लगा रखी है सरकार। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार किसानों के ऊपर लगान वसूलती थी, टैक्स वसूलती थी, अब उस तरह की चर्चा इस देश में फिर शुरू हो गई है। आजादी के 50 साल के बाद खेती पे लगान तो कुछ कम कर दिया सरकार ने, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से किसानों की जेब काटना शुरू कर दिया सरकार। और किसानों की जेब कैसे काटती है सरकार? अगर किसान कपास की खेती करता है और एक क्विंटल कपास पैदा करने में उसका 2000 रुपया खर्च होता है, तो क्विंटल कपास जब बेचने जाएगा किसान, तो सरकार कहेगी 1800 रुपए दाम ले लो, 1900 रुपए दाम ले लो। बहुत अधिक आप उसके साथ, सरकार के साथ झगड़ा करेंगे तो 2000 रुपए क्विंटल का दाम देने को तैयार हो जाएगी। माने जिस कीमत पर आपकी कपास की फसल लग रही है वही कीमत आपको मिलेगी, मुनाफा कुछ नहीं होने देंगे आपको, तो आपकी जेब ही काट रहे हैं ना। या तो टैक्स लगाकर आपकी जेब काटें, या तो लगान वसूल कर आपकी जेब काटें, या फिर आपके ऊपर पाबंदी लगाकर आपके दाम तय करने की नीति सरकार अपने हाथ में ले ले और आपको मुनाफा नहीं होने दे, तो एक तरह का टैक्स ही है ये किसानों के ऊपर। और दूसरा तरीका क्या अपनाया हुआ है सरकार ने, कि किसान जो कुछ पैदा करता है और बाजार में जब बेचने जाता है तो उसकी कीमत नहीं मिलती, उसका दाम उसको नहीं मिलता, और किसान जो कुछ बाजार से खरीदता है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती है। अपने खेती में डालने के लिए फर्टिलाइजर लेता है, खाद लेता है, अपने खेती में डालने के लिए कीटनाशक लेता है, अपने खेती में डालने के लिए बीज लेता है, अपने खेती में और कोई चीज इस्तेमाल करनी हो किसान को जो बाजार से खरीदनी पड़े, तो उन सबके दाम तो बढ़ते चले जाते हैं। 100% दाम बढ़ जाएगा, 200% दाम बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा, 400% बढ़ेगा, 500% बढ़ेगा, लेकिन जो किसान बाजार में बेचने के लिए जाएगा कोई चीज, तो उसका दाम नहीं बढ़ता उस रेशियो में, तो हमेशा खेती घाटे का सौदा रहती है। खेती में जो लगाते हैं वो निकलता नहीं, और खेती में जितना लगाते हैं जब निकलता नहीं है तो किसान की खेती घाटे में आ जाती है, और जब घाटे की खेती करना किसान शुरू करता है तो कर्जदार होता है, कहीं ना कहीं से कर्ज लेता है, या तो साहूकार से ले या बैंकों से ले, और कर्जदार हो जाता है जब किसान, तो उसकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। इस देश में ऐसी नियम और ऐसी व्यवस्थाएं चलाई गई, और कर्जा लेकर जब किसान खेती करता है तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं? पिछले साल आंध्र प्रदेश के 100 किसानों ने जो आत्महत्या की थी वो सबसे बड़ा उदाहरण इस देश के सामने। 100 किसानों ने बैंक से कर्जा लेकर कपास की फसल लगाई थी आंध्र प्रदेश में, और उस कपास की फसल को जब किसानों ने लगाया तो उस कपास की फसल पर कीड़ा लग गया, और कपास की फसल पर जब कीड़ा लगा तो कीड़े को मारने के लिए किसान दवा लेकर आए, और दवा अंग्रेजी कंपनी की थी, परदेशी कंपनी की थी, उस दवा को उन्होंने खेत में छिड़का। दवा पर जितने निर्देश लिखे हुए थे सब अंग्रेजी में थे, किसान अंग्रेजी पढ़ना जानते नहीं, तो दवा उन्होंने छिड़क दी खेत में, तो जो कपास की फसल बची हुई थी वो भी पूरी तरह से चौपट हो गई। और जब कपास की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई तो किसानों के पास कुछ नहीं बचा जो वो बैंकों को कर्जे के रूप में लिया था उसको वापस कर सके। बैंक वाले आए अपना कर्जा मांगने के लिए, किसानों के पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो किसानों ने क्या किया कि जो कपास की फसल का कीड़ा मारने की दवा वो लेकर आए थे वही दवा उन्होंने खुद पी, और सबके सब मर गए। ऐसे किसान आत्महत्या करते हैं जब बैंक के कर्जे में कोई किसान फंसा है तो। और हिंदुस्तान में 45 करोड़ किसान छोटे किसान हैं जिनके पास 2 बीघा की जमीन है, 3 बीघा की जमीन है, 5 बीघे की जमीन है, ऐसे 45 करोड़ किसान हैं। जरा उनकी आप कल्पना तो करिए कि ये 45 करोड़ किसान आज की परिस्थिति में किस तरह से खेती करते होंगे और किस तरह से कर्जदार बनते होंगे। और इस देश में कभी कभी क्या होता है कि गांव का किसान कोई कर्ज ले लेता है, कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होता, और कभी कभी वो कर्ज माफ कर दिया जाए तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है,
और हर साल हजारों करोड़ रुपए का माफ किया जाता है पैसा बड़े बड़े उद्योगों पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर। इंडस्ट्रीज बैठ जाती हैं, उद्योग बैठ जाते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं और बैंक वाले कुछ नहीं कर पाते। और जब किसान के कर्जे की माफी की बात आती है तो हंगामा कर देते हैं पूरे देश। ऐसी व्यवस्था आज भी चल रही है इस देश में। किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उनकी पैदा की गई फसल के दाम तय करने का अधिकार उनको नहीं मिल पाया है। जो कुछ खेत में लगाने के लिए वो बाजार से खरीदते हैं सबके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान जो कुछ पैदा करता है उसका दाम उसको नहीं मिल रहा है। बिजली का दाम बढ़ा दिया, पानी का दाम बढ़ा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया। जो सब्सिडी मिल सकती थी थोड़ी बहुत किसानों को वैट करार के बाद, वो भी पूरी तरह से खत्म होती चली जा रही है। इस तरह से लगातार बर्बादी के रास्ते पर ही है। जिस तरह से बर्बादी अंग्रेजों के जमाने में किसानों की आई थी, वही बर्बादी अब आजादी के 50 साल के बाद भी। और इन बर्बादियों को बढ़ाने के लिए कुछ नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजों की सरकार नए नए कानून बनाती थी किसानों को बर्बाद करने के लिए, वैसे ही अब नए नए कानून फिर किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजों की सरकार नए नए कानून बनाती थी किसानों को बर्बाद करने के लिए, वैसे ही अब नए नए कानून फिर किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कानून इस देश में बन गया है। सन 1994 के साल में 15 दिसंबर को भारत सरकार ने गैट करार पर हस्ताक्षर कर दिया। अब इस गैट करार पर हस्ताक्षर होने के बाद तो किसानों की हालत और बराबर गिरती चली जा रही है, बर्बादी की तरफ जाती चली जा रही है। गैट करार जो हस्ताक्षर किया गया 15 दिसंबर 1994 को, वो है क्या? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में काफी गलतफहमी, और इस गलतफहमी को आज मैं आपको दूर करना चाहता हूं। ये गैट करार है क्या? हम लोग, आप लोग अगर समझ सकें तो किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। गैट करार एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा समझौता है जिसको भारत सरकार ने किया है दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर। ये समझौता क्या है, ये क्या करता है समझौता, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह की बातें इसमें दी गई हैं, किस तरह की बातें लिखी गई हैं? मैं पहले तो आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि यह गैट क्या है। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो सारी दुनिया में बर्बादी दिखाई दे रही थी। यूरोप के देश बर्बाद हो गए थे जो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, बहुत सारे दूसरे देश बर्बाद हो गए थे जो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। तो उस बर्बादी को दूर करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड बैंक। इसका एक दूसरा नाम भी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और उसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। ये क्यों बनाई गई संस्था? ये बनाई गई जिन देशों में बर्बादी आई है उन देश के लोगों को अगर लोन चाहिए प्रोजेक्ट चलाने के लिए, परियोजनाएं चलाने के लिए, सरकारों को कर्जा चाहिए तो सरकारें वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सकें, जो सरकारें बर्बाद हो चुकी थी, जो देश बर्बाद हो चुके। फिर उसी के साथ साथ एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जिम्मेदारी क्या दी गई थी? दुनिया के तमाम देशों को अपने कर्जे के तात्कालिक ब्याज चुकाने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसके लिए बनाया गया। वर्ल्ड बैंक बनाया गया बड़ी बड़ी परियोजनाओं का कर्ज लेने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया तत्काल किसी देश को भुगतान की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, पैसा नहीं है उनके पास भुगतान करने के लिए, तो IMF बनाया गया तत्काल कर्ज देने के लिए। IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा एक तीसरी संस्था और बनाई गई जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और ये GATT संस्था की जिम्मेदारी क्या तय की गई? इसकी जिम्मेदारी ये तय की गई, तो दुनिया के देशों में माल बिकने के लिए जाता है, किसी एक देश का माल किसी दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश का माल किसी तीसरे देश में जाता है, तो ये दुनिया के तमाम देशों के माल एक दूसरे के देशों में जब बिकने के लिए जाते हैं तो उनमें अक्सर झगड़े होते रहते हैं। कोई देश किसी परदेशी देश के माल पर टैक्स बढ़ा देता है, कोई देश किसी दूसरे परदेशी देश के माल पर टैक्स बढ़ा देता है, तो इस तरह के टैक्स के झगड़े होते हैं, टैरिफ के झगड़े होते हैं, नॉन टैरिफ के झगड़े होते हैं। कोई देश कहता है हमको इतना ही माल चाहिए तो जबरदस्ती दूसरा देश बेचने की कोशिश करता है, तो इस तरह के जो झगड़े होते हैं इन झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो टैक्स के होने वाले झगड़े, टैरिफ के होने वाले झगड़े, वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क के होने वाले झगड़ों का निपटारा करने के लिए यह संस्था बनी। और जब से यह संस्था बनी तब से भारत इसका सदस्य रहा। अंग्रेजों ने और अमेरिका ने और यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर यह GATT का निर्माण किया था, और भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था 1945-46 में। तो अंग्रेजों ने जैसा तय कर दिया भारत ने वैसा माना। अंग्रेज चले गए और उन्होंने GATT नाम की संस्था में मेंबरशिप ले ली और भारत को भी जबरदस्ती GATT का मेंबर बना दिया। भारत जब GATT का मेंबर हो गया
तो उसके बाद आजादी के तुरंत बाद इस देश में बहस हुई और बहस के समय यह तय किया गया कि अभी भारत मेंबर बन गया है तो बन जाने दो, क्योंकि इससे कुछ खास नुकसान तो होता नहीं। उस समय गेट के कानून क्या थे कि कोई भी देश का व्यापार किसी दूसरे देश के साथ होगा तो उस व्यापार में जो झगड़ा होगा टैरिफ का या झगड़ा होगा नॉन टैरिफ का, तो उन्हीं झगड़ों का निपटारा करने के लिए यह संस्था काम करेगी, बाकी इस संस्था की कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होगी। और इस तरह से गेट का काम चलना शुरू हुआ। एक नियम उसमें यह रखा गया था कि कोई देश का आंतरिक कानून और गेट के बनाए गए किसी कानून में अगर झगड़ा होगा तो देश का आंतरिक कानून लागू किया जाएगा, गेट का कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो किसी देश की सीमा जब शुरू होती थी तो गेट का कानून वहां पर खत्म होता था। तो देशों की सीमा के अंदर गेट के कानून कभी लगा नहीं करते थे, देश की सीमा के बाहर जो ट्रेड का मामला है सिर्फ उसी में कानून लगा करते थे। तो इस तरह की व्यवस्था शुरू हुई और लगातार चलती रही, 10 साल चली, 15 साल चली, 20 साल चली, 25 साल चली, 30 साल चली। उसके बाद धीरे धीरे इस गेट नाम की संस्था को बदलने का एक अभियान अमरीका ने शुरू किया। अमरीका ने क्या किया, 1970 और 1980 के दशक में अमरीका के बाजार में थोड़ी मंदी आ गई, यूरोप के बाजार में भी मंदी आ गई, और यूरोप और अमरीका के बाजार में जब मंदी आई थोड़ी सी, तो अमरीका और यूरोप के अर्थशास्त्रियों ने और वहां की सरकारों ने यह विचार करना शुरू किया कि हमारे बाजार की मंदी को अगर दूर करना है तो हमारे सामान दुनिया के तमाम दूसरे देशों के बाजारों में ज्यादा से ज्यादा बिकने चाहिए। तो अमरीका का माल दूसरे देशों में बिकना चाहिए, यूरोप का माल दूसरे देशों में बिकना चाहिए, हालांकि उसके पहले भी बिकता था, अमरीका का माल दूसरे देशों में, जापान का माल दूसरे देशों में, यूरोप का माल दूसरे देशों में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए, इस तरह की बात करना शुरू किया अमरीकी सरकार ने और यूरोपियन सरकारों। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दुनिया के दूसरे देशों के बाजारों को खुलवाना है अपना माल बेचने के लिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कानून बनवाने पड़ेंगे। तो अमरीका ने और यूरोप के देशों ने गैट नाम की संस्था का दुरुपयोग करना शुरू किया इस काम के लिए। गैट में पहले जो कानून बनाए गए थे कि गैट में यह नियम था कि किसी भी देश के आंतरिक कानून में, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप गैट नहीं करेगा। फिर अमरीका ने ऐसी व्यवस्था बनाना शुरू किया कि गैट नाम की संस्था के नियम किसी देश के आंतरिक कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, और आंतरिक कानूनों में किसी देश में हस्तक्षेप करके उन देश के कानूनों को बदलवाकर अपने देश का माल उन देशों में बिकवाकर कोई नई व्यवस्था बना दी जाए। इसके चक्कर में अमेरिका और यूरोप के देश लगे रहे और उन्होंने उसमें थोड़ी सफलता हासिल की। 1986 के साल में गेट की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अमेरिका और यूरोप के देशों ने यह कहना शुरू किया कि अभी हम सारी दुनिया के देशों में अपना माल बेचना चाहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाए। गेट के नियमों को बदल दिया गया। तो गेट के नियमों को बदलने के लिए फिर अभियान शुरू हुआ और उस अभियान में अमेरिका के साथ यूरोप के भी बहुत सारे लोग शामिल हुए। तो पहले जो गेट नाम की संस्था और उसका नियम चलता था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया, और जिस व्यक्ति ने यह नियमों का बदलाव किया उसका नाम था आर्थर डंकल, वो उस समय गेट का महानिदेशक था। तो आर्थर डंकल ने नए नियम बना दिए और नए नियम बनाकर दुनिया के तमाम देशों के सामने रखे कि अभी आपको अगर गेट में शामिल होना है तो इन नए नियमों को मानना पड़ेगा, और वो नियम अमेरिका के हित में बनाए गए थे, यूरोप के हित में बनाए गए थे। तो जब नए नियम बनाना शुरू किया तो डंकल ने जिस तरह के नियम बनाए और वो ड्राफ्ट तैयार किया तो उस ड्राफ्ट का नाम पड़ गया डंकल ड्राफ्ट, डंकल प्रस्ताव। और डंकल प्रस्ताव को दुनिया के तमाम देशों के सामने पेश किया गया, या तो आप इस बनाए गए नए ड्राफ्ट को, नए नियमों को पूरी तरह से स्वीकार करिए या इसको पूरी तरह से आप रिजेक्ट कर दीजिए, और आप अगर रिजेक्ट कर देंगे तो गेट के मेंबर नहीं रहेंगे, स्वीकार करेंगे तो नए नियम आपके देश का नुकसान करेंगे। ऐसी स्थिति आ गई भारत के सामने। तो उस समय जो भारत की सरकार थी 1986-1987 के साल में, उस सरकार ने पूरी तरह से घोषणा की कि हम गेट करार को मानेंगे नहीं। और फिर बाद में भारत के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हुआ अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से। तो भारत सरकार ने एक काम किया कि भारत के कुछ सचिवों की एक समिति बनाई और उस समिति को यह कहा गया कि आप इसका अध्ययन करिए। तो भारत सरकार के कुछ सचिवों ने उसका अध्ययन किया प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, और उसमें से नतीजा यह निकला कि यह गेट करार अच्छा नहीं है, देश के लिए बहुत खराब। बाद में भारत सरकार ने हमारे देश के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर एक समिति बनाई थी गेट करार का अध्ययन करने के लिए, और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था श्री इंद्र कुमार गुजराल को,
तो इंद्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत सरकार को जो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में पूरी तरह से कहा उन्होंने कि ये गैट करार बिल्कुल भी देश के हित में नहीं है, इसको पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो भारत सरकार द्वारा बनाई गई संसदीय समिति ने पूरी तरह से गैट करार को रिजेक्ट करने की बात कही, उसके बावजूद भारत सरकार ने 15 दिसंबर 1994 को गैट करार पर हस्ताक्षर कर दिए। और गैट करार पर हस्ताक्षर करते समय देश के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, और वो झूठ क्या बोला गया, भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जब गैट करार लागू हो जाएगा पूरी दुनिया में तो सारी दुनिया का व्यापार $240 अरब बढ़ जाएगा, और सारी दुनिया का व्यापार जब $240 अरब बढ़ जाएगा तो भारत का व्यापार भी कम से कम $5 अरब तो बढ़ ही जाएगा, भारत का निर्यात $5 अरब ज्यादा हो जाएगा। और आपको अगर याद होगा कि जिस समय भारत सरकार ने गैट करार पर हस्ताक्षर किया था उस समय रोज टेलीविजन पर इस तरह के कार्यक्रम आते थे गैट करार के समर्थन में, तो सरकार कभी एक को बिठाती थी कभी दूसरे को बिठाती थी, और सरकारी जो भोंपू होते थे, जो सरकारी चाटुकार होते थे, वो टेलीविजन पर ये बताते थे गांव के किसानों को कि आपका बहुत फायदा होने वाला है, आपका निर्यात बढ़ने वाला है, किसानों को बहुत मदद होने वाली है, किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। और इस तरह से पूरे देश में गैट करार विरोधी जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको धीरे धीरे खत्म करने का काम टेलीविजन के माध्यम से सरकार ने किया। और इस तरह से भारत की सरकार ने किसानों को और देश के लोगों को गुमराह किया कि $240 अरब का व्यापार बढ़ेगा पूरी दुनिया का, भारत का व्यापार $5 से $6 अरब का बढ़ेगा, भारत का निर्यात भी बढ़ेगा, भारत के किसानों की आमदनी बढ़ेगी, भारत के किसानों का निर्यात बढ़ेगा, इस तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। आज गैट करार को लागू हुए 4 साल हो गए हैं, और 4 साल लागू होने के बाद स्थिति क्या है, 4 साल लागू होने के बाद स्थिति बिल्कुल उल्टी है। पूरी दुनिया में किसी भी स्तर पर $240 अरब का व्यापार बढ़ा नहीं है, बल्कि भयंकर मंदी आ गई है पूरी दुनिया में। गैट करार लागू होने के बाद जो व्यापार बढ़ने की बात कही जा रही थी बिल्कुल उल्टी बात साबित हुई है, व्यापार बढ़ा नहीं है, व्यापार बहुत कम हो गया है। और पूरी दुनिया में व्यापार जब कम हो जाता है, माल की खरीद और बिक्री कम हो जाती है, तभी मंदी आती है। इस समय पूरी दुनिया में भयंकर मंदी चल रही है, अमरीका में भी मंदी चल रही है, यूरोप में भी मंदी चल रही है, खुद भारत में भयंकर मंदी चल रही है। तो इतना बड़ा झूठ इस देश के लोगों से बोला गया कि $240 अरब का व्यापार बढ़ेगा, भारत का व्यापार $5 से $6 अरब का बढ़ेगा, वो तो कहीं हुआ नहीं, बल्कि स्थिति उल्टी हो गई। स्थिति यह हो गई है कि भारत का निर्यात पहले जितना होता था उसमें $5 अरब का निर्यात कम हो गया। जो $5 अरब का निर्यात बढ़ने की बात कही जाती थी गैट करार लागू होने से, वो $5 अरब का निर्यात अभी कम हो गया। और हम लोग पहले से ही इस बात को बोलते थे, आजादी बचाओ आंदोलन ने बहुत पहले से इस बात को कहा था कि गैट करार लागू होने से किसी भी किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला, भारत के किसी उद्योग को कोई फायदा होने वाला नहीं, भारत के किसी व्यापार का कोई फायदा होने वाला नहीं, बल्कि किसानों को नुकसान होगा, उद्योगों को नुकसान होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा। और क्या क्या नुकसान होंगे, किस तरह के नुकसान होंगे, उसको बताने के लिए मैं अपने साथ गैट करार की कॉपी लेकर आया हूं। और इस गैट करार में लिखा हुआ क्या है, मैं आपको 2-3 बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि गैट करार में वास्तव में क्या लिखा हुआ। बहुत बार लोगों को गलतफहमी रहती है, किसी ने गैट करार देखा नहीं और वो गैट करार पे भाषण देना शुरू कर देता है कि ये बहुत अच्छा है देश के लिए, अखबारों में कहीं छप गया उसके आधार पर बोलना शुरू कर दिया कि गैट करार बहुत अच्छा है देश के लिए। तो वास्तव में गैट करार कितना खतरनाक है, कितना खराब है इस देश के लिए, उसके लिए मैं आपको 1-2 प्रमाण देना चाहता हूं। गैट करार का जो एग्रीमेंट है, जो गैट एग्रीमेंट है, वो मेरे पास है, और इस एग्रीमेंट में से मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट अंग्रेजी में लिखा गया, और इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट में करीब 550 से ज्यादा पन्ने। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि गैट करार सिर्फ किसानों के बारे में, किसानों के बारे में ही नहीं है, बहुत सारी दूसरी बातें भी इसमें। किसानों के अलावा 28 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे देश के जिनके ऊपर यह गैट करार लागू होता है। खेती और किसानों का इसमें एक अध्याय है, लेकिन इसके अलावा 27 और अध्याय है जो दूसरे तमाम क्षेत्रों पर लागू होते हैं। कपड़े के बारे में है इसमें, बीमा कंपनियों के बारे में है, बैंकों के बारे में है, सर्विसेज का पूरा सेक्टर है, ट्रिप्स का पूरा चैप्टर है, पेटेंट के बारे में है इसमें, बहुत सारे दूसरे विषयों के बारे में है, करीब 28 विषयों के बारे में इसमें है, उनमें से खेती और किसानों का एक विषय है सिर्फ इसमें। तो ये कहता क्या है और इस करार में लिखा हुआ क्या है, मैं आपको इसका एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूं।
ये किस तरह का दस्तावेज है। गैट करार का जो सबसे पहला अध्याय है, उस सबसे पहले अध्याय का पेज नंबर 10 और पैराग्राफ नंबर 5 क्या लिखा है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसकी हिंदी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसमें लिखा हुआ है, नो रिजर्वेशन मे बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट, रिजर्वेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट मे ओनली बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेट आउट इन दिस एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि इस गैट करार में जो कुछ लिखा गया है उस पर आप कुछ भी आपत्ति नहीं कर सकते, और अगर आप कुछ आपत्ति करना चाहें तो उतनी ही आपत्ति कर सकते हैं जो इसमें लिखा गया है। इसको समझिए, नाक को ऐसे पकड़ा जाए या ऐसे घुमा के पकड़ा जाए, ये गैट करार की भाषा कुछ इसी तरह की। पहले कह दिया कि इस गैट करार में जो कुछ भी लिखा गया है उस पर आप कुछ भी आपत्ति नहीं कर सकते, फिर दूसरी लाइन में यह कह दिया गया कि अगर आप आपत्ति करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही जितना इसमें लिखा हुआ है, माने इसके लिखे हुए के बाहर आप कुछ आपत्ति नहीं कर सकते। आपको लगता है कि इसमें खेती और किसानों के बारे में जो कुछ कहा गया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, वो बहुत ही खराब है, उससे बहुत ही बर्बादी होने वाली है देश की, और इसको निकाल दिया जाए, तो आप ये नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है। और इसी अध्याय का पैराग्राफ नंबर 4 वो क्या कहता है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कहता, वो ये कहता है, ईच मेंबर शैल एंश्योर द कंफॉर्मिटी ऑफ इट्स लॉज रेगुलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स विद इट्स ऑब्लिगेशंस एज प्रोवाइडेड इन दिस एग्रीमेंट। माने हर देश को अपने कानून इस गैट करार में लिखे गए नियमों के आधार पर ही बनाने होंगे। माने अगर किसी देश में कोई ऐसा कानून है जो गैट करार के नियम का विरोधी है तो आपको अपना कानून बदलना पड़ेगा, गैट करार को कानून लागू करवाना पड़ेगा। ये दो बातें ही सिद्ध करती हैं कि यह कितना खतरनाक एग्रीमेंट है। एक तरफ तो पूरी दुनिया में यह चर्चा चलाई जाती है अमेरिका और यूरोप की तरफ से कि हम बहुत डेमोक्रेटिक देश हैं, हम बहुत प्रजातांत्रिक देश हैं, और दूसरी तरफ इतनी भी छूट नहीं देते कि इसमें लिखे गए किसी नियम पर आपत्ति की जाए और उसको बदलवाने की बात की जाए, इतनी भी छूट नहीं। तो अब इससे होगा क्या कि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे नियम हैं, और गैट करार में अपने लिखे गए अलग अलग से नियम हैं, वो सारे नियम बदल दिए जाएंगे जो हमारे देश में हैं और गैट करार के विरोधी हैं। अब तक हमारे देश में क्या होता था कि कोई गैट करार हो या कोई दूसरा करार हो, देश के अंदर बनाया गया कोई भी नियम और कानून नहीं बदला जाएगा, अब तक हमारे देश में यह व्यवस्था थी। लेकिन गैट करार लागू होने के बाद व्यवस्था बिल्कुल उलट गई है। अब हमारे देश में कोई कानून और नियम पहले से बनाया गया हो और वो गैट करार विरोधी हो तो हमको वो नियम बदलना पड़ेगा, हमको वो कानून बदलना पड़ेगा। माने अब इस देश का कानून हमारी संसद में नहीं बनेगा, अब इस देश का कानून गैट करार के गैट के ऑफिस में बैठकर तय किया जाएगा। आप बताइए, हमने तो संसद चलाई है अपना कानून बनाने के लिए, हमने तो विधानसभाएं बनाई है अपना कानून बनाने के लिए, और हमारी संसद और हमारी विधानसभाएं ही कानून नहीं बना सकेंगी, गैट के आधार पर जो कानून बनकर आएगा उन्हीं को भारत में अगर लागू किया जाएगा तो इस संसद का मतलब क्या है, फिर इन विधानसभाओं का मतलब क्या है। और इसी को कहते हैं कि जब किसी देश की संसद अपने कानून बनाने का अधिकार खो देती है, जब किसी देश की विधानसभाएं अपना कानून बनाने का अधिकार खो देती है, उसी को कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता खत्म हो गई है किसी देश की। किसी भी देश की राजनीतिक संप्रभुता के खत्म होने का मतलब एक ही होता है कि उस देश की सरकार, उस देश की संसद, उस देश की विधानसभाएं अपने कानून बनाने के अधिकार को खत्म कर दें, और वो गैट करार के बाद हो गया है। अब इसमें क्या होगा, खेती और किसानों के लिए मान लीजिए कुछ कानून इस देश में है, वो सब बदलने पड़ेंगे अगर गैट करार विरोधी है। कपड़े उद्योग के बारे में इस देश में कुछ कानून है जो गैट करार विरोधी है, वो भी बदलने पड़ेंगे। इस देश में दवा उद्योग से संबंधित अगर कुछ कानून ऐसे हैं जो गैट करार विरोधी हैं तो वो सब बदलने पड़ेंगे। माने हमको हमारे देश में अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए कोई कानून अगर बनाना पड़े और वो कानून
दुर्भाग्य से अगर गैट करार विरोधी हो तो वो कानून बदलना पड़ेगा, गैट करार का कानून लागू करना पड़ेगा। स्थिति क्या हो गई है, पहले हमारे देश का कानून अंग्रेज तय करते थे, अब हमारे देश का कानून गैट करार के आधार पर तय होगा। तो गुलामी के दिनों में जो हालत हमारी थी वही हालत अब आजादी के 50 साल की। कानून कैसे कैसे हैं, किस किस तरह के नियम हैं, किसानों से और खेती से संबंधित जो कानून गैट करार में दिए गए हैं उन्हीं की चर्चा मैं आपसे करूंगा, क्योंकि ढेर सारी चर्चाएं करने के लिए ना तो वक्त है और ना आपके पास सुनने के लिए, क्योंकि 550 पन्ने का एग्रीमेंट है, अगर इसको सुनाना शुरू किया तो 10-15 दिन का व्याख्यान देना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ खेती और किसानों से संबंधित जो बातें इसमें हैं और जो सबसे खतरनाक बातें हैं उन्हीं के बारे में मैं आपसे कहने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की बातें इसमें हैं। किसानों के लिए जो दस्तावेज इसमें दिया गया है उसका नाम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, खेती पर समझौता, और खेती पर समझौते के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में किस तरह के नियम है। जैसे हमारे यहां एक ऐसा नियम है जो अब तक चलता रहा है और लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया था। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नियम बनाया था, आप जानते हैं जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो अमरीका से इस देश में लाल रंग का गेहूं आता था। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं इस सभा में उनको याद होगा, और अमरीका से लाल रंग का गेहूं आता था उसको कहते थे PL 480, PL 480। तो PL 480 कानून के तहत अमरीका से लाल रंग का गेहूं भारत में भेजा जाता था और वो गेहूं अमरीका में जानवर भी नहीं खाते थे। तो जिस गेहूं को अमरीका के जानवर भी नहीं खाते थे वो गेहूं भारत के लोगों को खिलाया जाता था, और ये समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये समझौता रद्द कर दिया, और लाल बहादुर शास्त्री जी का ये कहना था कि जो गेहूं अमरीका में जानवर भी ना खाएं वो गेहूं भारत के लोगों को खिलाया जाए तो ये देश के लोगों का सबसे बड़ा अपमान है। उस समय भारत में गेहूं की कुछ कमी थी, गेहूं का उत्पादन कुछ कम था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भले ही मेरे देश में गेहूं का उत्पादन कितना ही कम क्यों ना हो लेकिन मैं अपमानजनक शर्तों पर अमरीका से गेहूं नहीं खरीदूंगा, और उन्होंने गेहूं खरीदने का समझौता रद्द कर दिया। उसके बाद में शास्त्री जी के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हुआ और तमाम तरह के लोगों ने शास्त्री जी को यह कहना शुरू कर दिया कि आप अमरीका से गेहूं नहीं खरीदेंगे, हिंदुस्तान के किसान भूखे मर जाएंगे, हिंदुस्तान के मजदूर भूखे मर जाएंगे। तो शास्त्री जी सबका एक ही जवाब देते थे कि गेहूं का उत्पादन अगर कम है तो हमको कमी में रहना सीखना होगा, अपमानजनक शर्तों पर हमें किसी का गेहूं खाना मंजूर नहीं। बहुत स्वाभिमानी आदमी थे शास्त्री। तो जब समझौता रद्द कर दिया तो एक दिन शास्त्री जी ने सारे देश के लोगों से एक अपील की। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी भारी जनसभा हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस जनसभा को संबोधित किया था, और उस जनसभा में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जो देश के लोगों से वो ये कि मैंने अमरीका से लाल रंग का गेहूं खरीदना बंद कर दिया क्योंकि अपमानजनक शर्तों पर मुझे गेहूं लेना मंजूर नहीं, अब देश में गेहूं की कमी होगी तो मैं सारे देश के लोगों से अपील करता हूं कि वो गेहूं खाना कम कर दें और अगर संभव हो तो सप्ताह में एक दिन व्रत रखना शुरू कर दें। और देश के करोड़ों लोगों ने शास्त्री जी की इस अपील का स्वागत किया और हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। शास्त्री जी ने अपील की कि हमें सम्मान के साथ रहना है भले ही एक समय कम खाना पड़े, अपमान के साथ हमको किसी का कुछ भी नहीं लेना। तो राष्ट्र के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जब करोड़ों लोगों से अपील की तो करोड़ों लोगों ने उस बात का स्वागत किया, और वो समय ऐसा समय था जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था 1965 के साल, और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था आप जानते हैं कि युद्ध में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाती है, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं सरकार, तो ऐसी स्थिति में भी शास्त्री जी ने अमरीका से मदद लेना बंद करवा दिया, इतने स्वाभिमानी आदमी। और उसके बाद शास्त्री जी ने एक ऐसा नियम बना दिया था कि मैं देश में कोशिश करूंगा कि गेहूं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हमें परदेशों से गेहूं ना खरीदना पड़े, और भारत के किसानों का गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने कई तरह की योजनाएं चलाई और उसका नतीजा ये निकला कि आज भारत गेहूं उत्पादन में पूरी तरह से स्वावलंबी है, हमको जितने गेहूं की जरूरत पड़ती है उतना गेहूं इस देश में पैदा होता है। ये लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बनाई गई योजना का परिणाम। और शास्त्री जी ने
जब यह योजना बनाई थी तो ध्यान रखिए उसके पीछे एक तर्क था कि हम परदेशी गेहूं नहीं खरीदेंगे, परदेशी अनाज नहीं खरीदेंगे। हमारे पास अगर अनाज की कमी है तो कम खाएंगे लेकिन परदेशों से बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, ये उनकी योजना थी। उस आधार पर भारत ने अन्न का उत्पादन बढ़ाया और आज इस देश में 20 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। आजादी जब मिली थी इस देश को सिर्फ 4.5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था, आज आजादी के 50 साल के बाद 20 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ, 5 गुना उत्पादन इस देश के किसानों ने बढ़ाया, तो वो उस तरह की नीतियों का परिणाम था और आज हम स्वावलंबी। लेकिन अब क्या होगा, गैट करार लागू हो गया है और तब से हमको ये कानून अपना बदलना पड़ेगा, ये नियम बदलना पड़ेगा। और नियम कैसे बदलना पड़ेगा, गैट करार में खेती से संबंधित जो नियम दिए गए हैं उनमें एक ऐसा नियम है जिसमें यह कहा गया है कि हर साल हमको जबरदस्ती बाहर से अनाज खरीदना ही पड़ेगा। हमें उसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन जबरदस्ती हर साल हमको बाहर से अनाज खरीदना ही पड़ेगा। कितना खरीदना पड़ेगा और कैसे खरीदना पड़ेगा, उसके लिए जो नियम इसमें लिखा गया है गैट करार में, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में पेज नंबर 23 पर एनेक्सर नंबर 5 है और उस एनेक्सर नंबर 5 में पैराग्राफ नंबर 5 है जो ये बात कहता है कि हमारे जैसे देशों को जबरदस्ती हर साल बाहर से अनाज खरीदना ही पड़ेगा चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। वो कैसे कहता है, वेयर द स्पेशल ट्रीटमेंट इज नॉट टू बी कंटिन्यूड एट द एंड ऑफ द इंप्लीमेंटेशन पीरियड द मेंबर कंसर्न शैल इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ 6 बिलो इन सच अ केस आफ्टर द एंड ऑफ द इंप्लीमेंटेशन पीरियड द मिनिमम एक्सेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेजिग्नेटेड प्रोडक्ट शैल बी मेंटेन्ड एट द लेवल ऑफ 8% ऑफ करस्पॉन्डिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन इन द बेस पीरियड इन द शेड्यूल्ड ऑफ द मेंबर कंसर्न। मतलब क्या है इसका, 1986 से 1988 के साल में भारत के लोगों ने जो अनाज खाया था कुल मिलाकर वो था लगभग 24-25 करोड़ टन। तो 24-25 करोड़ टन जो हमने कुल अनाज खाया, उस अनाज का 8% हर साल हमको विदेशों से खरीदना ही पड़ेगा चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। अभी जैसे मान लीजिए हमारे यहां गेहूं की जरूरत नहीं है विदेशों से खरीदने के लिए, लेकिन खरीदना पड़ेगा। हमको शक्कर की जरूरत नहीं है विदेशों से खरीदने के लिए, लेकिन खरीदनी पड़ेगी। हमको तुअर की दाल विदेशों से खरीदने की जरूरत नहीं है अगर, लेकिन खरीदनी पड़ेगी, जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। और ये नियम हमारे देश पर कितने खतरनाक तरीके से लागू होगा, क्योंकि भारत की आबादी 98 करोड़ है इसलिए हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज्यादा, हमारे यहां लोग ज्यादा है, हमारे यहां जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हमारे यहां अनाज का उपयोग भी बहुत ज्यादा है। और जिन देशों में जनसंख्या बहुत कम है, जिन देशों में लोग बहुत कम है, वहां पर अनाज का उपयोग भी बहुत कम है, तो उन देशों के लिए तो यह नियम बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत थोड़ा सा उनको खरीदना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, गैट में जितने देश मेंबर हैं उन सभी देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, लेकिन चीन गैट का मेंबर नहीं है तो चीन पर यह नियम लागू नहीं होता। भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है इस समय गेट के देशों में, तो भारत के ऊपर जब यह नियम लागू होगा तो पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा इस देश का। तो हर साल हमको करीब करीब 8% अन्न खरीदना ही पड़ेगा, तो यह कितना बैठेगा। और फिर इस नियम में एक चीज और जोड़ी गई है कि हर साल हमको यह जो बाहर से खरीदने वाला अन्न है इसमें 0.8% की बढ़ोतरी करती रहनी होगी हर साल। 8% तो खरीदना ही है 1986 से 88 के बीच में जो टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका, और हर साल इसमें 0.8% की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो लगभग सन 1999 तक आते आते क्या स्थिति होगी, सन 1999 तक आते आते हमको हर साल 2 करोड़ टन अनाज बाहर से खरीदना ही पड़ेगा।
चाहे उसकी हमको जरूरत हो या ना हो। अब आप जानते हैं कि जबरदस्ती अगर बाहर से अनाज हमने खरीदा, हमारी सरकार ने खरीदा, और देश में भी अनाज है काफी, तो क्या होगा उसका? बाहर से जो अनाज आएगा वो देश के अंदर पैदा किए गए अनाज का दाम बुरी तरह से गिराएगा, यही तो होगा। आप जानते हैं जब भी समाज में उपभोग से ज्यादा सप्लाई हो जाए, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाए, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा माल आ जाए बाजार में, तो निश्चित रूप से सामान की कीमतें गिर जाती। तो भारत में जरूरत नहीं है जिस अनाज की, वो अनाज अगर आ जाएगा जबरदस्ती तो कीमतें गिरेंगी, और अनाज की कीमतें गिरेंगी तो नुकसान किसको होगा? किसानों को होगा। और ये काम शुरू हो गया है। कैसे शुरू हो गया है? इस साल आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी, भारत सरकार ने 15 लाख टन परदेशी गेहूं खरीदा है अभी कुछ दिन पहले। क्यों खरीदा? गेट करार का नियम, जरूरत नहीं थी हमको इस साल गेहूं खरीदने की, लेकिन भारत सरकार ने खरीदा। और किस भाव में खरीदा? इस साल हमारे देश के किसान सरकार को बोलते थे कि 700 रुपए क्विंटल में हम आपको गेहूं बेचेंगे, आप हमको 700 रुपए क्विंटल का गेहूं का भाव दे दो। मैंने आपको बताया किसान खुद भाव नहीं तय कर पाता, सरकार तय करती है। जो पैदा करता है वही भाव तय नहीं करता, और जो कभी हल नहीं चलाता, जिसने कभी हल नहीं चलाया वो भाव पैदा करता है, वो भाव तय करता है गेहूं। जिसने कभी खेती नहीं की वो खेती से पैदा होने वाले सामानों का दाम तय करता है दिल्ली में बैठ के, और जो रोज खेती करता है उसी को अधिकार नहीं है खेती का दाम तय करने का, खेती के अन्न का दाम तय करने का। तो किसानों ने कहा भारत सरकार को कि इस साल हमको गेहूं बेचने का अधिकार दे दो 700 रुपए क्विंटल। भारत सरकार ने नहीं दिया, तो सरकार ने माना 650 रुपए क्विंटल। सरकार ने कहा कि 650 रुपए क्विंटल से ज्यादा भाव नहीं दे सकते गेहूं का, और भारत के किसानों को कह दिया गया कि आप 650 रुपए क्विंटल में गेहूं बेचिए। और जिन सरकारों ने भारत के किसानों का गेहूं 650 रुपए क्विंटल में बिकवाया, उसी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा 850 रुपए क्विंटल। मैंने भारत के किसान मांग रहे थे 700 रुपए क्विंटल गेहूं का दाम, तो नहीं दिया सरकार ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से गेहूं खरीद लिया सरकार ने 850 रुपए क्विंटल। माने परदेशी किसानों का गेहूं तो 850 रुपए क्विंटल खरीद सकते हैं, लेकिन अपने देश के किसानों का गेहूं 700 रुपए क्विंटल में भी नहीं खरीदते। आप सोचिए ये कैसी सरकारें हैं। हम कैसे कहें कि ये हमारे राष्ट्र की सरकार है, ये हमारी सरकार है? हमारे किसानों का गेहूं तो नहीं खरीदते 700 रुपए क्विंटल में, परदेशी किसानों से खरीदते हैं 850 रुपए क्विंटल में, तो ये सरकार हमारी है या परदेशियों की? और इसी तरह से आप जानते हैं कि पिछली साल भारत सरकार ने चीनी खरीदी थी 10 लाख टन परदेशों से, तो चीनी खरीदी जा रही है 10 लाख टन परदेशों से, गेहूं खरीद लिया 15 लाख टन परदेशों से, अभी जो गेहूं आ गया है 15 लाख टन उसको रखने की जगह नहीं है पूरे देश में, क्योंकि जहां गेहूं रखा जा सकता है वो भंडार पहले से ही भरे पड़े। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स कहते हैं कि हमारा ही गेहूं इतना पैदा हुआ है इस साल देश में कि उसी को रखने की जगह नहीं है, ये परदेशों से 15 लाख टन और आ गया, इसको रखें कहां? तो हो सकता है किसी दिन पड़े पड़े सड़ जाए वो पूरा का पूरा गेहूं, लेकिन सरकार ने पैसा दे दिया है डॉलर में गेहूं खरीद कर। ऐसे सत्यानाश हो रहा है इस गेट करार के। और ऐसे ही शक्कर खरीद ली गई 10 लाख टन परदेशों से, जिस समय भारत सरकार शक्कर खरीद रही थी परदेशों से उस समय ऐसी स्थिति थी कि थोड़ा शक्कर के दाम बढ़ते अगर तो किसानों को थोड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन उसी समय परदेशी शक्कर खरीद कर दाम गिराए शक्कर के, और किसानों को सीधे नुकसान हो गया उसका। तो अभी शक्कर खरीदी गई है, गेहूं खरीदा गया है, अब तुअर की दाल भी खरीदी जाएगी, चावल भी खरीदा जाएगा, चना भी खरीदा जाएगा, मटर भी खरीदी जाएगी, बाजरी भी खरीदी जाएगी, ज्वारी भी परदेशों से आएगी, मक्का भी परदेशों से आएगी, माने जो कुछ भारत का किसान पैदा करता है वो सब परदेशों से आकर बिकना चालू हो जाएगा इस देश में। तो जरा सोचिए क्या होगा इस देश के किसानों। हमारे यहां अब तक तो परदेशी कंपनियों की लिपस्टिक बिकती है, नेल पॉलिश बिकती है, उनका साबुन बिकता है, उनकी क्रीम बिकती है, उनका पाउडर बिकता है, उनके कपड़े बिकते हैं, उनके जूते बिकते हैं, उनकी चप्पल बिकती है, और हिंदुस्तान के लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं क्योंकि इंपोर्टेड माल है। सबके मन में लार टपकती है कि इंपोर्टेड माल मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अब कल को इंपोर्टेड गेहूं भी बिकना चालू हो जाए
इम्पोर्टेड शक्कर भी बिकना चालू हो जाएगी, इम्पोर्टेड तुअर की दाल भी आ जाएगी, इम्पोर्टेड चना भी आ जाएगा इस देश में, तो हिंदुस्तान के लोग तो लाइन लगाकर इम्पोर्टेड गेहूं खरीदेंगे। अब तक वो कहते थे कि अब तक हमको इम्पोर्टेड पेन मिलता था, इम्पोर्टेड पेंसिल मिलती थी, इम्पोर्टेड कार मिलती थी, अब इम्पोर्टेड गेहूं भी मिलेगा, अब इम्पोर्टेड चावल भी मिलेगा, अब इम्पोर्टेड शक्कर भी मिलेगी। और अगर इस देश के लोग इम्पोर्टेड ही खरीदेंगे तो फिर इस देश के किसान का कौन खरीदेगा, और इस देश के किसान का नहीं खरीदेगा तो किसान तो मरेगा। और मैंने आपको बताया कि 45 करोड़ किसान इस देश में बहुत छोटे किसान, उनकी हालत तो बुरी तरह से खराब होने। और इसी तरह से इस गैट करार में एक और ऐसा नियम है कि हमारे देश के किसानों को जो थोड़ी बहुत सब्सिडी दी जाती है उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में करीब 24% कटौती करनी पड़ेगी, और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में 24% कटौती करीब करीब हो भी चुकी। उसका नतीजा क्या निकला है, किसानों को जो डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है, दो तरह की सब्सिडी दी जाती है किसानों को, एक तो इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है, एक डायरेक्ट सब्सिडी होती है। तो डायरेक्ट सब्सिडी जब खत्म कर दी सरकार ने तो खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, पानी का दाम बढ़ गया, केमिकल पेस्टिसाइड का दाम बढ़ गया, इंसेक्टिसाइड का दाम बढ़ गया, इन सबके दाम बढ़ गए। और इन सबके दाम बढ़ गए माने खेती महंगी हो गई। और दुर्भाग्य दूसरा क्या है कि गांव का किसान खेती महंगी करे, माल बाजार में बेचने के लिए जाए तो परदेशी माल आ जाए, दाम गिर जाए नीचे, तो किसान को दोहरा नुकसान। तो जो नियम कभी हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने चलाए थे, जो नियम कभी अंग्रेजों के जमाने में चलाए गए थे, उसी तरह के नियम अब इस देश में गैट करार के माध्यम से चलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ चीजों में हमको फायदा हो जाएगा, जैसे एक्सपोर्ट की सब्सिडी में कटौती हो जाएगी, बहुत सारे देश जो एक्सपोर्ट की सब्सिडी देते हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो भारत के किसान के पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकेगा। जैसे हमारे किसान को सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि कपास हम ज्यादा से ज्यादा बेच सकेंगे, कॉटन हम ज्यादा से ज्यादा बेच सकेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर दूसरे देशों में कॉटन की खत्म होती है तो हमारा कॉटन सस्ता हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। लेकिन अमरीकियों ने और यूरोपियन लोगों ने चतुराई से, यूरोप के लोगों ने, अमरीकी लोगों ने चतुराई के साथ व्यवस्था ये की है कि हमारे देश का कपास उनके देश में बिकने ना पाए, उसके लिए अलग कानून बना रखा। जहां हमको थोड़ा फायदा हो सकता था इस गैट करार के माध्यम से, हम हमारा कपास दूसरे देशों में ज्यादा बेच सकते थे, थोड़ा दाम लेके आ सकते थे, भारत के किसानों को मदद हो सकती थी, लेकिन वही कपास भारत की यूरोप में ज्यादा बिक नहीं सकती, अमेरिका में ज्यादा बिक नहीं सकती, क्योंकि उस पर उन्होंने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के कानून लगा रखे, कोटा फिक्स कर रखा। भारत का कपास एक निश्चित मात्रा में ही बिकता है अमेरिका में, उससे ज्यादा बिक नहीं सकता। इसी तरह से भारत का कपास यूरोप में एक निश्चित मात्रा में ही बिकता है, उससे ज्यादा कभी बिक नहीं सकता। तो भारत का कपास जो बिक सकता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा मात्रा में, वो बिक नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है, इससे ज्यादा कपास हम बेच नहीं सकते अपना उनके बाजार में, और उनके माल हमारे बाजार में भर जाएंगे, क्योंकि इस तरह के कानून है, हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, तो हमारा माल तो वो खरीदेंगे नहीं, और हमारा माल तो वहां बिक नहीं पाएगा ठीक से, और उनका माल जबरदस्ती हम खरीदते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से निर्यात की आमदनी हमारी कम होगी, आयात के खर्चे बढ़ जाएंगे, और निर्यात की आमदनी कम, आयात के खर्चे बढ़ेंगे, तो व्यापार का घाटा बढ़ेगा, व्यापार का घाटा बढ़ेगा तो सरकारें दुष्चक्र में फंसेंगी परदेशी कर्ज लेने के, और परदेशी कर्जे के दुष्चक्र में फंसेंगे तो परदेशी कर्जे का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, और वही दुष्चक्र इस अर्थव्यवस्था का किसानों के ऊपर भी चलना शुरू हो जाए। ऐसे नुकसान इस देश के किसानों को होने वाले, और ये नुकसान शुरू हो गए हैं गैट करार के लागू होने। इसी तरह का एक भयंकर नुकसान और हो जाएगा इस देश के किसानों को, जो इससे भी भयंकर नुकसान इस देश को किसान को होने वाला है गैट करार के माध्यम से, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हमारे देश में अभी तक एक ऐसा नियम है कि किसान बीज बनाने का अधिकार अपने पास रख सकता, और इस देश का किसान बीज से बीज बनाता। आप मान लीजिए गेहूं की फसल लगाते, तो गेहूं की फसल लगाने के लिए आप बीज डालते, तो गेहूं की फसल लगती, उस फसल का एक हिस्सा आप बाजार में जाकर बेच आते, एक हिस्सा खाने के लिए रखते, और एक हिस्सा बीज के रूप में सुरक्षित रखते, और अगले साल आपको फिर बीज मिल जाता है। माने एक बीज लगाया आपने, तो उसी बीज से दूसरा बीज बना, फिर उसी बीज से तीसरा बीज बना,
बीज से बीज बनता रहता है और किसान सीड मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। माने हर बार किसान को नया बीज खरीदने की जरूरत नहीं, ऐसी व्यवस्था है इस देश में इस समय। और एक नियम और भी है हमारे देश में कि बीज जैसी चीज पर किसी का पेटेंट नहीं होता भारत में। हमारे यहां 1970 में एक ऐसा पेटेंट कानून बनाया गया है जिस पेटेंट कानून में एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित बहुत सारी चीजों पर पेटेंट नहीं होता, बीज पर नहीं होता, बीज बनाने के तरीके पर नहीं होता, हमारे यहां खाद पर नहीं होता, खाद बनाने के तरीके पर नहीं होता, खाद बनाने की टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं होता, हल बनाने की टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं होता, हल पर पेटेंट नहीं होता, माने किसानों के इस्तेमाल आने वाली जितनी चीजें हैं उन पर पेटेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ताकि किसानों को उससे मुनाफा हो, उससे फायदा हो। पेटेंट होने से क्या नुकसान होता है? मान लीजिए किसी कंपनी का कोई बीज है और उस कंपनी का उस बीज पर पेटेंट है, तो सिर्फ वही कंपनी बीज बनाकर बेच सकती है, कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती उस बीज को। तो मान लीजिए आए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि हमारे यहां गेहूं की एक किस्म है जिसका नाम है RR21, और RR21 किस्म की गेहूं जो हम हमारे देश में किसानों के द्वारा पैदा करवाते हैं, कल को मान लीजिए पेटेंट कानून ऐसा बन जाए कि बीज पर भी पेटेंट मिलना शुरू हो जाए, और मान लीजिए किसी परदेशी कंपनी ने या किसी स्वदेशी कंपनी ने ही RR21 नाम के गेहूं की प्रजाति पर पेटेंट ले लिया, तो सिर्फ वही कंपनी को RR21 बीज बेचने का अधिकार होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। अभी क्या है, आप खुद चाहें तो RR21 बीज से बीज बनाकर बेच सकते हैं बाजार, और किसान बीज का व्यापार कर सकता, और हजारों साल से इस देश में किसान बीज का व्यापार करता आया, यह उसका अधिकार, नेचुरल राइट है ये उसका, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी ये बिल्कुल फिट बैठता कि जो किसान खेती को लगातार परिष्कृत करता है, जो किसान खेती को लगातार उन्नत बनाता है, उसको ये अधिकार है कि वो अपने बीज से बीज बनाकर बेच सकता है, किसी दूसरे के साथ बीज का बदलाव कर सकता है। अक्सर किसान एक बीज दूसरे को देते हैं, दूसरे से एक बीज ले लेते हैं, इस तरह का बदलाव पूरे देश में चलता है, वो सब अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि गैट करार का नियम ऐसा कहता है कि बीज पर भी पेटेंट देना होगा और खेती से जुड़ी हुई कोई भी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट होगा। हिंदुस्तान में अभी तक जो खेती से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं दिया गया, अब हिंदुस्तान में खेती से जुड़ी हुई हर टेक्नोलॉजी पर पेटेंट देना होगा। क्या बोलता है गैट करार इसके बारे में? गैट करार का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो एग्रीमेंट है जिसके बारे में ये पेटेंट की बात कही गई है, तो पेज नंबर गैट करार का 342 और आर्टिकल नंबर 27 पैराग्राफ नंबर 1 ये क्या बोलता है, पहले मैं अंग्रेजी में बताऊंगा फिर उसकी हिंदी बताऊंगा इसका मतलब क्या। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ 2 and 3 बिलो, पेटेंट शैल बी अवेलेबल फॉर एनी इन्वेंशंस वेदर प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड दैट दे आर न्यू इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप एंड आर कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू द पैराग्राफ 4 ऑफ आर्टिकल 65 एंड पैराग्राफ 8 ऑफ आर्टिकल 70 एंड पैराग्राफ 3 ऑफ दिस आर्टिकल, पेटेंट शैल बी अवेलेबल एंड पेटेंट राइट्स एंजॉयबल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एज टू द प्लेस ऑफ इन्वेंशन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेदर प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड और लोकली प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में किसी भी वस्तु की किसी भी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट का अधिकार देना पड़ेगा, और पेटेंट का अधिकार देते समय भारत सरकार इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखेगी कि यह वस्तु किस देश में बनाई गई है, यह वस्तु यह टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित हुई है। माने अमरीका में मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बनती है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भारत में हो सकता, यूरोप के किसी भी देश में कोई टेक्नोलॉजी बनती है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भारत में हो सकता। अब तक हमारे देश में क्या होता, जिस देश में टेक्नोलॉजी बनती है या विकसित होती है पेटेंट उसी देश में मिलता है, लेकिन अब इस गेट करार के बाद दुनिया के किसी भी देश में कहीं कोई टेक्नोलॉजी बने उस पर पेटेंट आपको भारत में देना ही पड़ेगा, और हर वस्तु पर, हर प्रक्रिया पर, हर टेक्नोलॉजी पर पेटेंट देना पड़ेगा। माने जो बीज का क्षेत्र हमारा बचा हुआ था पेटेंट से,
खेती का क्षेत्र जो बचा हुआ था पेटेंट से, वो भी अब पूरी तरह से पेटेंट के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा? मैंने आपको बताया, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो किसानों को होगा कि जिस बीज को वो बना सकते हैं और बेच सकते हैं बाजार में, मुनाफा कमा सकते हैं, धंधा कर सकते हैं बीज बेचने का, वो धंधा उनका एक झटके में बंद हो जाएगा जब परदेशी कंपनियों को उस बीज पर पेटेंट मिल जाएगा। और आप जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा परदेशी कंपनियां हैं जो पेटेंट लेकर बैठी हुई हैं हमारे देश में। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि हमारे देश का नीम है और नीम से बनने वाली हमारे देश में सैकड़ों किस्म की दवाएं हैं, लेकिन उन पर पेटेंट अमरीका में हो गया है। बासमती नाम का चावल हमारे देश में पैदा होता, लेकिन उस पर पेटेंट अमरीका में हो गया। तुलसी हमारे देश में होती है और उस पर पेटेंट अमरीका में हो रहा। अदरक हमारे देश में होता, पेटेंट उस पर अमरीका में है। मरी काली मिर्च हमारे देश में होती है और उस काली मिर्च के ढेर सारे प्रोसेस पर पेटेंट अमरीका में। माने हमारे देश में जो बीज बनते हैं उन पर भी पेटेंट अमरीका में हो रहा है। हमारे देश में जो आयुर्वेद की अच्छी अच्छी दवाएं मानी जाती हैं, जैसे तुलसी, जैसे अदरक, जैसे काली मिर्च, उन पर भी पेटेंट अमरीका में हो रहा। और इस तरह की खबरें आप पढ़ते होंगे कि नीम पर पेटेंट ले लिया अमरीका की कंपनी ने, बासमती पर पेटेंट ले लिया अमरीका की कंपनी ने, हमारे देश की अदरक और तुलसी के प्रोसेस पर पेटेंट ले लिया अमरीका की कंपनी ने, और तो और हमारी हल्दी पर पेटेंट करवा लिया था उन्होंने। वो तो मुकदमा किया अमरीका के कोर्ट में और हम लोग जीत गए। और हम जीत क्यों गए? क्योंकि अभी ये जो गैट करार वाला कानून है वो भारत में लागू नहीं है। अगर ये कानून लागू हो जाता भारत में तो हल्दी वाला पेटेंट का केस हम कभी भी नहीं जीत पाते, क्योंकि हल्दी पेटेंटेबल आइटम हो जाती फिर, और हम उस केस को जीत नहीं पाते। तो अभी हमारे देश में जो पेटेंट का कानून है 1970 का बनाया हुआ, वो पूरी तरह से हमको बदलना पड़ेगा। और वो कानून अगर बदला तो हिंदुस्तान के किसान का सबसे बड़ा नुकसान होगा कि वो बीज से बीज बनाकर बेच नहीं सकेगा और उससे मुनाफा नहीं कमा सकेगा। अब तक जो किसान करता रहा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तब आप पूछेंगे इसका और नुकसान क्या हो सकता है? आपको मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि जब परदेशी कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में और बड़ी बड़ी अधिक कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में पूरा बीज आ जा जाएगा, तो ये कंपनियां इस तरह की बदमाशी करने जा रही हैं कि वो ऐसा बीज बनाएंगी जिससे सिर्फ एक बार फसल होगी, दूसरी बार फसल ही नहीं होगी। उस बीज को अंग्रेजी में कहा जाता है टर्मिनेटर सीड्स। टर्मिनेटर सीड का माने ऐसा बीज जिसको आप एक बार खेत में लगाइए, उससे फसल ले लीजिए, फिर दोबारा अगर आपने उस फसल को बीज के रूप में इस्तेमाल किया तो वो कभी नहीं होगी, फसल ही चौपट हो जाएगी आपकी। और टर्मिनेटर सीड इतना खतरनाक बीज है कि वो जिस खेत में लगा दिया जाए आजू बाजू के बहुत सारे खेतों को अपने आप बर्बाद कर देगा। आप जानते हैं कि कई बार विदेशों से बीज आते हैं तो उन बीज के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती। हमारे यहां जब परदेशी बीज आया था एक बार, तो उस परदेशी बीज के साथ साथ कांग्रेसी घास घुस गई इस देश में और गांव गांव में फैल गई है वो कांग्रेसी घास। और सब सब किसान परेशान है कि इसको खत्म कैसे किया जाए। और अब ऐसे ही बीज आएंगे जिनके साथ ये सब सत्यानाशी बीमारियां आई, तो हमारे पास ये अधिकार भी नहीं हो, और इतना बड़ा नुकसान किसानों का होने जा रहा। और ये परदेशी कंपनियों की चाल और साजिश है कि भारत में बीज के बाजार पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण हो जाए। और आपको मैं एक तीसरी बात और बता दूं इसी के साथ साथ जुड़ी हुई, कि पेटेंट ये कितने साल के लिए दिया जाएगा। मान लीजिए किसी बीज पर किसी परदेशी कंपनी का पेटेंट है तो वो कितने साल के लिए होगा, तो इसमें जो एक प्रोविजन है पेज नंबर 346 और पैराग्राफ नंबर 31, पैराग्राफ नंबर 31 का आखिरी लाइन है जो बताता है, क्या बताता है, द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल शैल नॉट एंड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स काउंटेड फ्रॉम द फाइलिंग डेट। माने किसी कंपनी को जिस दिन पेटेंट मिला उससे लगातार 20 साल तक उस कंपनी का पेटेंट अधिकार होगा। माने किसी एक कंपनी को मान लीजिए RR21 गेहूं की प्रजाति पर पेटेंट मिल गया तो पूरे 20 साल तक उस कंपनी को ही अधिकार होगा RR21 बीज बनाकर बेचने का, बाकी किसी को नहीं होगा 20 साल तक। आप सोचिए 20 साल में तो एक पीढ़ी जवान होकर खत्म हो जाती है, एक पीढ़ी चली जाती है, गुजर जाती है, और पूरी की पूरी पीढ़ी किसान बर्बाद रहेगा। फिर आप कह सकते हैं
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राजीव भाई हम भी तो पेटेंट करा सकते हैं, हिंदुस्तान का 45 करोड़ किसान तो गरीबी की रेखा के नीचे जीता है, वो पेटेंट एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा, लाखों डॉलर चाहिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने, कहां से लाएगा वो बेचारा, रोज दो समय की रोटी खाने की तो उसको मुश्किल हो जाती है, वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए $500,000 चाहिए कहां से लाएगा, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही करने वाली, और बीच पर पूरी तरह से बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा, हमारे बाजार में परदेशी अनाज बिकना शुरू हो जाएगा, किसानों को मिलने वाली जो छोटी मोटी सब्सिडी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो आप सोचिए खेती तो और सत्यानाशी हो जाएगी, किसान तो और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की मदद से और आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस गैट करार का, इस तरह के पेटेंट कानून का, ये जो WTO का एग्रीमेंट है, इसका पूरी ताकत से विरोध करना शुरू किया है। जब से ये शुरू हुआ तभी से हम इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। अब इसमें से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, राजीव भाई इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? अभी सरकारों ने तो ये कर दिया है करार, अब इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? हमारी खेती जो बर्बाद हो रही है, ये बर्बाद तो हो ही रही है, अब इस खेती को सुधारने का कोई रास्ता है क्या? हाँ है, बाहर निकलने का रास्ता है, और वो रास्ता इसी गैट करार में लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ है, इसी गैट करार का जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, उसी चैप्टर में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। बहुत बार ये चर्चा होती है पूरे देश में कि अब क्या करें, हम तो गैट करार में फंस गए हैं, सरकार ने तो समझौता कर लिया है, अब हम इसको रद्द नहीं कर सकते, इसमें से बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल साफ साफ गैट करार में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार इस गैट करार के समझौते को रद्द कर सकती है और कोई भी सरकार इस गैट करार में से बाहर निकल सकती है। कैसे? इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 15 माने 15, पेज नंबर 9 और पहला अध्याय गैट करार का, वो क्या कहता है, एनी मेंबर मे विड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, कोई भी देश इसमें से बाहर निकल सकता है, माने कोई भी देश इसको रद्द करवा सकता है अपने लिए कम से कम। कैसे? उसमें आगे की लाइन लिखी गई है, सच विड्रॉल शैल अप्लाई बोथ टू दिस एग्रीमेंट एंड द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड शैल टेक अफेक्ट अपॉन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच रिटन नोटिस ऑफ विड्रॉल इज रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। माने क्या है, कोई भी देश गैट करार में से बाहर आ सकता है। कैसे? एक एप्लीकेशन देगा, गैट का जहां हेड ऑफिस है वो जगह है जिनीवा, तो गैट के हेड ऑफिस में जो इनका सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है उसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, तो डायरेक्टर जनरल जो WTO का है उसको ये एप्लीकेशन दिया जाएगा कि हम इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जिस डेट को हमारा एप्लीकेशन वहां पर रिसीव किया जाएगा, लिया जाएगा, उसी डेट से लेकर अगले 6 महीने के बाद हम अपने आप इसमें से बाहर निकल आएंगे। माने कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें से बाहर निकलने। कई बार देश के नेता हमको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं कि एक बार एग्रीमेंट हो गया है तो अब इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं यही कहने आया हूं आपको कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता है और बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि इसमें से कोई भी सरकार बाहर निकल सकती है। तो यही काम अब हम लोगों ने शुरू किया है कि हम भारत सरकार को दबाव डाल रहे हैं कि वो इस गैट एग्रीमेंट में से बाहर निकले, और इसी के लिए हम लोग 1 करोड़ लोगों से स्वाक्षरी ले रहे हैं, जिसके पेपर्स आपको दिए गए होंगे। 1 करोड़ लोगों से स्वाक्षरी लेकर सरकार पर हम यही दबाव डालने वाले हैं कि या तो आप गैट करार में से बाहर निकलो और नहीं तो गैट करार की शर्तों को बदलवाओ। इन शर्तों पर हमको गैट करार मंजूर नहीं है, क्योंकि देश को बहुत नुकसान है। आप पूछेंगे अगर सरकार बाहर निकल आई तब क्या होगा, तो उसका एक तीसरा रास्ता है कि मान लीजिए भारत सरकार इसको रद्द करे और इसमें से बाहर निकल आए। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे ही जैसे हैं, जिनको बहुत नुकसान हो रहा है गैट करार से, जैसे ब्राजील है, जैसे मेक्सिको है, जैसे चिली है, जैसे अर्जेंटीना है, जैसे हमारे साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका में नाइजीरिया है, अफ्रीका में जाम्बिया है, इजिप्ट नाम का देश है, ऐसे तमाम देश हैं जिनको गैट करार से बहुत नुकसान हो रहा है। और बहुत बार उन देशों के प्रतिनिधि कहते रहते हैं, मलेशिया नाम का एक देश है,
वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर महातिर मोहम्मद, वो तो कई बार कह चुके हैं कि ये गेट करार गरीब देशों के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए सब गरीब देशों को इसमें से बाहर निकल आना चाहिए। तो एक रास्ता और है, वो रास्ता ये है कि अगर भारत सरकार इसमें से बाहर निकले तो उन सभी देशों को बाहर निकलने के लिए रास्ता खुल जाएगा जो इसमें फंस गए हैं, और वो सब देश भी अगर इसमें से बाहर निकल आए तो ये गेट नाम की संस्था ही रद्द हो जाएगी, ये डूब जाएगी, बाढ़ में चली जाएगी और हम सबकी जान बच जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो देश इसमें से बाहर निकलेंगे उन सब देशों के साथ मिलकर फिर से कोई एक नया एग्रीमेंट हम कर सकते हैं जो हमारे देश के हित के अनुकूल हो, उन देशों के भी हित के अनुकूल हो, हमारे किसानों के फायदे में हो, हमारे उद्योगपतियों के फायदे में हो, दूसरे देशों के भी किसानों के फायदे में हो, उनके भी उद्योगपतियों के फायदे में हो, एक नया एग्रीमेंट फिर कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट कभी अंग्रेजों ने किया था अमरीकियों के साथ मिलकर, तो जरूरी तो नहीं है कि वही परमानेंट हो गया, अभी कोई दूसरा एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो हम लोग दो ही बातें सरकार को कह रहे हैं, या तो आप इसमें से बाहर निकलो, और बाहर निकलो तो दूसरे तमाम देशों को बाहर निकालने का रास्ता बताओ और एक नया एग्रीमेंट साइन करो सभी देशों के साथ मिलकर, या इस गेट एग्रीमेंट की शर्तों को बदलवाओ, क्योंकि ये शर्तें देश के हित में नहीं है, ना किसानों के हित में है, ना उद्योगों के हित में है, ना व्यापारियों के हित में है, किसी के हित में नहीं। और जानते हैं हम कि सरकार इसको सुनेगी, और सरकार ने अगर नहीं सुना, 1 करोड़ लोगों की स्वाक्षरी करा के जो हम देने वाले हैं सरकार को, अगर उसने बात ये नहीं मानी तो मैंने कल आपसे कहा था कि हम सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और हमारी पिटीशन गेट के बारे में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, और हम सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम ये सिद्ध करेंगे कि ये गेट करार नाम का पूरा जो दस्तावेज है वो संविधान विरोधी है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी सरकार संविधान विरोधी एक भी काम नहीं कर सकती, कोई भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान विरोधी कोई समझौता कर सके। और ये संविधान विरोधी कैसे है, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में अब तक एक गोल्डन रूल चलता रहा है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून देश के कानूनों के हित के खिलाफ है तो देश का कानून जिंदा रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत में नहीं लागू होगा। लेकिन अभी गेट करार लागू होने के बाद क्या होने जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होगा, हमारे देश का कानून जिंदा नहीं रहेगा। तो इसका माने कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ये एग्रीमेंट, और इसके होने के बाद हमारे देश की सरकारों के कानून बनाने के अधिकार खत्म होते हैं। केंद्र सरकार जो कानून बना सकती है वो अधिकार खत्म होते हैं, राज्य सरकारें विधानसभा में जो कानून बना सकती हैं उसके अधिकार खत्म होते हैं, और केंद्र और राज्य सरकारों के कानून बनाने के अधिकार अगर खत्म होते हैं तो हमारी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी खत्म होती है, राजनीतिक संप्रभुता खत्म होती है, और संविधान में राजनीतिक संप्रभुता का बहुत बड़ा महत्व है। और तीसरी बात जो हम कहने वाले हैं कि हमारे यहां संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई है, राज्य के और केंद्र के संबंध जो है वो फेडरलिज्म के आधार पर है। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, केंद्र कोई ऐसा कानून बनाना चाहता है जिससे राज्य पर प्रभाव पड़ता है तो केंद्र पहले राज्य सरकार को पूछेगा, और राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाना चाहती है जिसका अधिकार क्षेत्र केंद्र के पास है तो राज्य सरकार केंद्र से पूछती है। माने बिना केंद्र सरकार राज्य को पूछे और बिना राज्य सरकार केंद्र को पूछे इस तरह के कानून नहीं बना सकते। लेकिन गेट करार लागू होने के बाद ये नहीं होने वाला, गेट करार के बाद तो ये हालत हो जाएगी कि सरकार सोच भी नहीं पाएगी किसी कानून के बारे में, वो विदेशों से बनकर आ जाएगा, गेट के ऑफिस से बनकर आ जाएगा और भारत में लागू हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है, संविधान विरोधी ये दस्तावेज है, इसलिए इसको रद्द करना ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी बड़ी भयंकर सुनवाई होगी, क्योंकि ये सुनवाई कम से कम 7 जजों की बेंच के पास जाएगी, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ेगी, तब जाकर इस पर सुनवाई होगी। और उस पूरी सुनवाई को शुरू करवाने के पहले हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम गेट करार का विरोध क्यों कर रहे हैं, हम WTO के एग्रीमेंट का विरोध क्यों कर रहे हैं, उससे देश को क्या नुकसान है, और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब इस पूरी प्रक्रिया में से बाहर निकलना है हमारे अपने देश को, तो मुझे लगता है कि हमको गेट करार रद्द करवाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो कानून इस देश में किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं वो कानून भी रद्द करवाने पड़े, और इसकी लड़ाई भी हमको अलग से शुरू करनी है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए जो कानून भारत में आज भी लागू हैं उन सबको एक एक करके रद्द किया जाए। और तकलीफ हमारी क्या है,
अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 3735 कानून है इस देश में जो आज भी लागू है। मैंने आपको बताया था लैंड एक्विजिशन एक्ट जो लागू है वो अंग्रेजों के जमाने का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो लागू है वो अंग्रेजों के जमाने का, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो लागू है वो अंग्रेजों के जमाने का। तो ऐसे अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 3735 कानून इस देश में आज भी है, तो इन सब कानूनों को एक एक करके रद्द करवाना होगा और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाना पड़ेगा। किसानों की जमीनें ना छीनी जाएं, किसानों की जमीनों पर सरकारों के अधिकार ना होने पाए, इसके लिए हमको लड़ना होगा और लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करवाना होगा। ये जो जंगल है वो समाज की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, गांव की संपत्ति है, इसके लिए लड़ना होगा और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदलवाना होगा। अंग्रेजों के आने के पहले जैसे जंगल गांव समाज की संपत्ति माने जाते थे, राष्ट्र के लोगों की संपत्ति माने जाते थे, वैसी ही व्यवस्था फिर बनवानी होगी। इसी तरह से गांव के किसान को अपने खेत में पैदा किए गए अनाज का दाम तय करने का अधिकार नहीं है, इसके लिए फिर लड़ना पड़ेगा और आंदोलन चलाना पड़ेगा और सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो किसानों को दाम तय करने का अधिकार दें। और या फिर लड़ाई इस स्तर पर लड़नी पड़ेगी कि अगर किसानों को खेती का ठीक से दाम नहीं मिलता, अनाजों का ठीक से दाम नहीं मिलता और किसान की खेती घाटे में चली जा रही है, तो उद्योगों में और कारखानों में पैदा होने वाले सामानों का दाम गिराया जाए। अगर खेती से उत्पन्न चीजों का दाम कम करना है सरकार को, तो उद्योगों में पैदा होने वाली चीजों का दाम भी कम करना पड़ेगा। माने एक समानता लानी पड़ेगी। हमारे देश का जो सर्विस सेक्टर है, हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और हमारे देश का जो खेती किसानी का सेक्टर है, क्षेत्र है, इन तीनों के दामों में एक रूपता लानी पड़ेगी, समरूपता लानी पड़ेगी, तब किसान की गरीबी दूर होगी। नहीं तो किसान की गरीबी दूर होने का कोई रास्ता नहीं है कि किसान जो पैदा करे वो सस्ते में बिके और किसान जो खरीदे वो बहुत महंगे में खरीदे। ये नियम जब तक चलता रहेगा किसानों की गरीबी दूर नहीं होगी। इसके लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा और इसी के लिए हम लोग ये आजादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए गाय का कत्ल करवाना शुरू किया था, गोहत्या करवाना शुरू किया था, उस तरह से ये जो गोहत्या आज भी चल रही है इसको पूरे देश में रुकवाना होगा। पूरे देश में केंद्र स्तर पर एक कानून हमको बनवाना होगा जिसके कारण गोहत्या तत्काल बंद की जाए। बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाए लेकिन केंद्र के स्तर पर आज तक एक भी ऐसा कानून नहीं है जिससे केंद्र के स्तर पर गोहत्या रोकने का कोई काम हो सके। आजादी के 50 साल हो गए हैं, 50 साल से हमारी संसद में यह बहस चल रही है कि गोहत्या पर पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन आज तक वो कानून नहीं बन पाया। आजादी के 50 साल हो गए हैं, 50 साल से हमारी संसद में यह बहस चल रही है कि गोहत्या पर पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन आज तक वो कानून नहीं बन पाया और उसके लिए भी हमको लगातार प्रयास करना होगा, उसके लिए भी लड़ना होगा। तो एक काम तो ये सरकारी स्तर पर संघर्ष का होगा, एक काम तो पार्लियामेंट के स्तर पर संघर्ष का होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, अदालतों से लड़ना पड़ेगा, देश के लोगों को आंदोलित करना पड़ेगा, सत्याग्रह करने पड़ेंगे। एक तो इस स्तर पर काम चलेगा और एक दूसरे स्तर पर भी काम हमको शुरू करना पड़ेगा। दूसरे स्तर पर क्या काम शुरू करना पड़ेगा कि पिछले 200-300 सालों में हमारी खेती का जो विदेशीकरण हो गया है और हमारी खेती का जो परदेशीकरण हो गया है, इस विदेशीकरण से अपनी खेती को बाहर निकालना पड़ेगा। किसानों को विदेशीकरण से बाहर निकालना पड़ेगा। आप पूछेंगे क्या विदेशीकरण हो गया है? हम सब लोग रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं खेती, जो विदेशीकरण का प्रतीक। हम सब लोग केमिकल डालते हैं पेस्टिसाइड के रूप में, जो विदेशीकरण का प्रतीक। हम लोग ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं, जो विदेशीकरण का प्रतीक है। हम लोग हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करते हैं, जो विदेशीकरण का प्रतीक है। और लोगों के मन में जाने अनजाने ये गलतफहमी बैठ गई है कि खेती का विदेशीकरण करके हमारा उत्पादन बहुत बढ़ सकता है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ट्रैक्टर से लगातार खेत जोतने के बाद खेत की मिट्टी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। मिट्टी की जो नमी है, मिट्टी की जो मुलायमियत है, मिट्टी में जो नरमी है, वो सब खत्म हो जाती है लगातार ट्रैक्टर चलाते चलाते। इसी तरह से लगातार रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते करते खेत का सत्यानाश हो जाता है, मिट्टी का सत्यानाश हो जाता है। लगातार केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते करते, लगातार केमिकल कीटनाशकों का इस्तेमाल करते करते खेती का सत्यानाश हो जाता है। आप जानते हैं हमारे देश में हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है जहां पर भयंकर तरीके से रासायनिक खाद इस्तेमाल किया जाता था, भयंकर तरीके से रासायनिक
खाद के साथ साथ रासायनिक दवाएं इस्तेमाल की जाती। आप जाइए देखकर आइए पंजाब में, आप जाइए देखकर आइए हरियाणा में, आप कभी चलिए मैं आपको दिखाता हूं मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जितने इलाकों में भारत में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया है, जितने इलाकों में भारत में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है, उन सब इलाकों की हजारों एकड़ जमीन बंजर होती चली जा रही है। अभी उसमें कुछ नहीं होता, सब चौपट हो रहा है। एक जमाने में ऐसा लगता था कि रासायनिक कीटनाशक डालकर रासायनिक खाद डालकर खेती का उत्पन्न बढ़ा दिया जाएगा, खेती का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, लगातार कम होता चला जा रहा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिसर्च संस्थान है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के वैज्ञानिकों की अभी जो स्टडीज हो रही है वो बिल्कुल साफ साफ बताती है कि अब एक लिमिट आ गई है खेत की कि उससे ज्यादा उत्पादन वो दे नहीं सकता, और मिट्टी पूरी तरह से बेकस हो रही है, मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो रही है, खेत पूरी तरह से बंजर हो रहा है। और आप जानते हैं रासायनिक खाद का जो सबसे बड़ा दुरुपयोग होता है, जो सबसे बड़ा रासायनिक खाद का बर्बादी का जो निशानी है रासायनिक खाद की, वो ये कि जितना ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद आप डालेंगे खेत में, उतना ही खेत को पानी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है उतनी ही खेती लगातार महंगी होती चली जाती है। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद डालेंगे खेत में, उतना ही आपके गेहूं में, आपके चावल में, आपकी तुअर की दाल में, आपके दूसरे चीजों में लगातार तत्व कम होता चला जाता है। रासायनिक खाद से बनाई गई खेती और पैदा किया गया अनाज खाने में बिल्कुल भूसे जैसा होता, उसमें तत्व बहुत कम होता। खेत का उत्पन्न जरूर बढ़ता लेकिन क्वालिटी लगातार गिरती चली जाती, और अनाज की क्वालिटी लगातार अगर गिरती चली जाती है तो जो अनाज हम खा रहे हैं हमारे शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता, और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम जो भोजन करते हैं, हम जो सब्जियां खाते हैं, हम जो दालें खाते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, उसमें रासायनिक पदार्थों की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि माताओं के दूध में अभी जहर आ गया। बच्चे बचपन से जो जहर पी रहे हैं माताओं के दूध के साथ, इतना भयंकर दुष्परिणाम निकला है। और इस रासायनिक खाद के और रासायनिक कीटनाशकों के लगातार उपयोग से तमाम तरह की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक एक से नई नई बीमारियां इस देश में आती चली जा रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी आज इतने बड़े पैमाने पर फैल गई है, आज से 20-25 साल पहले कोई जानता नहीं था कि कैंसर भी कोई बीमारी होती। इतने बड़े पैमाने पर नई नई किस्म की जटिल से जटिल बीमारियां पैदा होती चली जा रही हैं, क्योंकि आदमी के खाने पीने में जो वो इस्तेमाल कर रहा है जहर की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल भी आपको कम करना पड़ेगा, ताकि आपकी जमीन बच सके और आपके जमीन के अंदर जो जीव जंतु हैं, जो कीटाणु हैं, वो बच सकें। आप जानते हैं जब आप रासायनिक कीटनाशक डालते हैं अपने खेत में और रासायनिक खाद डालते हैं आप अपने खेत में, तो आपके खेत के अंदर जो करोड़ों करोड़ों जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहलाते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल के, माने जो आंख से नहीं दिखाई देते, मुश्किल से लेंस लगाकर हम उनको देख पाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीवाणु खत्म हो जाते हैं। और खेती के अंदर अगर जीवाणु खत्म हो गए, मिट्टी के अंदर अगर जीवाणु खत्म हो गए, तो खेती की मिट्टी में और कुछ नहीं है। ये जीवाणु ही है जो आपके खेत में उत्पादन करवाते हैं, मिट्टी में अपने में कोई दम नहीं है। मिट्टी के अंदर जो जीवाणु पनपते हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में, उनकी ताकत है कि उस मिट्टी में से कुछ पैदा होता है, और वो जीवाणु लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं। और अब जीवाणुओं के लगातार खत्म होते चले जाने से मिट्टी बेकस हो रही है, तो अब सरकारें भी एक नए अभियान को चलाने में लग गई हैं। अब सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी समझ में आ रहा है कि रासायनिक खाद का प्रचार कर करके, रासायनिक कीटनाशक का प्रचार कर करके इस देश की खेती का बड़ा नुकसान हुआ। तो अब वही वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, केचुआ पालो और अपने खेत में केचुआ डालो। भारत सरकार प्रोजेक्ट चला रही है, आप उनसे केंचुआ ले आओ खरीद कर अपने खेत में डालो। तो तुमने नीतियां ऐसी क्यों चलाई जिससे केंचुआ मरे, पहले केंचुआ मार दिए अपने खेत के, जीवाणु मार दिए अपने खेत के, जीव जंतु मार दिए अपने खेत के, और अब खेत जब पूरी तरह से बेकार हो गया, बेकस हो गया, तो उस खेत को वापस जिंदा कराने के लिए कहते हैं कि अब कीटाणु वो जीवाणु पनपे और वहां पर केंचुए पनपे, इसके लिए एक नए तरह की पद्धति पूरे देश में चलाई जा रही है। तो पहले किया ही क्यों था ये काम,
बर्बादी लाई क्यों थी इस देश में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब हर किसान को चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ, बुद्धिशीलता के साथ इस रासायनिक खादों को बहिष्कार करना पड़ेगा और रासायनिक कीटनाशकों का बहिष्कार करना पड़ेगा, और आपको चुनना पड़ेगा कि ये खेती रहे या खेत बर्बाद, कि जैसे आने वाली पीढ़ी को कुछ बचेगा ही नहीं, और आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं बचेगा तो आप चले जाएंगे तो वो पीढ़ी क्या करने वाली। ये खेत तो ईश्वर ने दिया है आपको, खेत तो आपने नहीं बनाया, खेत कोई बना भी नहीं सकता, ईश्वर की दी गई जमीन है और ईश्वर ने ये जमीन दी है आपको ताकि आप इस अगली पीढ़ी को देकर जाएं, और वो जमीन को अगर आप बर्बाद करके चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। इसलिए गंभीरता से आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। तो आप पूछेंगे इसका विकल्प क्या, रासायनिक खाद को हम अगर बहिष्कार करें तो इसका विकल्प क्या। आप सोचिए जरा, 300 साल पहले इस देश के किसान क्या करते थे, गाय के खाद का इस्तेमाल करते थे, गोबर का इस्तेमाल करते थे, उस समय तो कोई रासायनिक खाद नहीं था, और जिस समय रासायनिक खाद नहीं था उस समय इस देश के खेती का उत्पादन ब्रिटेन के कुल खेती के उत्पादन का 3 गुना ज्यादा होता था। जिस समय कोई रासायनिक कीटनाशक नहीं था इस देश में उस समय इस देश की खेती दुनिया में सबसे उन्नत खेती मानी जाती थी। तो आज भी वो हो सकता, उसका ज्ञान तो हमारे पास है ही, अभी ज्ञान तो लुप्त नहीं हुआ है, तो उस ज्ञान का आप प्रयोग करना शुरू करिए। तो क्या करें, गोबर के खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करिए, और गोबर के खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल शुरू करें आप तो उसके लिए एक छोटा सा काम और करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पशुओं का पालन करिए, गाय पालिए, गाय के साथ साथ बकरियां पालिए। मैं तो किसानों को एक ही सलाह देता हूं कि अगर किसानों ने मारुति कार खरीद रखी है तो कार बेचें और 4 गाय खरीदें, अगर ट्रैक्टर खरीद रखा है तो ट्रैक्टर बेचिए, 10 गाय खरीद लीजिए। क्यों खरीद लें, एक दिन ये कार और ट्रैक्टर सब बंद होने वाले हैं। आप पूछेंगे कैसे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, दुनिया में पेट्रोल की मात्रा बिल्कुल सीमित है, असीमित मात्रा में पेट्रोल नहीं है पूरी दुनिया में, और जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा दुनिया में तो कार कैसे चलाएंगे आप, तब आपको बैल लगाना पड़ेगा और कार खींच के ले जाएगा आपका बैल। तो ऐसी नौबत आए उसके पहले ये कार बेच दीजिए और 4 गाय खरीद लीजिए, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का सौदा है। और गाय पालेंगे तो गोबर आएगा, गोबर से खाद बनेगा, और नेडप पद्धति से जो खाद बनाने की पद्धति प्रचलित हुई है पूरे देश में, उस पद्धति से 1 किलो गाय के गोबर से कम 30-35 किलो खाद बन सकता। आपका कचरा है, आपके पास गोबर है, गाय का मूत्र है, मिट्टी आपके खेत में जो है उसका इस्तेमाल करते हुए, और उसके लिए आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 100 किलो गाय का गोबर अगर आपके पास हो तो 100 किलो गाय के गोबर से कम 3300 किलो खाद बना सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, उसका तरीका बिल्कुल आसान है, उसका तरीका ऐसे आसान है कि 100 किलो गाय का गोबर, 1500 किलो उसमें चाहिए बायोमास कचरा, और करीब 1700 किलो चाहिए उसमें मिट्टी, और इन तीनों को एक खास तरीके के टैंक को बनाकर उसमें रखा जाता है। कैसे टैंक बनाया जाता है, मान लीजिए 2 मीटर लंबा है, 0.5 मीटर चौड़ा है, करीब 1 मीटर गहरा है, ऐसा एक टैंक बनवाइए, उसमें बीच बीच में छेद खुले रहे, इस तरह से टैंक की चिनवाई करवाइए, और उसमें नीचे बायोमास का जो है वो लेयर बिछाइए, फिर उसके बाद जो गाय का गोबर है गोमूत्र के साथ मिलाकर उसकी एक परत बिछाइए, मिट्टी उसमें भरिए, फिर उसके ऊपर इसी तरह की परत बनाइए, बनाते चले जाइए और पूरा भर जाएगा। 2 महीने तक उसको ढक के रखिए, 2-2.5 महीने के बाद खाद तैयार हो जाएगा। एक बहुत अच्छा तरीका है खाद बनाने का। आपके पास गाय है, गांव में गाय का गोबर है और गाय के गोबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, गोमूत्र ले लीजिए 10 लीटर और 10 किलो गोबर ले लीजिए करीब, और उसमें 250 ग्राम गुड़ डाल दीजिए, 8 दिन तक इसको रखिए, और 8 दिन तक रखने के बाद करीब 200 किलो पानी में ये मिला लीजिए, और उस पानी को खेत में जो आपके पौधे हैं उनकी जड़ों में लगा दीजिए, वो खाद का भी काम करेगा, कीटनाशक का भी काम करेगा। और इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके गांव में ना बनती हो और आपके घर में ना बनती हो। गाय आपके पास है तो गोबर आपको मिलेगा, गाय आपके पास है तो गोमूत्र आपको मिलेगा, और हर गांव में ऊस पैदा होता है तो ऊस से गुड़ बना सकते हैं। 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं और तीनों चीजें आपके गांव में है, और पानी तो हर गांव में है। तो बहुत आसानी के साथ
इस तरह से आप खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, और खाद के साथ साथ ये कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक काम और कर सकते हैं कि कीटनाशक अगर रासायनिक नहीं खरीदे तो प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक भी बना सकते हैं। गोमूत्र ले लीजिए और करीब 2 लीटर ले लीजिए, उसमें 1 किलो नीम का पत्ता उबाल दीजिए और आधा घंटे तक लगातार उबालिए, और उसके बाद उसको 100 मिलीलीटर की मात्रा में लेकर 15 लीटर पानी में मिला लीजिए और उस 15 लीटर पानी को स्प्रे करिए, जिस तरह से छिड़काव करते हैं। आपके यहाँ स्प्रे मशीन होती होगी, हर गांव में हर किसान के पास स्प्रे मशीन है, तो उसमें भरकर उसको स्प्रे करिए और आपके किसी भी तरह का कीट जो फसल पर लग गया है खत्म हो जाएगा। एकदम प्राकृतिक तरीके से कीट को खत्म करने का सबसे अच्छा इलाज है, और इसको बनाने में आपका खर्चा भी कुछ खास नहीं आने वाला। अगर रासायनिक कीटनाशक आप लेके आएंगे 300 रुपए लीटर मिलेगा, 400 रुपए लीटर मिलेगा, 500 रुपए लीटर भी मिल सकता है, 1000 रुपए लीटर भी मिल सकता है, तो आपका तो खर्चा ही बढ़ रहा है ना। और इसमें तो सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में मौजूद है। गोमूत्र आपके पास है क्योंकि गाय आप पालते हैं, नीम हर गांव में मिल जाएगा, नीम की पत्ती आपको मिल जाएगी, गोमूत्र में नीम की पत्ती डालकर उबालना है और उसके इस्तेमाल करना। एक तरीका और भी है कि 300 ग्राम गुड़ 15 लीटर पानी में गर्म करके रख लीजिए और फिर उसके बाद उसको स्प्रे कर दीजिए, कीटनाशक के रूप में काम में ला सकते हैं आप इसको, सब तरह के कीट मर जाएंगे। चूने के पानी का छिड़काव कर सकते हैं, 10 ग्राम चूना ले लीजिए, 50 मिलीलीटर पानी ले लीजिए और उसको छानकर करीब 15 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसको स्प्रे की तरह से छिड़क दीजिए अपने खेत के। जितने कीट बने हैं किसी भी फसल पर, सब तरह के कीट आपके मर जाएंगे। एक और तरीका है कि गोमूत्र 1 लीटर ले लीजिए और सीधे 15 लीटर पानी में मिला लीजिए और झाड़ के ऊपर स्प्रे करिए, उसकी जड़ में नहीं, तो फल जो आएंगे उनकी मिठास बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और कीड़े तो अपने आप मर ही जाएंगे। ये सब काम इतने आसान है कि बहुत आसानी के साथ अपने गांव में ही इस्तेमाल जो संसाधन है उनसे हम कर सकते हैं, और गांव का एक भी पैसा खर्च करने से आप बचा सकते हैं जो रासायनिक कीटनाशकों पर आप खर्च कर रहे हैं। और इसी तरह से गोबर के खाद का इस्तेमाल करें, गाय के गोबर से खाद बनाना शुरू करें तो एक गाय से करीब 80 टन खाद हर साल में बन सकता है, और एक गाय से अगर 80 टन खाद एक साल में बन सकता है तो करीब करीब बाजार की आज की कीमतों पर वो 25 से 30 हजार रुपए का बेचता, तो एक गाय का गोबर 25 से 30 हजार रुपए का खाद बना सकता है। तो गोपालन से दूध तो मिलेगा ही, घी तो मिलेगा ही, मक्खन तो मिलेगा ही, गाय के गोबर से आपके पूरे देश की खाद की जरूरत पूरी हो सकती, गाय के मूत्र से पूरे देश के कीटनाशक की जरूरत पूरी हो सकती। और अगर हम रासायनिक खादों का बहिष्कार कर सके और रासायनिक कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार कर सके तो हर साल इस देश का लगभग 20,000 करोड़ रुपया भी बचेगा। भारत सरकार जो आयात करती है परदेशों से, उस परदेशी आयात में एक तो सबसे ज्यादा आयात होता है पेट्रोल का, डीजल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और दूसरा सबसे बड़ा भारत सरकार का आयात है रासायनिक खादों के रूप में, जो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें। लगभग भारत सरकार का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है विदेशों से रासायनिक खाद इंपोर्ट करने में, खरीदने में। वो 20,000 करोड़ का भारत सरकार का खर्च बचेगा। और कई बार सरकार की स्थिति यह होती है कि ये इंपोर्ट करना जरूरी हो गया है क्योंकि गांव-गांव के जगह जगह हर किसान यही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं कहीं से कर्ज लेकर ये सब रासायनिक खाद इंपोर्ट करना पड़ता है। वो सरकारें इंपोर्ट करने से बच जाएंगी, आयात होने से बचेगा, और अगर आयात होने से हम बचा लेंगे तो हमारे देश का पैसा बचेगा, डॉलर बचेगा, और डॉलर बचेगा अगर हमारे देश का तो कटोरा लेकर भीख मांगने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश में स्वावलंबन की नीतियां फिर से लागू की जा सकेंगी। ऐसे ही कुछ एक काम और करिए आप, हमारी खेती का एक विदेशीकरण और हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम पैदा करते हैं जिनकी हमारे समाज को कोई जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए सोयाबीन, ये जो सोयाबीन की खेती करना भारत के किसानों ने शुरू किया है, इसकी भारत के समाज को कोई जरूरत नहीं। वास्तव में सोयाबीन की जरूरत यूरोप को होती है, यूरोपियन समाज में सोयाबीन की जरूरत होती है। आप पूछेंगे क्या जरूरत होती है, मैं तो यूरोप में जा चुका हूं, मैं वहां रह चुका हूं, मैंने तो देखा, यूरोप में सोयाबीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है सोयाबीन की खली बनाने में। और सोयाबीन की खली यूरोप में जो बनाई जाती है वो खिलाई जाती है सुअरों को, डूकर जिनको आप कहते हैं।
यूरोप में जितने देश हैं उनमें से बहुत सारे देशों में डूकर का मांस खाया जाता है, सुअर का मांस खाया जाता है। तो सुअर को मोटा ताजी बनाने के लिए, उस पर ज्यादा चर्बी चढ़ाने के लिए उसको सोयाबीन खिलाया जाता, तो वो सोयाबीन की जरूरत है डूकर को, और वहां के डूकर खाते हैं सोयाबीन ताकि उनका मांस बढ़े, और फिर लोग उसके मांस को खाते। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या हुई है, यूरोप के जिन जिन देशों में सोयाबीन की खेती ज्यादा से ज्यादा करवाई डूकरों को खिलाने के लिए, उन सब देशों की खेती बर्बाद हो गई, जमीन खत्म, क्योंकि सोयाबीन की फसल लगातार आप लेते चले जाएंगे, जमीन की सारी पोषक तत्व की शक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती। तो सोयाबीन की खेती जिन जिन यूरोप के देशों में की गई थी वो सब देशों में खेती सत्यानाशी हो गई, जमीन चौपट हो गई, मिट्टी बर्बाद हो गई। तो अब उन देशों ने क्या किया कि अपने देश में सोयाबीन पैदा कराना बंद कर दिया। सबसे ज्यादा खेती बर्बाद हुई है सोयाबीन कर करके हॉलैंड की। तो हॉलैंड की सरकार ने क्या फैसला किया कि अब हम सोयाबीन नहीं करेंगे अपने देश में क्योंकि हमारा खेत बर्बाद होता। तो वो सोयाबीन वो तो अपने देश में नहीं करते, भारत में लाके उन्होंने पटक दिया और हमारे किसानों को करवा रहे हैं कि तुम सोयाबीन पैदा करो ताकि हमारे खेत बर्बाद हो जाए और उनके खेत सुरक्षित बने। और हमारे यहां जानते हैं ये सोयाबीन जो होता है उसका क्या किया जाता है, जो सोयाबीन पैदा होता है उसका थोड़ा तेल निकाल लेते हैं, बची हुई जो खली होती है वो यूरोप में बेच देते हैं, माने उनके डूकरों को खिलाने के लिए हम अपने खेत बर्बाद कर रहे हैं। और किसानों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, कह रहे हैं बड़ी भारी कैश क्रॉप है ये कैश क्रॉप के चक्कर में अगर आप और 2-5 साल फंसे रहे तो मैं आपको चेतावनी दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि आपकी मिट्टी में फिर कुछ नहीं होगा 5 साल के बाद। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सोयाबीन की खेती करना तत्काल बंद कर दें। ये सोयाबीन की खेती का पूरे भारत के गांव गांव के किसानों द्वारा सोयाबीन की खेती का करना ये विदेशीकरण की निशानी है, भारत के खेती के विदेशीकरण की निशानी। और एक दूसरी बात और बता दूं कि एक बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार पूरी दुनिया में चल रहा है कि सोयाबीन में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में जो भी प्रोटीन होता है वो कभी भी पचता नहीं है, आदमी के शरीर में बिल्कुल किसी काम में नहीं आता। आप जानते हैं मूंग की दाल में भी बहुत प्रोटीन होता, उड़द की दाल में भी होता, तुअर की दाल में भी होता। तो मूंग की दाल में, उड़द की दाल में, तुअर की दाल में जो प्रोटीन होता है वो खाने के बाद शरीर में डाइजेस्ट हो जाता और काम में आ जाता है शरीर के। सोयाबीन खाने के बाद जो प्रोटीन निकलता है वो कभी भी शरीर में काम नहीं आता, कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन, इसलिए वो शरीर के किसी काम का नहीं, तो वो हमारे खाने के काम भी नहीं आ सकता सोयाबीन। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो विदेशीकरण किया है आपने सोयाबीन की खेती कर करके, इस विदेशीकरण को खत्म करिए और सोयाबीन बंद करके जो भारतीय समाज में बहुत पहले से चली आ रही फसलें थी उनको ही पैदा करने का काम शुरू करिए। एक और काम करना पड़ेगा हमको विदेशीकरण खत्म करने के लिए अपनी खेती का, कि हम लोगों को आदत पड़ गई है हाइब्रिड बीज लगाने की, संकरित बीज लगाने की। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि हाइब्रिड बीज से जो अनाज आप पैदा कर रहे हैं अमेरिका यूरोप जैसे देशों में उस अनाज को जानवर ही खाते हैं, लोग नहीं खाते। और हाइब्रिड द्वारा पैदा किया गया अनाज बहुत ही घटिया क्वालिटी का माना जाता। आप हाइब्रिड से कुछ भी अनाज पैदा करिए किसी भी देश में आप उसको बेच नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने खाने के लिए रख सकते। लेकिन हाइब्रिड द्वारा पैदा किया हुआ अनाज दुनिया का कोई भी अमीर देश खरीदता नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफी का काम। और ये बड़ी भारी गलतफहमी है आप लोगों के मन में कि हाइब्रिड से ही उत्पादन बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अपने जो स्वदेशी बीज थे, जो भारतीय बीज थे, उनके भी उत्पादन कुछ कम नहीं होते। आज से 200-300 साल पहले एक एकड़ में भारत में धान पैदा होता था 65-70 क्विंटल बिना किसी हाइब्रिड सीड के। 1,00,000 किस्म की भारतीय धान की प्रजातियां थी इस देश में। और दक्षिण भारत में मालाबार के इलाके में एक एकड़ में धान पैदा होता था 65-70 क्विंटल 300 साल पहले। तो बिना किसी हाइब्रिड बीज के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के इतना धान पैदा होता था, आज भी हो सकता है बिना हाइब्रिड बीज के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना केमिकल पेस्टिसाइड के। तो आपसे एक तीसरा निवेदन मेरा यह है कि आप ये जो विदेशीकरण कर रहे हैं हाइब्रिड बीज के नाम पर, संकर बीज के नाम पर, इसको कम से कम करिए
और स्वदेशी बीजों का चलन बढ़ाइए। हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक अभियान शुरू किया। अभियान ये शुरू किया है, हम लोग गांव-गांव जाते हैं और लोगों से, किसानों से मिलते हैं, तो एक तरह की बात हर जगह के किसान हमको कहते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आती है, संकर बीज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप बताइए हमको स्वदेशी बीज मिलेगा कहां से, क्योंकि जिस दुकान पर जाओ वहां संकर बीज ही मिलता, जिस कंपनी के पास जाओ वो सब संकर बीज ही बेचते हैं, जिस एजेंसी पर जाओ सब जगह संकर बीज ही मिलता है। तो ये बात सही है कि धीरे धीरे स्वदेशी बीज का चलन खत्म हुआ है, लेकिन फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि ये समस्या तो बहुत बड़ी है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता खोजा कि जहां जहां देश के किसानों के पास स्वदेशी बीज उपलब्ध है वो स्वदेशी बीज लेकर हम बीज से बीज बनाने का एक नया अभियान शुरू कर रहे। जैसे हमको स्वदेशी बीज मिल गया चावलों का, हमारे उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ का इलाका है, जो हिमालय के नीचे का इलाका है, जैसे चमोली है, गढ़वाल है, पौड़ी है, उत्तरकाशी है, टेहरी है वगैरह वगैरह, इस इलाके में स्वदेशी चावल का बीज अभी भी मौजूद है। तो हमारे साथियों ने उसको इकट्ठा करना शुरू किया और वो इकट्ठा करके उस बीज को हम फिर से उत्पादित करके दूसरे गांव के लोगों को वो बीज बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी अपने खेत में लगाओ, बीज पैदा करो, किसी तीसरे को बेचो, तीसरे को कहते हैं कि तुम लगाओ बीज पैदा करो, चौथे को बेचो। इस तरह से बीज बनाने का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया। आप भी ये अभियान चला सकते हैं अपने गांव में। आप ये देखिए कि इस विदर्भ के इलाके में या यवतमाल जिले में ही मान लीजिए कितने स्वदेशी बीज हैं जो बच गए हैं। अगर एक तरफ से सर्वे करने के लिए निकला जाए, सर्वेक्षण के लिए निकला जाए, तो जरूर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गांव यवतमाल जिले में, विदर्भ में ऐसे जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ किसान ऐसे जरूर मिलेंगे जिन्होंने बीज बचा के रखा है, अभी भी जिनके पास स्वदेशी बीज है। तो वो स्वदेशी बीज उन किसानों से लेकर हम जगह जगह, हमारी योजना ये है कि सीड फार्म्स हम बनाएं। जैसे मान लीजिए 20 गांव है या 25 गांव है, तो 20-25 गांव का एक समूह बना दिया जाए और उन 20-25 गांव का समूह बनाकर उन 20-25 गांव के बीज की जरूरत को पूरा करने के लिए उन 20-25 गांव के किसानों से जमीनें लेकर उनमें बीज लगाकर फसल पैदा करके दोबारा बीज बनाया जाए और उन 20-25 गांव के किसानों को बांटा जाए कि भाई आप अपने अपने खेत में अब ये बीज लगाओ और पैदा करो और दूसरों को बेचो। तो संकर बीज से हम बाहर निकलेंगे और स्वदेशी बीज की तरफ हमारी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। और यह स्वदेशी बीज को बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि तत्व तो उसी में है, पोषकता उसी में है, ताकत उसी स्वदेशी बीज में है। संकर बीज में कोई ताकत नहीं है, कोई पोषकता भी नहीं। ऐसे ही भारतीय खेती के विदेशीकरण को दूर करने के लिए एक दो छोटे छोटे काम हमको और करने पड़ेंगे कि अभी हमारी जो मिट्टी में दम नहीं रहा है, धीरे धीरे मिट्टी बेकस हो गई, तो दम नहीं रहा है इस मिट्टी में, इस मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करना होगा। और इस मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, प्राकृतिक तरीके से खेती करने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा ताकि मिट्टी की जो जान निकल गई है वो वापस आ सके। और मुझे भरोसा है और विश्वास है कि 2-3 साल अगर हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग करें तो जरूर आपकी मिट्टी में दोबारा से जान पड़ जाएगी और जरूर तो आपकी मिट्टी में फिर से ताकत आ जाएगी। तो प्राकृतिक खेती की तरफ गंभीरता से सोचिए। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे हैं और जो लोग प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे हैं उनके प्रयोगों से जो परिणाम निकल रहे हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। मेरे कई दोस्त हैं इस देश में जो प्राकृतिक तरीके से अपने खेत में खेती कर रहे हैं और उनका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उनके द्वारा पैदा किए गए उत्पादनों में जो मिठास है, जो उनमें क्वालिटी है, वो किसी भी दूसरे भोजन में मुझे तो नहीं दिखाई देती। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पूरे देश में इस काम में लगे हुए। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि गांव-गांव में प्राकृतिक खेती कैसे की जाए उसके लिए शिविर लगाए जाएं, गांव-गांव में प्राकृतिक खेती कैसे की जाए उसके लिए किसानों के सम्मेलन आयोजित किए जाएं और किसानों की जो संस्थाएं हैं जगह जगह पर वो संस्थाएं किसानों की तरफ से इनको आयोजित करें, सम्मेलन आयोजित हों, वर्कशॉप आयोजित हों, किसानों को समझाया जाए कि प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है और प्राकृतिक खेती के नतीजे क्या निकलते हैं। जिन लोगों ने प्राकृतिक खेती करके नतीजे पाए हैं और उत्साहवर्धक परिणाम उनके आए हैं उन्हीं लोगों को उन सम्मेलनों में बुलाया जाए और उनके माध्यम से चर्चा सत्र गांव-गांव में चलाए जाए, गांव-गांव के किसानों को उसमें शामिल कराया जाए। तो एक रास्ता ये हो सकता है हमारे इस विदेशीकरण से बाहर निकलने का।
और एक विदेशीकरण से बाहर निकलने का और गंभीर प्रयास आपको करना पड़ेगा। आजकल हमारे देश में खेती में मोनोकल्चर आ गया है। मोनोकल्चर माने एक जैसी खेती पूरे देश में होने लगी है। अभी कपास करना शुरू किया तो सबने कपास 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 ही लगा दिया, एक के बाद एक सबने कपास लगाना शुरू कर। फिर सोयाबीन शुरू हुआ तो सबने सोयाबीन 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 ही लगाना चालू कर। एक भेड़ चाल हो गई है पूरे देश में। वो बगल का किसान लगा के बैठा है तो हम भी लगाएंगे। बगल का किसान मरेगा कुएं में गिरेगा, आप भी गिरेंगे। वो सत्यानाश करेगा, आप भी करेंगे अपना। वो पागल हो गया है, आप भी बनेंगे क्या पागल। तो अपनी खेती को इस मोनोकल्चर में से बाहर निकालिए, माने विविधता लाइए उत्पादन में। मैं ये नहीं कहता कि कपास मत करिए, कपास भी करिए, कपास के साथ साथ उड़द भी करिए, मूंग भी करिए, तुअर भी करिए, गेहूं भी करिए, चावल भी करिए, तमाम तरह की विविधता विविधता वाली फसलें करिए ताकि मिट्टी की शक्ति बरकरार रहे। आप जानते हैं वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि कपास के बाद कपास लगाने से खेत खत्म होता है, मिट्टी खत्म होती है। तो कभी भी कपास के बाद कपास मत लगाइए, कोई दूसरी फसल लगाइए, उसके बाद फिर जरूरत पड़े तो कपास लगाइए। तो ऐसे अपनी खेती में विविधता लाइए, और यह विविधता इस तरह से लाइए कि इस देश में दलहन का और तिलहन का उत्पादन लगातार बढ़े, जो लगातार कम होता चला जा रहा। दालों का उत्पादन बहुत कम हो गया इस देश में, तिलहन का उत्पादन बहुत कम हो गया। माने जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ी है और आबादी की जरूरतें बढ़ी हैं, उतनी तेजी से दालों का उत्पादन नहीं बढ़ा। जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ी है उतनी तेजी से हमारे यहाँ तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा। तो अभी भारत के किसानों को बहुत गंभीरता के साथ एक दिशा में यह सोचना पड़ेगा और इसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि हम हमारे देश में दलहन का उत्पादन, दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि दाल भारतीय भोजन में सबसे आवश्यक तत्व है। दाल खाने से आपके सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। सब्जी खाने में बहुत बार पोषक तत्व नहीं मिलते, लेकिन दाल खाने से सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है शरीर को। तो दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, दालों का उत्पादन कैसे बढ़े, और तिलहन का उत्पादन इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको खाद्य तेल चाहिए, खाने के लिए तेल चाहिए। तो दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और मोनोकल्चर में से हमारी खेती कैसे बाहर निकले। कपास के अलावा और भी बहुत सारी फसलें हैं, उन सारी फसलों का हम हमारे खेती में प्रयोग करें और उन फसलों को लगाएं। आप जानते हैं बहुत बार किसान ये कहते हैं कि कपास कैश क्रॉप है, लेकिन कपास के साथ साथ मूंग भी कैश क्रॉप है, उड़द भी कैश क्रॉप है, तुअर की दाल भी कैश क्रॉप है, इसका भी तो पैसा मिलता। ऐसा थोड़ी है कि यह पैसा नहीं मिलता, बल्कि कपास का पैसा तो 3 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, कभी साल भर बाद भी मिलेगा। उड़द की दाल तो जाके आइए, सवेरे बेचिए, शाम को पैसा ले आइए। उड़द की दाल भी कैश क्रॉप है, तुअर की दाल भी कैश क्रॉप है, मूंग की दाल भी कैश क्रॉप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपास ही कैश क्रॉप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊस ही कैश क्रॉप है। उसका पैसा तो 6-6 महीने कभी नहीं मिलता, साल साल भर कभी नहीं मिलता, शक्कर की मिलें बंद हो जाती हैं, फिर आपके पैसे लटक जाते हैं और जो सोसाइटीज होती हैं वो बैंकरप्ट हो जाती हैं, वो पैसा दे नहीं पाती, फिर किसान अपना गन्ना जलाते हैं खेत में पड़े पड़े। तो इस तरह से अपनी खेती को विविधता में लाइए, एक रूपता वाली खेती करना बंद करिए, बदलते चले जाइए। और ये आप सब किसान हैं, समझदार हैं, आपको ज्ञान है, आपको जानकारियां हैं कि कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल लेनी चाहिए जिससे खेती बरकरार, खेती की मिट्टी बरकरार, खेती की उर्वरकता बरकरार, मिट्टी की उत्पादक शक्ति बरकरार बनी रहे। तो यह एक काम करना पड़ेगा, ऐसे ही एक काम और करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के देशों से जो आयात कर रहे हैं अनाज, या बाहर के देशों से जो बीज आयात कर रहे हैं, बाहर के देशों से जो खाने का तेल आयात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर के देशों से जो बीज आ जाता है उस बीज के साथ साथ बीमारियां आ जाती हैं। मैंने आपको बताया कांग्रेसी घास घुस गई इस देश में, अभी मुश्किल हो गई है पूरे देश के लोगों को। बाहर के बीज आते हैं, 50 तरह की दूसरी चीजें घुस जाती हैं उनके साथ। तो इसलिए बाहर के बीजों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, बाहर के अनाज पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, बाहर के तेलों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। और कुछ साल के लिए हो सकता है हमारे देश में कमी हो जाए, तो उस कमी को बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। मैं उस सिद्धांत का मानने वाला हूं जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वास करते थे कि अगर हमारे यहां कोई चीज की कमी है तो उस कमी को सहन करना होगा, ना कि कटोरा लेकर भीख मांगनी होगी दूसरों से जाकर। हमारे घर में कोई चीज की कमी होती है तो उस कमी को बर्दाश्त करते, ऐसा नहीं है कि हर बार पड़ोसी के पास जाते हैं कटोरा लेके कि लाओ भाई हमको ये दे दो। ये नहीं करना पड़ेगा, इससे आत्मसम्मान खत्म होता है, हमारा अपने ऊपर आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। ये काम हमको करने पड़ेंगे।
और भारतीय खेती में जो ज्ञान मौजूद रहा है उस ज्ञान का इस्तेमाल हम सब अपने विवेक के अनुसार करें, जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें। और हमको एक काम और करना पड़ेगा, इस विदेशीकरण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, भारतीय खेती को फिर से उन्नत बनाने के लिए एक और प्रयोग करना बहुत जरूरी है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाएं। वनीकरण का काम बहुत जरूरी है। किसानों की सबसे ज्यादा मदद अगर कोई कर सकता है तो वृक्ष कर सकता है, पेड़ कर सकता है। उसके लिए हमारे देश में वृक्ष आयुर्वेद नाम का पूरा एक शास्त्र ही है, बहुत ज्ञान है उसमें। तो वृक्ष आयुर्वेद का शास्त्र जो कहता है कि कुछ तरह के पेड़ इस देश के किसानों के लिए बहुत ही मददकारी है, बहुत ही जरूरी है। हर गांव में कुछ पेड़ तो जरूरी होने चाहिए, जैसे कड़वे नीम का पेड़ हर गांव में होना चाहिए, जैसे आंवले का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए, पीपल का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए, बरगद का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए, इमली का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए। तो हर गांव में जो होने वाले पेड़ हैं उनके बारे में जानकारी करें आप लोग, और हर गांव में इस तरह के पेड़ लगाएं। नीम का पेड़ लगे, नीम का अभियान पूरे देश में चले, आंवले के पेड़ लगे पूरे देश में उसका अभियान चले, इमली के पेड़ लगे उसका पूरे देश में अभियान चले, बरगद के पेड़ लगे, बड़ के पेड़ लगे, पीपल के पेड़ लगे उसका अभियान पूरे देश में चले। तो जो पेड़ किसानों के बहुत अच्छे मित्र हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हमको करनी ही होगी। और ये काम आप अपने से शुरू करिए, अपने घर से शुरू करिए। कैसे कर सकते हैं, मैं बहुत बार लोगों को अपील करता हूं अपने व्याख्यान में कि हम एक काम कर सकते हैं, अपने घर के बच्चों के जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर के किसी बच्चे के जन्मदिन पर एक आंवले का पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर के बच्चे के जन्मदिन पर एक पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, और हर व्यक्ति अपने बच्चे के जन्मदिन पर और अपने जन्मदिन पर एक नीम का पेड़, एक पीपल का पेड़ या एक आंवले का पेड़ या एक बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ लगाना शुरू कर दे तो इस देश में 98 करोड़ पेड़ हर साल लग सकते, क्योंकि हमारी आबादी 98 करोड़ की, और 98 करोड़ पेड़ अगर हर साल लग सकते हैं तो 5-10 साल में इस देश में जंगल खड़ा हो जाएगा। जो जंगल सत्यानाश किया है अंग्रेजों ने, जिस जंगल का सत्यानाश किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के आधार पर, और जिन जंगलों का सत्यानाश किया जा रहा है आजादी के 50 साल के बाद, वो जंगल हमको फिर से खड़े करने होंगे, क्योंकि जंगल किसानों को बहुत कुछ देते हैं। वनों से उपज तो मिलती ही है, लकड़ी भी मिलती है जो खेती किसानी के बहुत काम आती है। तो हमको जंगलों के लगाने पर बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाना होगा, और मुझे लगता है कि पूरे देश के विद्यार्थियों को इस काम में लगाना चाहिए, पूरे देश के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को एक शिक्षा बचपन से देनी चाहिए कि हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ। तो ये एक संस्कार बन जाएगा इस देश में, और एक व्यक्ति अगर 50 साल भी जिंदा रहे तो एक व्यक्ति 50 पेड़ लगाकर जाएगा। 98 करोड़ लोग अपनी आयु जब पूरी करेंगे, एक पीढ़ी जब जवान होकर मरेगी तो हर पीढ़ी कम से कम 50 पेड़ लगाकर जाएगी, तो 98 करोड़ गुणा 50, एक एक पीढ़ी में करोड़ों करोड़ों पेड़ लगते चले जाएंगे और जंगल बनते चले जाएंगे। जिस तरह से जंगलों का सत्यानाश हुआ है, उन जंगलों को फिर से खड़ा करना पड़ेगा और उनको सघन बनाना पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या होगा, जंगल बढ़ते चले जाएंगे, पेड़ों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, और मिट्टी का कटाव रुकेगा तो बारिश के समय में ये जो मिट्टी बहकर आती है और नदियों में चली जाती है और नदियों का गहराई कम कर देती है, और नदियों की गहराई कम करने से बाढ़ आ जाती है, पानी फैल जाता है पूरे इलाके में, तो ये फिर नहीं होगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा, और मिट्टी का कटाव रुकेगा तो नदियों में मिट्टी आना कम हो जाएगी, और नदियों में मिट्टी आना कम हो जाएगी, सिल्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो बाढ़ की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है। एक अभियान मुझे और लगता है चलाना पड़ेगा इस पूरे देश में, और वो अभियान क्या होगा, वो अभियान ऐसा होगा कि हमारे देश में पिछले कई सैकड़ों वर्षों से नदियां ऐसे ही बहती चली जा रही है जैसे पहले बहती थी, और बहुत मैंने बताया कि कटाव होने के कारण मिट्टी बहुत जमा हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के विद्यार्थियों को और देश के किसानों को कमर कस के एक अभियान पूरे देश में चलाना चाहिए। हम आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से उस अभियान को शुरू करेंगे अगले 1-2 साल के बाद कि नदियों की गहराई बढ़ाई जाए, नदियों में जो मिट्टी आकर जमा हो गई है इस मिट्टी को खींचकर नदियों में से निकाला जाए, और हर नदी में से करोड़ों करोड़ों टन मिट्टी निकल सकती है। देश में 10 करोड़ नौजवान हैं, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार
10 करोड़ विद्यार्थी हैं और भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ बेरोजगार, तो 20 करोड़ बेरोजगारों को इस देश में अगर इस काम पर लगा दिया जाए कि वो कुछ नहीं दिन भर 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे मिट्टी निकालें नदियों में से और मिट्टी निकालकर ढेर जमा करें और वो ढेर कहां डाले जाएं, किसानों के खेत में डाल दिए जाएं, तो किसानों के खेत की जो ऊपर की लेयर है मिट्टी वो बहुत उपजाऊ हो जाएगी, दो काम एक साथ हो जाएंगे, नदियों की गहराई बढ़ जाएगी, वो मिट्टी जो निकलेगी वो गांव के किसानों के काम आएगी और गांव के खेत पर अगर 6 इंच ऊंची एक नई लेयर बिछा दी जाए जो नदियों की मिट्टी है उसकी लेयर बिछा दी जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर खेती की उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो मिट्टी बेकस हो गई है आपकी लगातार केमिकल फर्टिलाइजर डालते डालते लगातार केमिकल पेस्टिसाइड डालते डालते उस मिट्टी को लगातार फिर से उर्वरक बनाने के लिए यह अभियान बहुत जरूरी होगा। तो एक तरफ हमारी नदियों की मिट्टी निकाल दी जाए, उनकी गहराई बढ़ा दी जाए ताकि नदियों में पानी ज्यादा आ जाए और दूसरी तरफ उस मिट्टी को गांव के खेतों में बिछा दिया जाए, 6-6 इंच ऊंची लेयर भी अगर बिछ गई उस मिट्टी से जो करोड़ों टन मिट्टी नदियों में से निकलेगी तो इस देश की खेती को फिर से जिंदा हम कर देंगे। तो यह अभियान बहुत बड़े पैमाने पर चलाना पड़ेगा और यह सामाजिक अभियान होगा। आजादी बचाओ आंदोलन के पास जिस दिन 1 लाख कार्यकर्ता हो जाएंगे उस दिन आजादी बचाओ आंदोलन का संकल्प है कि ये मिट्टी नदियों में से निकालकर इसको गांव के खेतों में पहुंचाने का अभियान हम लोग शुरू करेंगे। नदियों की गहराई बढ़ेगी, बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और इस देश के किसानों की भूमि की उत्पादकता भी वापस लौट आएगी और किसानों को उसमें पूरे बड़े पैमाने पर मदद करनी है। एक काम और करना होगा हमको अपने खेती को विदेशीकरण से बाहर लाने का, कि हमारे देश में जो पहले गांव-गांव में तालाब की व्यवस्था होती थी वो व्यवस्था भी धीरे धीरे टूट गई। अंग्रेजों ने तालाबों का सत्यानाश कैसे किया, जो तालाब हमारे देश के लोगों ने बनाए थे, हमारे पुरखों ने बनाए थे बड़ी मेहनत से, अंग्रेजों ने उन तालाब के रखरखावों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और अंग्रेजों ने उन तालाब के रखरखाव पर ध्यान देना बंद कर दिया, उन तालाब के लिए पैसा देना भी बंद कर दिया, तालाब का जो कभी कभी टूट फूट होती थी उसकी मरम्मत करना भी बंद करवा दिया अंग्रेजों ने, तो धीरे धीरे तालाब खत्म होते गए, सूखते चले गए। और अब इस देश में क्या हो रहा है कि तालाब की जो जमीन होती है उस पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, सरकार उस पर बिल्डिंग खड़ा कर देती, तालाब का तो सत्यानाश होता है वो जमीन भी चली जाती। तो इसलिए हमको गांव-गांव में फिर से तालाबों की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी और गांव-गांव में तालाबों की व्यवस्था इसलिए खड़ी करनी पड़ेगी कि हर गांव में जो बारिश का पानी है वो बहकर गांव के बाहर ना जाए, तालाब में इकट्ठा हो जाए और हर गांव में अगर एक तालाब बन जाए तो निश्चित रूप से मैं गारंटी से ये कह सकता हूं कि गांव के जमीन के अंदर का जो पानी है, जो वाटर लेवल है, वो अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। हर गांव में तालाब हो जाए, हर गांव में तालाब में पानी के इकट्ठे होने की व्यवस्था हो जाए तो हर जगह वाटर लेवल बढ़ जाएगा, हर जगह पानी की सतह ऊपर आ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, स्टोरेज में आ जाएगा। तो तालाबों की व्यवस्था को पूरे देश में एक अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा। राजस्थान में जिस तरह के खूबसूरत तालाब होते थे, दक्षिण भारत में मालाबार के इलाके में, मैसूर के इलाके में जिस तरह के खूबसूरत तालाब होते थे, वैसे ही तालाबों के पुनर्निर्माण का संकल्प हम सबको करना पड़ेगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना पड़ेगा। और सिंचाई की व्यवस्था जो हमारे यहाँ रही, उस सिंचाई की व्यवस्था का गंभीरता से अध्ययन करके आज हमको उसमें से ये बात निकालनी पड़ेगी कि सिंचाई की व्यवस्था में क्या आवश्यक बदलाव करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा पानी की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। फ्लडेड वाटर हमको चाहिए ही नहीं, ज्यादा पानी तो तब चाहिए जब केमिकल फर्टिलाइजर डालें, पेस्टिसाइड डालें, और ये डालना ही हम बंद कर देंगे, गोबर के खाद का इस्तेमाल करेंगे, गोमूत्र का पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा पानी की जरूरत हमारी खत्म हो जाएगी, तो फ्लडेड वाटर की जरूरत नहीं होगी। तो सिंचाई की व्यवस्था को आवश्यक परिमाण में हम बदल लेंगे। 1800 के पहले की जो सिंचाई की व्यवस्था थी उस पर गंभीरता से शोध करना पड़ेगा, 1800 पहले के हमारे देश में तालाबों की जो व्यवस्था थी उस पर शोध करना पड़ेगा और उस शोध में से, उस रिसर्च में से जो निकलेगा उसको फिर से इस्तेमाल करके उसको फंक्शनल बनाना पड़ेगा, उसको ऑपरेशनल बनाना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। और इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश में अन्न की उत्पादकता इतनी बढ़े कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, कम से कम कोई जानवर भी भूखा ना रहे। हम इस बात के पूरे समर्थन में है कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए, अन्न उत्पन्न बढ़ना चाहिए, लेकिन तरीका क्या होगा उसका वो महत्वपूर्ण है समझ। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाला तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अन्न का उत्पादन कैसे बढ़े उस तरीके पर विचार करना होगा।
और यह उत्पादन इतना बढ़ना चाहिए कि कोई भूखा ना रहे और कोई जानवर भी भूखा ना रहे। और अगर कोई जानवर भूख से मरता है और आदमी भूख से मरता है तो यह तो हमारे लिए शर्म की ही बात होगी, क्योंकि भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि जानवर भूखा मरता है, आदमी भूखा मरता है, तो यह शर्म की ही बात होगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमको इस देश में फिर से करनी पड़ेंगी। और अगर हम इस तरह की व्यवस्थाओं को करना शुरू कर देते हैं और इन व्यवस्थाओं को शुरू करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाना शुरू कर देते हैं पूरे देश में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन भारतीय खेती इस विदेशीकरण के चंगुल में से जरूर बाहर निकल आएगी। एक ना एक दिन भारतीय किसान फिर से अपनी उत्पादकता को हासिल कर सकेगा। एक ना एक दिन किसान फिर उसी समृद्धि को वापस पा सकेगा जो 200 साल पहले, 300 साल पहले इस देश में होती थी। ये ठीक है कि हम गुलाम हुए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, ये सत्य है कि उन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया, उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्थाओं का सत्यानाश कर दिया। लेकिन जो व्यवस्थाएं टूट गई अंग्रेजों के आने से, जो व्यवस्थाएं टूट गई अंग्रेजों के शासन पद्धति के आने से भारत में, उन व्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करना ही होगा। और कृषि व्यवस्था उनमें से एक ऐसी व्यवस्था है जिसको अंग्रेजों ने तोड़ा है, जिसको अंग्रेजों के कारण इस देश में तोड़ने का, जो अंग्रेजों ने इस देश में कर्म किया है, उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना ही होगा। क्योंकि भारतीय समाज के मूल में, भारतीय पूरी व्यवस्था के, संस्कृति के मूल में कृषि कर्म है, और भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के मूल में जो कृषि कर्म है उसको उन्नत बनाना ही होगा। और ऐसी स्थिति में ले जाना होगा कि दूसरे देश गर्व करें, दूसरे देश रश्क करें इस बात का, हम गर्व करें और दूसरे देश हमारे ऊपर इस बात का रश्क करें, उनको इस बात की जलन हो कि भारतीय किसानों ने स्वावलंबी तरीके से, भारतीय किसानों ने स्वावलंबी खेती को बनाते हुए किस तरह से अपने जीवन की उच्च ऊंचाइयों तक अपने आप को पहुंचाया है और खेती को इतने उन्नत तरीके से आगे बढ़ाया है। इस तरह के प्रयोग पूरे देश में करने होंगे। एक तरफ शोध का काम चलेगा, दूसरी तरफ इम्प्लीमेंटेशन का काम चलेगा। एक तरफ शोध का काम चलेगा, दूसरी तरफ वो शोध को आचरण में लाने का काम चलेगा। ये दोनों काम एक साथ पूरे देश में चलेंगे और पूरी तरह से ये काम समाज आधारित होंगे। सरकारों को सिर्फ इतना करना होगा कि वो इस तरह के कामों में कोई अड़ंगा न डाले, कोई हस्तक्षेप ना करे। भारतीय किसान में यह क्षमता है, भारतीय किसान में यह ताकत है कि वो अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगा। भारतीय खेती में भी यह क्षमता है कि वो अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगी, लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि सरकारें उसमें हस्तक्षेप न करें कानून बनाकर, और परदेशी कंपनियों को उसमें हस्तक्षेप न करने दिया जाए गैट करार जैसे सिद्धांतों के आधार पर। तो इस तरह की कल्पना हम लोग करते हैं और आजादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से हम इसी तरह का प्रयास पूरे देश में करना चाहते हैं। गांव गांव के किसानों के बीच जाना चाहते हैं, उनको संगठित करना चाहते हैं, उनको खड़ा करना चाहते हैं, उनको उठाना चाहते हैं, उनको उत्पादकता के उस स्तर पर फिर से ले जाना चाहते हैं जो 300 साल पहले हमारे देश में कभी होता था। खेती को उतना उन्नत फिर बनाना चाहते हैं अपने दम पर, अपने पैरों पर, अपने स्वावलंबी तरीके से जो कभी इस देश में हुआ करती थी। ये हमारा सपना है और इसी सपने के लिए हम लोग ये आजादी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। अगर आपको भी लगता हो कि ये जो हमारा सपना है वो आपका सपना बन जाए, अगर हमारा सपना आपका सपना बन जाए, तो हम सब एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं और एक बड़ी शक्ति के साथ इस देश में इस अभियान को चला सकते हैं। इतना ही मैं आपसे कहने के लिए आया था। आपने शांति से सुना, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित 2-3 प्रश्न छोटे छोटे आपके बीच में रखे हैं। सोयाबीन के बारे में जो आखिरी प्रश्न उन्होंने कहा, प्रोटीन के बारे में और डायबिटीज के बारे में, दुनिया में अभी ऐसा कोई अध्ययन नहीं हो पाया है जिससे ये सिद्ध होता हो कि सोयाबीन से डायबिटीज ठीक हो सकता है। सोयाबीन से डायबिटीज ठीक होने की बात कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिए दवा के स्वरूप में और मेडिसिन के रूप में अभी तक दुनिया में कहीं कोई उपलब्ध नहीं है। ये कल्पना जरूर ऐसी है कि सोयाबीन में जो कंपोजिशन है, शक्कर का, जो शुगर का कंपोजिशन है, जो फ्रक्टोज है उसमें, ग्लूकोज है, फिर प्रोटीन है, फिर कुछ और भी चीजें, फैट भी है उसमें, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन से शायद डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलती हो। लेकिन अभी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, ना भारत के वैज्ञानिकों को, ना दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को। ये चर्चा चल रही है, पुस्तकों में चर्चा है, पत्रिकाओं में चर्चा है, अखबारों में चर्चा है,
लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया है। और प्रोटीन के बारे में तो सिद्ध हो चुका है, सोयाबीन द्वारा जो प्रोटीन मिलता है वो किसी जानवर को मिले या किसी व्यक्ति को मिले, वो प्रोटीन बहुत ही जटिल होता है। और जटिल प्रोटीन जो होता है, माने बहुत कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन, और वो जल्दी से पचता नहीं है। माने हम दाल खाते हैं, दाल में से प्रोटीन हमको मिलता है, वो प्रोटीन जितनी आसानी के साथ शरीर में काम में आ जाता है, उतनी आसानी से सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन शरीर में काम नहीं आता। बल्कि सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन एक तरह से शरीर में स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम कोई चीज स्टोर भंडार करके रख लें, वैसे एक भंडार जैसा बन जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता शरीर की ऊर्जा के लिए। इसलिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सोयाबीन का जो प्रोटीन है बहुत संश्लेषित है, बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए दुनिया भर में सोयाबीन खाने की बात कहीं नहीं कही जाती। अमरीका में लोग कभी भी सोयाबीन नहीं खाते, यूरोप में कभी भी लोग सोयाबीन नहीं खाते। मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि यूरोप में सोयाबीन खाया जाता है, सिर्फ जानवरों को खिलाया जाता है, और खासकर जानवरों में भी गाय को कभी नहीं खिलाया जाता, क्योंकि गाय को तकलीफ होती है सोयाबीन खाके। यूरोप में सोयाबीन सिर्फ खिलाया जाता है डूकरों को, सुअरों को, और वहां भी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि चूंकि जटिल है इसलिए आसानी से पचता नहीं, तो डूकर सोयाबीन की खली खाता है तो स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता, मोटा हो जाता, और वो इसलिए डूकर को खिलाते हैं क्योंकि डूकर का मांस उन्हें खाना। तो सोयाबीन खाया हुआ डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता है, मोटा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मांस ज्यादा मिलता है, इसलिए डूकरों को सोयाबीन खिलाने की परंपरा है। और वो भी सब देशों में नहीं है, सिर्फ हॉलैंड में है। मैं हॉलैंड जा चुका हूं और मैंने वहां पर देखा है कि उससे जो है दूसरे तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है कि डूकर का मांस जो खाया किसी ने और वो सोयाबीन खाया हुआ डूकर है, तो उन लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती है। जो सोयाबीन खाता है डूकर, डूकर का मांस जो लोग खाते हैं, तो लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती हैं जो डूकर का मांस खाते हैं सोयाबीन वाला। इसलिए पूरे हॉलैंड में सोयाबीन का बहिष्कार कर दिया है, वहां कोई किसान सोयाबीन नहीं करता, यूरोप में भी कोई किसान सोयाबीन नहीं करता। भारत में हॉलैंड की एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम है सीजवॉन वीवी। तो सीजवॉन वीवी कंपनी आई थी सोयाबीन का बीज लेकर सबसे पहले, और मध्य प्रदेश में उस समय जब सरकार चलती थी, आज से ये करीब 15-20 साल पहले की बात है, तो मध्य प्रदेश सरकार को वो बीज मुफ्त में दिया गया था और कहा गया था कि आप अपने किसानों को अगर ये बीज बांटें तो हम आपके पैदा किए हुए सोयाबीन को पूरा खरीद लेंगे और आपको विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो इस लालच में मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का बीज बांटना शुरू किया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के माध्यम से। पहले मध्य प्रदेश में फैला सोयाबीन, अभी फैलते फैलते महाराष्ट्र में आ गया, थोड़ा गुजरात में भी चला गया, उत्तर प्रदेश में भी चला गया है, लेकिन अब करते करते खेती इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ उसमें से फल नहीं निकलता। एक बात जो आपने कही कि सोयाबीन की खेती के बाद कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, तो ये बात तो किसी दूसरी फसल पे भी सच है। आप कोई भी दलहन की खेती करें, कोई भी दाल करें, तुअर की करें, उड़द की करें, मूंग की करें, उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। कपास की फसल का अच्छे होने का एक छोटा सा सिद्धांत है कि जिस खेत में प्रोटीन ज्यादा देने वाली कोई भी अनाज पैदा की गई हो, अनाज की फसल ली गई हो, उसमें उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। और इसी तरह से एक और दूसरी छोटी सी बात है कि तुअर की दाल लगा दीजिए किसी खेत में, उसके बाद गेहूं लगाइए, गेहूं हमेशा उसमें अच्छा होगा। तो जो भी दाल है, दाल की फसल लेने के बाद अगर आप गेहूं लेंगे उसमें, तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही कपास की फसल अच्छी लेनी है तो पहले उस खेत में अगर दाल लगा देंगे आप, तो दाल के बाद कपास लगाएंगे तो हमेशा, कोई भी दाल लगाइए, मूंग की लगा दीजिए, उड़द की लगा दीजिए, तुअर की लगा दीजिए, किसी भी किस्म की दाल लगा दीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती हो, तो हमेशा कपास की फसल अच्छी होगी। सिर्फ सोयाबीन से कपास की फसल अच्छी होती है, इससे भी ज्यादा सच ये है कि किसी भी तरह की दाल की फसल आप लगाएं तो उसके बाद कपास की फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है। और ये जो फसल चक्र का एक सिद्धांत है, और शायद इस देश में सभी किसान जानते थे आज से 200-300 साल पहले तक, लेकिन ये जो परदेशियत आ गई, विदेशीकरण हो गया हमारी खेती का, तो वो फसल चक्र का जो हमारे ज्ञान थे वो खत्म हो गए, टूट गए धीरे धीरे। तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, ये ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा, जो गांव के पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने पुरानी खेती की है उनसे मिलेगा कि आप क्या करते थे अपने जमाने, क्योंकि किताबें इस पर ज्यादा लिखी हुई नहीं है, ज्यादा इस पर
प्रकाशित साहित्य नहीं है। जो साइंटिस्ट लिखते हैं, जो किताबें बनाते हैं, वो भी एजम्पशंस के आधार पर है, अनुमानों के आधार पर है। तो उसका ज्यादा वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण जानकारी सीधे गांव में ही मिल सकती है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोग कर सकें, इसी में मुझे याद आ गया कि हर गांव में इस तरह की फसल की जो व्यवस्था होती रही पिछले कई वर्षों से, उसके बारे में कुछ लिखित काम शुरू कर दिया जाए। जैसे मुझे दिगरस गांव में, दिगरस गांव में 10 तरह की फसलें होती हैं या 50 तरह की फसलें होती हैं, तो पिछले 50 साल में इनमें क्या बदलाव आया है, 50 साल पहले ये फसलें किस तरह की, 50 साल के बाद किस तरह की फसलों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया है, किस तरह की फसलों का परसेंटेज बढ़ गया है। अगर ये छोटा छोटा एक सर्वेक्षण का काम हर गांव में शुरू कर दिया जाए, तो ये जो झगड़ा है कि सोयाबीन के बाद क्या करें या गेहूं के बाद क्या करें या कपास के बाद क्या करें या ऊस के बाद क्या लगाएं खेत में, धान लेने के बाद क्या लगाएं, ये झगड़े उसमें से सुलझ जाएंगे और वो ज्ञान जो हमारे पास था वो वापस हमारे पास लौट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में जो नौजवान साथी हैं, जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। और इस तरह का काम शुरू करने में गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वड़ील हैं, उनकी बड़ी भारी मदद हो सकती है, जिन्होंने पिछले कई सालों से खेती की है, जिनको इस बात का अंदाजा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास शुरू होना चाहिए। और कई बार किताबों में, खासकर पत्रिकाओं में, बहुत बार ऐसी माहिती आती है जो विदेशों से इंपोर्टेड होती है। सोयाबीन के बारे में जितनी माहिती भारत की पुस्तकों में छपती है, सब विदेशी माहिती है, क्योंकि सोयाबीन हमारी फसल कभी नहीं थी। ये हिंदुस्तान में 20-25 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि सोयाबीन क्या होता है। ये पूरी तरह से इंपोर्टेड फसल है और इंपोर्टेड कृषि का ये जो है पद्धति है सोयाबीन पैदा करने की। तो ये जो विदेशों से आने वाली जानकारी है, उसको सीधी तरह से कभी स्वीकार ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है विदेशों में कोई एक जानकारी सच हो वो हमारे यहां भी सच हो, बिल्कुल जरूरी नहीं। हो सकता है वहां बहुत गलत हो और आपके यहां सच हो जाए, हो सकता है वहां सच हो आपके यहां गलत हो जाए, क्योंकि फसल चक्र जो होता है वो मौसम के हिसाब से बनता है और फसल की किसी भी स्थान पर उत्पादन की जो शक्ति होती है वो वहां की स्थानीय मिट्टी और जलवायु के आधार पर बहुत निर्भर करती है। तो हॉलैंड के लिए कोई बात एक सच हो सकती है, वो भारत के लिए सच नहीं होगी। हॉलैंड का मौसम एक तरह का है, भारत का मौसम दूसरी तरह का। तो सोयाबीन हॉलैंड के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जा सकती है, भारत के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी फसल होगी। इसलिए परदेशों से कोई जानकारी आ गई है और उसको हम सत्य मान के काम करना शुरू करेंगे तो कई बार धोखा उसमें ज्यादा होता है। उसको अपने विवेक से परखें और अपनी बुद्धि से उसका टेस्ट करें और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें और तब उसको फॉलो करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल पूछा किया है कि, और कल मैंने देखा भी इनका जो खेत है, मैं कल इनका खेत देखने गया था, तो उन्होंने ज्वारी लगाई है हाइब्रिड और बिना केमिकल फर्टिलाइजर के और बिना पेस्टिसाइड के, बिना रासायनिक खाद के, बिना रासायनिक कीटनाशक के। तो उनका जो प्रश्न है कि बिना रासायनिक खाद के, बिना रासायनिक कीटनाशक के, अगर हम हाइब्रिड ज्वारी लगा सकते हैं तो उसको लगाएं कि नहीं लगाएं? मुझे लगता है कि जरूर लगाएं, वो एक कदम स्वदेशी होने का हो जाएगा। लेकिन उससे अगला कदम स्वदेशी होने का तब पूरा होगा जब आप अपने ही देश की ज्वारी लगाएंगे बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना केमिकल पेस्टिसाइड के। एक कदम स्वदेशी आप हो गए कि आपने रासायनिक खाद छोड़ दिया, रासायनिक दवा छोड़ दी और बीज लगाया, भले ही वो हाइब्रिड क्यों नहीं है, लेकिन बिना खाद के, बिना कीटनाशक के, अच्छा किया आपने। लेकिन इससे भी एक कदम आगे हम जा सकते हैं कि हम फिर दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार अपनी ज्वारी का बीज जो संकरित नहीं है उसको लगाएंगे बिना केमिकल फर्टिलाइजर के और बिना पेस्टिसाइड के। हाँ, घर के काम में आता, क्योंकि चारे की समस्या अभी होने लगी है पूरे देश में। तो उनका जो कहना है 400 नंबर का जो बीज है और 401 नंबर का जो ज्वारी का बीज है, उसमें वो डंडा बहुत बड़ा होता, ऊपर की बाली तो होती ही है लेकिन बाली के नीचे जो डंडा होता है, क्योंकि वो जानवर के खाने के काम में आता है। सामान्य रूप से वो बीज अच्छा माना जाता है जिसमें 3 गुना चारा पैदा हो, 1 गुना अनाज पैदा हो। सबसे अच्छे बीज की कल्पना ऐसी है। एक साधारण रूल अगर बनाया जाए, नियम बनाया जाए, तो कोई भी बीज अगर 1 किलो अनाज दे रहा है और 3 किलो भोजन दे रहा है पशुओं के लिए, तो वो सबसे अच्छा बीज माना जाता है।
ये हमारे यहां तो रही है मान्यता हजारों साल से, दूसरे देशों में भी इस तरह की मान्यता रही है पिछले कई वर्षों से। तो वो जो मैंने कल देखा उसका पौधा बहुत लंबा है, करीब करीब 1.5-2 मीटर लंबा है, और वो 1.5-2 मीटर लंबा पौधा है तो जरूर इस देश के जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो सकती है इस तरह की फसल लगाने से। और मैंने कल आपसे कहा कि अगर पशुपालन बढ़ाना है तो पशुओं को चारा ठीक से मिले इसकी व्यवस्था भी हमको करनी ही होगी। तो हमको जानबूझकर ऐसी फसलें लगानी होगी जिससे पशुओं का चारा भी बेहतरीन तरीके से हमको मिल सके, और उसके लिए वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इन चार तरह के प्रश्न काका जी ने पूछे हैं। एक तो पहला प्रश्न उन्होंने किया कि हमारे देश का जो खेती से विषयक ज्ञान है, तंत्र ज्ञान है, तकनीकी है, तो उनके प्रश्न में जो महत्वपूर्ण बात मैं समझ पाया वो ये कि 300 साल पहले कोई तंत्र ज्ञान था, कोई खेती थी, कोई पद्धति थी हमारी, और आज हम एक तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं, और पिछले 300 साल में काफी व्यवस्थाएं टूट गई हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि सबकी सब वही व्यवस्थाएं वापस फिर जिंदा हो सकती हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएंगी, सब तो जिंदा नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो व्यवस्थाएं हमारे यहां चलती थी, तकनीकियां जो चलती थी खेती में, उनमें से 2-4-5% या 10% या 15% या 20% जिंदा हो सकती है। कल मैंने जैसे कहा कि हमारे देश में 300 साल पहले सिंचाई की एक ऐसी पद्धति थी जिसमें तालाबों से सिंचाई सबसे ज्यादा होती थी, और इस देश में करीब 7.5 लाख तालाब थे, हर गांव में एक तालाब था। आज तालाबों की संख्या बहुत कम है पूरे देश में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 300 साल पहले जो तालाब थे वो आज हो सकते हैं, वो पद्धति फिर से जिंदा हो सकती है तालाबों की। इसी तरह से 300 साल पहले मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए, मिट्टी को अच्छा बनाए रखने के लिए जो जीवाणुओं की पैदावार होती थी खेती में, मिट्टी में, वो जीवाणुओं की पैदावार आज बहुत कम हो गई है केमिकल फर्टिलाइजर के कारण और पेस्टिसाइड के कारण। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल अगर खेती को हम ऑर्गेनिक पद्धति से करें तो ये जीवाणुओं की संख्या फिर बढ़ जाएगी, करोड़ों करोड़ों की संख्या में जीवाणु फिर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से खेती करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जीवाणु बढ़ते चले जाते हैं। यहां आपके गांव के 2-3 भाई हैं जिनके घर पे मैं ठहरा हुआ हूं, उन्होंने केचुओं को पालने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। अब ये केचुओं के पालने का जो प्रोजेक्ट है, हर एक के खेत में मान लीजिए 1-1 किलो केचुए डाल दिए जाए, या 10-10, 50-50, 100-100 केचुए 1-1 के खेत में डाल दिए जाए, तो आप देखेंगे साल भर के अंदर उनकी संख्या लाखों में हो जाएगी। और आप जानते हैं कि एक केचुआ पूरे दिन में 15-20 बार ऊपर आता है और फिर नीचे जाता है, वो ऊपर आता है सांस लेने के लिए, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। तो 15-20 बार अगर केचुआ ऊपर आएगा फिर वापस नीचे जाएगा, तो निश्चित रूप से वो एक तरह की कैपिलरी ट्यूब बनाता है जमीन के अंदर, और वो जो कैपिलरी ट्यूब बनती है जमीन के अंदर, तो जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी सीधे नीचे जाएगा जो केंचुए ने जमीन बनाई है उसमें से। और लाख केंचुए आपके 1 स्क्वायर किलोमीटर के खेत में हैं, तो करोड़ों टन मिट्टी को उलट पलट कर देंगे वो साल भर में। तो एक दूसरी पद्धति जो 300 साल पहले थी उसमें से ये है जिसको हम जिंदा कर सकते हैं। ऐसे ही एक चीज शायद जिंदा नहीं कर पाए, जो मैं कल कह रहा था कि 300 साल पहले हमारे यहां धान के 1 लाख बीज थे, सरकार भी कहती है इस बात को, तो धान के 300 साल पहले 1 लाख बीज थे, अब शायद वो जिंदा नहीं हो पाएंगे, उनमें से सिर्फ 15-20 या 50 बीज या 100 बीज शायद जिंदा हो जाएं, सब जिंदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीज ही खत्म हो गए हैं, तो बीज से बीज बनाना अभी तो बहुत मुश्किल है। तो ये जो स्वदेशी बीज की कल मैंने बात कही थी, शायद उसमें हम वो नहीं कर पाएंगे जो 300 साल पहले थे, लेकिन उसमें एक कदम हम चल सकेंगे, और वो एक कदम चलने का काम ऐसा होगा कि मान लीजिए 10 धान के बीज बचे हैं स्वदेशी, या 50 बचे हैं, या 100 बचे हैं, उन्हीं को मल्टीप्लाई अगर करते रहें तो हो सकता है 10 साल के बाद हम 1000 धान के बीज बना लेंगे।